और कार्य तो आप अब लगभग फॉर्मली हो चुकी है। क्रांति समय हमारे बीच में जो सुरेश मौर्या जी, आप क्या सुन पा रहे हैं? आपको हमने इसमें को होस्ट भी बनाया है, तो कृपया जो हमारे साथी हैं जो इसमें एंट्री कर रहे हैं, सभी जो अतिथिगण और सब, उसको कृपया आप मॉनिटर करिएगा, क्योंकि ये फ्लो जो आता है उसको अकेले हम दोनों तरफ से डील कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हर बार की तरह आपको भी इस बार इसमें को होस्ट बनाया गया है, तो कृपया इसका जरूर ध्यान रखेंगे, और हमारे बीच में अन्य जो भी साथी हैं उनको भी हम इसमें को होस्ट बनाएंगे, तो आप लोग कृपया इसमें मदद करेंगे। तो चलिए अपन कार्यक्रम की फॉर्मली शुरुआत करते हैं। और अभी हालांकि हमारे बीच में पूरे अतिथिगण हमारे नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इस जो कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथिगण हमारे बीच में रहेंगे, उनमें से कार्यक्रम में जैसे हमेशा की तरह हमारे अध्यक्ष महोदय जो चेयरमैन है कार्यक्रम के, वो माननीय श्री राहुल सिंह जी, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त वर्तमान, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित होंगे। और कार्यक्रम में हमारे आज विशिष्ट अतिथि के तौर पर, हमें काफी प्रसन्नता है यह बताते हुए कि हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर जस्टिस श्री कल्पेश झवेरी जी हैं और डॉक्टर राज कचरू जी हैं। और ये दो विभूतियां ऐसी हैं जो इस फील्ड में, जो आज का हमने टॉपिक रखा है इसके विषय में, एक नेशन वाइड और पूरा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ में इन्होंने काम किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं जस्टिस कल्पेश झवेरी जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यद्यपि उनका उनका इंट्रोडक्शन किसी के लिए मोहताज नहीं, आप सभी जानते हैं, थोड़ा भी यदि आप गूगल में जाएंगे, नाम डालेंगे, तो पूरा डिटेल्स आपको विकिपीडिया में आ जाएगा। तो वो हमारे बीच में आज रहेंगे, वो उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हुए हैं और राजस्थान और गुजरात हाई कोर्ट में भी वो न्यायाधीश के पद पर रहे हुए हैं। वो कार्यकारी चेयरमैन के तौर पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी राजस्थान में पदस्थ रहे हुए हैं। वो ऑनररी सेक्रेटरी गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के रहे हुए हैं और आप विभिन्न प्रकार से, आपने एक एडवोकेट्स के तौर पर, पैनल एडवोकेट्स के तौर पर GSRTC, AFMC, FCI और गुजरात पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल, इस तरह से आपने विभिन्न ऐसी संस्थाओं में आपने अपनी सेवा दी हुई है एक वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर, और आज हमारे बीच में आप हैं, हमें इसकी बहुत प्रसन्नता है और हम निश्चित तौर पर आपके इस अनुभव और ज्ञान से बहुत कुछ सीखेंगे। और ये व्यवस्थाएं अन्य जो भी हमारे राज्य के लोग इसमें जुड़ेंगे वो कैसे अपने अपने राज्य में लागू कर पाएंगे, आप इसमें मार्गदर्शन करेंगे। फिर हमारे बीच में डॉक्टर राज कचरू जी हैं, जो आप अध्यक्ष हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस के, आप अध्यक्ष हैं और आप अमन कचरू ट्रस्ट नई दिल्ली, उसके आप फाउंडर ट्रस्टी भी हैं। तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज आप हमारे बीच में हैं, और आपका इंट्रोडक्शन तो बहुत बड़ा है, फिर भी हम आप लोगों को बता दें कि आप प्रोफेसर रहे हैं वाटर एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड में, आपने वहां पर काम किया है इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, आयरिश एड और डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इस तरह से संस्थाओं में आपने काम किया हुआ है, उनसे मिल करके आपने प्रेस्टिजियस जर्नल्स, इंटरनेशनल जर्नल्स में आपके लेख हैं, और आपने MSc PhD स्टूडेंट्स को बहुत सारे, उनको गाइड आपने किया हुआ है। आप राघवन कमेटी में थे जिसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की थी, जिसमें आपने रैगिंग के विरुद्ध जिस तरह से ये चलता है उसमें आपने अपने बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस और सुधार आपने दिए हुए हैं। आपने 181 जो हेल्पलाइन है, कॉल सेंटर है, उसको इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर द वीमेन हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर सिस्टम से WHLOSC उसको बोलते हैं, उसके लिए आपने काम किया है। आपने एक्सेस टू जस्टिस, एक्सेस टू सोशल वेलफेयर, एक्सेस टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, आपने इन सभी के लिए काम किया हुआ है। और आज हमें प्रसन्नता है कि आप हमारे बीच में हैं और आप वर्तमान में छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय में आपने WHL और OSC इम्प्लीमेंटेशन कैसे बेहतर ढंग से हो, आप उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही हमें खुशी की बात है कि आप आज हमारे बीच में हैं। और
जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम में श्री शैलेश गांधी जी भी हमेशा ही अपना मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में वो कतिपय कारणों से हमारे बीच में नहीं जुड़ पाए हैं, तो उन्होंने मैसेज दिया था, तो इसके लिए हम आप सभी को सूचित करते हैं। हमारे बीच में श्री आत्मदीप जी रहेंगे, जो कार्यक्रम के एक विशिष्ट अतिथि के तौर पर अपना सदैव मार्गदर्शन देते हैं, हम उनको इसका एक अभिनंदन ही मानते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य सूचना आयुक्त रहे हैं और हमारे बीच में श्री प्रवीण पटेल जी, एक बहुत ही अच्छा नाम है जो सोशल सेक्टर में काम करने वाला और सामाजिक क्षेत्र में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ वगैरह में आपने आदिवासियों के क्षेत्र में जाकर के 20 साल ग्राउंड में आपने काम किया हुआ है। फिलहाल आप ऑनरेरी ट्रस्टी हैं फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के, नेशनल फेडरेशन के आप ट्रस्टी हैं और आप कोऑर्डिनेटर हैं, और ये जो कार्यक्रम है विशेष तौर पर इतनी महान विभूतियां आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारे बीच में उपलब्ध हुए हैं, वो सब आपकी ही एक तरह से वजह से, क्योंकि आपने आप पहले से संबंधित हैं उनसे और हम लोगों को सबको उनका मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आपने उनको इनवाइट किया है, तो इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर तो एक्चुअली मैं अनम्यूट करने के लिए यहाँ पे आग्रह करूंगा जो हमारे विशेष विशिष्ट अतिथि हैं, सुरेश मौर्य जी, क्या आपने हमारे बस एक मिनट का आप लोग समय देंगे तो मैं थोड़ा सा ये कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं उसको अपन डील कर लें। जवरी सर आ गए हैं, इनवाइट कर लीजिए। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें माननीय श्री राहुल सिंह जी को इनवाइट करूंगा कि वो कार्यक्रम में, एक सेकंड सर, अपने आप को अनम्यूट कर ले कार्यक्रम के थोड़ा सा विषय में, क्योंकि आप वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त हैं, हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, तो कार्यक्रम को थोड़ा सा कैसे इंटीग्रेट करें, किस तरह से अपना विचार इसमें वो रखें और आरटीआई से जोड़ करके कैसे इस पूरे कार्यक्रम पर एक ओवरव्यू दें। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद शिवानंद जी, और जिस तरह ये जो हमारी बात हुई थी, जिस तरह से ये इसमें आप बता भी रहे, सुबह चर्चा भी हुई थी आपसे कि ये जो जो लीगल एड की जो सेवा होती है उसको फंडिंग भी मिलती है, और इसीलिए पब्लिक फंड का वहां आने से, खासतौर से अगर मध्य प्रदेश के नियम की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश फीस अपील नियम 2005 है, उसमें ये स्पष्ट है कि किसी भी संस्था या किसी भी निकाय में जहां पर 50,000 का भी अगर इन्वेस्टमेंट हो जाता है सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसके ऊपर सूचना का अधिकार कानून लागू हो जाता है। और इसीलिए इस दायरे में अगर ऐसी कोई भी संस्था जो कि विधिक सहायता देती है और उसको गवर्नमेंट की फंडिंग मिलती है, तो उसका कामकाज जो है वो आरटीआई के दायरे में आता है। और इसमें पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए आप कोई भी चाहे तो वो, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव के तहत ये पूरी पूरी कार्रवाई होती है, कोर्ट से फंड उसको मिलता है, हाई कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व रहता है, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था है जिसके तहत ये पूरा प्रावधान बनाया जाता है फंडिंग का, तो वो आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि किस क्या काम क्या किया गया। और इस तरह से मुझे लगता है कि जवाबदेही सुनिश्चित होगी, और इसमें हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं पूरे जो पैनल में, तो मुझे लगता है कि उनको हम सुनेंगे तो और ज्यादा बेहतर तरीके से इसकी बारीकियों को हम समझ सकते हैं। धन्यवाद शिवानंद जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके महत्वपूर्ण शब्दों के लिए, और मैं सीधे अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ता हूं। और हमारे बीच में जो माननीय उड़ीसा हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस माननीय श्री कल्पेश झवेरी जी हैं, हम उनको सादर इनवाइट करते हैं कि कृपया वो कार्यक्रम में अपने विचार रखें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी हैव अ इश्यू रिगार्डिंग द लीगल एड एंड द लीगल क्लिनिक एंड द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। Let me tell you, we should be constructive on the right, and I will put you a suggestion where we can have a better result instead of improving the system. If we have a more
assistant at the local level, taluka level. If somebody is, we can appoint somebody in every taluka to follow the victim of a different scheme. Suppose if the somebody is victim of rape or murder or anything, they are entitled for immediate compensation. Similarly, if the High Court or any court pass any order 357A, that we can recover under the Legal Aid Services Authority. Then under the Legal Services Authority, there are different schemes. And we can appoint our local authority at the taluka level and find out at the local level who are entitled for the benefit under the different scheme. My personal feeling Legal Services Authority, if we implement the scheme and try to reach them by different mode, and we should activate our local workers and find out who are connected with the, because Legal Services Authority are also appointing their representative at the taluka level, and they are being paid per day, per visit. And if we can channelize that channel, then we will get better result. I quite see the suggestion which are put forward by us are at a very large level. And let me tell you, persons who are in authority, and some of you were also in authority, when we are in power, we would not like to accept the suggestion. We always want to act. And there are very few people who accept the suggestion and try to implement it. Therefore, keeping in that mind, let us take the benefit of the scheme which are available and find out the channel, which is the best channel to implement. Otherwise, I can tell you, during my tenure from 18th of October 2017 till 10th of August 2018, if you look at the record of the Rajasthan Legal Services Authority, we have reached to the grassroots level. I have done camp at the smallest place of the taluka and given all benefits of different government scheme. And we will holding mega camp. We can also suggest name of the persons who are entitled when the mega conducted by the district level. हमें लगता है कि कुछ सर हमें मुझे लगता है सर सजेशन एंड वी शुड ट्राई टू इंप्लीमेंट द मैक्सिमम बेनिफिट टू द ग्रासरूट लेवल एट द रूरल लेवल. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद सर. और कार्यक्रम में हम आगे इस पे और भी चर्चा करेंगे और डिस्कशन आगे भी होगा. हम कार्यक्रम में सीधे इनवाइट करते हैं हमारे अन्य अगले विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजेंद्र कचरू जी को, और जो कार्यक्रम में आगे अपना वक्तव्य रखेंगे. सर स्वागत है आप. नमस्ते. मैं आपके साथ सर कुछ आज एक कुछ शेयर करूंगा, स्क्रीन शेयर स्लाइड्स का, अगर आप हमें इजाजत दे देंगे तो आई वांट टू यूज. आज मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करना चाहता हूं. आप शेयर स्क्रीन का परमिशन देंगे मुझे? सर यू आर ऑलरेडी अ को-होस्ट एंड आई थिंक यू हैव दैट परमिशन. ओके ओके, देन आई विल ट्राई. अगर मुझसे होगा पीपीटी है. आपको दिखाई पड़ रहा है मेरा स्क्रीन? जी सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है. कैन यू सी माय स्क्रीन? मैं ये अंग्रेजी में लिखा हुआ तो मैं हिंदी में बात करूंगा, लेकिन मैं जरा 10-15 मिनट इसके बारे में बात करूंगा आज,
उसके बाद जो सवाल होंगे उनका तो जवाब दे ही देंगे। ये मैंने ये पहला स्लाइड जो है सुप्रीम कोर्ट का ई कमिटी से उठाया है, जो उन्होंने इस साल के जो फेज थ्री है, जो उनका फेज थ्री का प्रोग्राम है, उसमें उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें कही हैं, लेकिन उसमें ये एक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया है कि अब जस्टिस सिस्टम जो है वो एक वो बोलते हैं इट इज नॉट अ सॉवरन फंक्शन, ये एक एक्टर नहीं है इसमें, एक सिर्फ अदालत का काम नहीं है, बट ए कलेक्टिव बॉडी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स इंटीग्रेटेड थ्रू टेक्नोलॉजी। तो जो वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किया था, एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस इज नॉट जस्ट अ सॉवरन फंक्शन बट एज अ सर्विस विच इज टू बी प्रोवाइडेड टू द कम्युनिटी बाई डिफरेंट एक्टर्स एंड द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन टूवर्ड्स ईजियर टूवर्ड्स बेटर जस्टिस डिलीवरी इज द प्रिंसिपल जो इन्होंने एस्टैब्लिश किया है सुप्रीम कोर्ट ई कमिटी के थर्ड फेज में। तो ये एक इसका मतलब है कि एक अकेले, चाहे वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हो चाहे वो कोई मिनिस्ट्री हो, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसको मदद चाहिए, सभी लोगों को मिलके इस पर काम करने की जरूरत पड़ती है, तभी जस्टिस सिस्टम बनेगा, किसी को जस्टिस मिलेगा। और मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका क्या मतलब है आगे। तो ये एक सिस्टम मैं डाल रहा हूँ सामने कि जिसको हम सखी सिस्टम बोलते हैं। तो इसके तीन मेजर कंपोनेंट्स है, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। एक तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्पलाइन, जिसको हम यूनिवर्सल एक्सेस सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद विमेन के लिए वन स्टॉप सेंटर है, जो कि औरतों को जो विक्टिम्स ऑफ वायलेंस है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल वायलेंस है, क्राइम है, किसी किस्म का है, तो इट गिव्स देम एक्सेस टू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पूरा का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। और जस्टिस जहां है तो द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इज एट द प्राइम। ये तीन जो है, ये समझ लीजिए न्यूक्लियस बॉडी है, ये तीनों को इकट्ठे काम करना पड़ेगा टू प्रोवाइड जस्टिस टू एनीबडी। लेकिन उसके साथ जो ऊपर के ये डिब्बे मैंने बनाए हैं, जैसा इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, चाइल्ड लाइन है, नालसा का 15100 है, एम्बुलेंस है, और बाकी सोशल मीडिया के मेथड्स हैं, पोर्टल्स हैं, दीज आर द प्लेसेस वेयर पीपल कैन प्रोवाइड, कैन रजिस्टर देयर कंप्लेन। यहाँ ये रजिस्टर करेंगे कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, बच्चा है तो 1098 पर करेगा, एमरजेंसी है तो एम्बुलेंस ही करेगा या पुलिस को बोलेगा, सबसे ज्यादा तो पहले पुलिस को बोलते हैं। तो ये सब को मिलाने के लिए ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्पलाइन बनाया है कि जितने भी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, चाहे कहीं के भी वो हो, तो ये एक जगह सब इंफॉर्मेशन जुड़ जानी चाहिए, उसके बाद ही तो प्रोसेस होगा उसको एक्सेस देने का, जस्टिस का। उसके बाद जो है स्टेट में ये सेंटर्स हैं, इनको भूल जाइए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो एग्जिस्टिंग सेंटर है, जैसा महिला शक्ति केंद्र है, महिला शक्ति केंद्र का क्या काम है कि जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जितना भी नालसा के वेलफेयर स्कीम्स हैं, जितना सोशल वेलफेयर के हैं, जितने बाकी माइनॉरिटी कमीशन के वेलफेयर स्कीम्स हैं, इनकी जान पहचान देना, इनको असिस्टेंस करना। डिस्ट्रिक्ट पुलिस में तो कोई बोलने की जरूरत नहीं है। चाइल्ड लाइन कोलाबरेशन जो है, ये एक यूनिट है डिस्ट्रिक्ट में, चाइल्ड लाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक चाइल्ड लाइन कोलैबोरेशन यूनिट होता है, और डीसीपीएस डीसीपीयू जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। तो ये बच्चों का एक्सेस टू जस्टिस दोनों साइड में है, एक तो एक्सेस केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए है, और दूसरा जो है उनको इफ दे आर फेसिंग क्राइम एंड दे आर इन द ऑब्जर्वेशन होम्स एंड सो ऑन, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ये इनके साथ जुड़ना पड़ेगा इन ऊपर के तीन सिस्टम्स को। उसके बाद जितने भी बाकी हैं, जो रूरल आउटरीच में हम बोलते हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, विलेज लेवल वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, महिला पुलिस वॉलंटियर्स हैं, विमेन पुलिस डेस्क हैं, फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स हैं, शेल्टर होम्स हैं, प्रो बोनो वकील हैं बहुत सारे, और बहुत सारे ग्रास रूट एनजीओज हैं, जैसे फेडरेशन की मेंबरशिप है। तो ये सब इन सब को जब जोड़ेंगे आप, तभी जस्टिस सिस्टम बनेगा। इनमें से अकेले एक एलिमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकता,
अभी तक जो सिस्टम हिंदुस्तान में अभी तक आया है, जो हम इतने सालों से करते आ रहे हैं, जब जैसा जुडिशरी करता है तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अलोन, वो अकेले काम करते हैं, महिला शक्ति केंद्र अकेले काम करते हैं, चाइल्ड लाइन कोलाबरेशन अकेले काम करते हैं, तो ये नहीं, दे कैन नॉट कम्प्लीटली प्रोसेस द एंटायर, पूरा का पूरा सिस्टम वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज उनको किसी न किसी की जरूरत जरूर पड़ेगी। मैं आपको आगे समझा देता हूँ, ये जैसा वन स्टॉप सेंटर है, वन स्टॉप सेंटर का काम है पांच चीजें करना, एफआईआर करना, एफआईआर में मदद करना, और डीआईआर, अगर अगर डोमेस्टिक वायलेंस है तो डीआईआर में मदद करना, फॉरेंसिक मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल एड की मदद करना, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर 164 स्टेटमेंट जो मैजिस्ट्रेट के सामने उसके लिए करना, और काउंसलिंग उसके लिए, उसको 164 स्टेटमेंट को देने से पहले समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि कैसे 164 स्टेटमेंट दिया जाए। उसके बाद जो चौथी लेवल, लास्ट लेवल जो है वो लीगल एडवाइस एंड असिस्टेंस है, जो कि वो डीएलएसए के साथ कोऑपरेट करके कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये पांचों के पांचों जो सिस्टम है, एक्सेस सिस्टम, उसमें पांच स्टेप्स हैं, जिसमें से एक स्टेप डीएलएसए करेगा, चार स्टेप और एक स्टेप पुलिस करेगा, एक स्टेप मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा, एक स्टेप वन स्टॉप सेंटर करेगा, एक स्टेप डीएलएसए करेगा। जब आप एक सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि इन सबको मिला देंगे तभी एक्सेस हो पाएगा जस्टिस का, नहीं तो वो जो औरत है या मर्द है या गरीब आदमी, वो एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर तक घूमता ही रहेगा। तो आइडिया इज कि उनको घूमना ना पड़े, फ्रॉम दफ्तर टू दफ्तर, दफ्तर टू दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एजेंसीज मस्ट, एजेंसीज को कोऑपरेट करने की जरूरत पड़ेगी, ना कि एक जो विक्टिम है, हेल्प सीकर है, उसको दफ्तर से दफ्तर जाने की जरूरत। तो इसलिए जो है सबसे पहले जिसको हम यूनिवर्सल एक्सेस सिस्टम बोलते हैं, इसका यह मतलब है कि जितने भी एग्जिस्टिंग हेल्पलाइंस, जैसा पुलिस है, फायर है, विमेन हेल्पलाइन है, एम्बुलेंस है, एमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस है, नालसा का लीगल एड हेल्पलाइन है 15100, चाइल्ड लाइन 1098, इन सबको एक जगह मिलाना पड़ेगा। किसी ने किसी भी जगह पे फोन किया तो ये एक जगह इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब ये है कि एक अंडर प्रिविलेज आदमी जो, वो अगर 15100 पे फोन करेगा, 181 पे औरत फोन करेगी, 1098 पे बच्चा फोन करेगा, किसी को चोट लगी है उसने पुलिस को फोन किया, एम्बुलेंस पे फोन किया, तो ये जब एक बार इंटीग्रेट हो जाएगा, ये सब का सब एक ही जगह पहुंच जाएगा इस ऐसे सिस्टम में, जहां सब लोगों ने अलग 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 तरीके से बात किया है, तो एक कंबाइंड डेटाबेस एक स्टेट में बनेगा। एक स्टेट में एक कंबाइंड डेटाबेस है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी रेकमेंड सजेशन था 2018 में, कि आपको एक जगह पे सब कंबाइंड चाहिए कि कहां कहां किसके सोर्स से हमारे पास रिक्वेस्ट आई है हेल्प की, तो इनको एक जगह जोड़ने की जरूरत है। तो वहां पे ही केस मैनेजमेंट होगा। केस मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो एक औरत है, मान लीजिए ये सिस्टम जनरली इंक्लाइंड टूवर्ड्स विमेन है, क्योंकि इस विमेन्स की मदद के लिए ही शुरू किया गया, तो इसमें विमेन स्लांट बहुत है। मान लो एक औरत ने फोन किया, उसको डोमेस्टिक वायलेंस का प्रॉब्लम है, उसको वायलेंस का प्रॉब्लम है, उसको कस्टडी का भी प्रॉब्लम है, उसको फिर रहने का भी प्रॉब्लम है, और उसको फिर जीने का भी प्रॉब्लम है, तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम है। उसको जज के पास भी जाना है, और उसको सोशल वेलफेयर के पास भी जाना है, और उसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी जाना है, तो ये ब्रॉडली तीन प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि वो आपके पास एक प्रॉब्लम लेके आई, लेकिन उसके तीन प्रॉब्लम्स हैं, और जिसके तीन अलग अलग लोग उसको हैंडल करते हैं। शेल्टर के लिए उसको डीसी साहब से बात करनी है, जो वहां का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा, या डीसी कलेक्टर जो भी बोलते हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम देते हैं। और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तो उसका कोर्ट में PWDVA में मान लीजिए वो उसमें काम करेंगे, तो और जो उनका उसका अगर जरूरत है, अगर क्राइम हुआ है तो पुलिस में भी जाना पड़ेगा, और वेलफेयर जरूरत है, उसको बच्चों की फीस चाहिए तो चाइल्ड लाइन में जाना पड़ेगा। तो ये जो है ये एक एक इंडिविजुअल नहीं है, बहुत सारे चीजें हैं, और ये मैनेज करने के लिए
उसके पास जो औरत ऐसी होती है गांव में है, पैसा नहीं है, दो छोटे बच्चे हैं, सड़क पे है, उनमें क्षमता नहीं है कि वो कैसे ये सब चीज करेंगे. सो यू नीड अ मैनेजमेंट सिस्टम. उसको सिर्फ बोलना है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है. जो ही उसने वो एक बार बोल दिया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, उसके बाद सिस्टम टेक्स ओवर द मैनेजमेंट ऑफ हर प्रॉब्लम. तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को जब डेवलप किया गया था निर्भया के बाद, तो हम इसको सखी सिस्टम बोलते हैं. नाम ही इसका सखी है. सखी का मतलब है कि आप अपने फ्रेंड को फोन करके बोलते हो कि मेरे साथ ये परेशानी है, और वो फ्रेंड फिर आपको सब रास्ता दिखाती है, वकील चाहिए वकील का एग्जाम करती है, पुलिस वाले के पास जाना है तो पुलिस वाले से बात करेगी या उसके साथ आपके साथ आएगी, डॉक्टर की जरूरत है तो अस्पताल में मदद करेगी, कल को चिट्ठी लिखवाना है, ये करना वो करना, सब कुछ वो मदद करेगी. वो उसकी खास फ्रेंड है जो कि गवर्नमेंट के अंदर है. तो इसलिए इसको सखी सिस्टम बनाया गया. ये आहिस्ता आहिस्ता फिर एक्सटेंड हो गया टू मैन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो. शुरू तो उसी से हुआ था. तो ये चीज करने के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की जरूरत है. सभी हेल्पलाइंस को जोड़ना और सभी एजेंसीज जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं इनको जोड़ना और उनको फिर मैनेज करना. तो ये एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की जरूरत है इसमें. तो वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, ये रायपुर ERP बोलते हैं हम इसको, रायपुर मॉडल बोलते हैं. ये हम लोगों ने डेवलप किया था 2013-14 से, अभी भी डेवलप हो रहा है. इसका 15 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पिछले 7 साल से इस पे कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं और ये दिन ब दिन डेवलप हो रहा है. तो ये जो है, जो आज की तारीख में जो सुप्रीम कोर्ट का Phase 3 का प्रिंसिपल है उसी पे बेस्ड है. और ये कंप्लीट सिस्टम आज की तारीख में वर्किंग सिस्टम है. इसमें लगेगा बहुत सारा टाइम अभी आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होने में, लेकिन इस वक्त एज ऑफ नाउ इट्स अ वर्किंग सिस्टम जिसमें एक्चुअली चलता है, ये रिजल्ट देता है और ये काम करता है. और ये इसका बहुत, ये सिस्टम बहुत महंगा है अगर इसको रिप्रोड्यूस करना होगा. अगर मान लीजिए कल को सुप्रीम कोर्ट E-Committee बोलेगी कि हम ये सिस्टम बनाएंगे, तो 100-200 करोड़ रुपए तो मामूली सी बात हो गई अगर बनाना होगा. ये हमारे ट्रस्ट ने, अमन मूवमेंट ने बनाया हुआ है. तो ये करता क्या है, ये सभी को इंटीग्रेट करता है. जैसा ये इंटीग्रेट करता है, सबसे पहले नालसा जो है इसका कोर है, इसके हार्ट पे है, इसके दिल में नालसा है. बिकॉज ये जस्टिस सिस्टम है तो नालसा के बगैर ये काम नहीं करेगा. तो बिकॉज आपको वकील चाहिए कोर्ट में जाने के लिए, आपको PLVs चाहिए जो कि इसके साथ रजिस्टर करेंगे, जो कि रूरल आउटरीच जो है. नालसा के पास ये दोनों चीजें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं. आपको रूरल आउटरीच भी है और आपके पास रिप्रेजेंटेशन करने की क्षमता भी है. आपके पास हर तालुका में, हर डिस्ट्रिक्ट जज में, हर तहसील में एक आपके पास वकील है जो कि आपको रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये नालसा सिट्स एट द हार्ट. उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में ही निर्भया फंड से ही इस ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्पलाइन का कॉन्सेप्ट है, ये फंड होता है. हर स्टेट में पैसा देते हैं लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते, वो बात अलग है. लेकिन ये इसके लिए निर्भया फंड से 5-6 लाख रुपए महीने के ये कंप्यूटर प्रोग्राम चलाने के लिए आता. और उसके बाद जो है इसका जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के साथ जोड़ है, इसका पुलिस के साथ जोड़ है, इसका विमेन वेलफेयर सिस्टम के साथ जोड़ है. क्योंकि ये मैं बोल रहा हूं आपको कि एक्सेस टू जस्टिस इज नॉट ओनली कोर्ट रूम. हमारा जो ये सिस्टम है, प्रायोरिटी कोर्ट रूम इज अ लास्ट प्रायोरिटी. काउंसलिंग, ADR, बहुत सारे जो प्री गेटिंग इन टू लिटिगेशन वो सिस्टम है. तो उनके लिए बहुत सारे फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, MSK महिला शक्ति केंद्र सिस्टम्स हैं जो वेलफेयर के बारे में देखते हैं. उसके अलावा लीगल एड क्लिनिक्स जो कॉलेजेस में हैं, वीमेन स्टडी सेंटर्स जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन में हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ वो है एक्सटेंशन टू द रूरल वर्क सिस्टम, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर्स हैं, विलेज लेवल वर्कर्स हैं, महिला शक्ति केंद्र के वॉलंटियर्स हैं, ग्रासरूट NGOs हैं, और इनके साथ ये जुड़ा हुआ टेलीफोन के साथ थ्रू अ मोबाइल सिस्टम.
कि आप जो सेंटर मैनेजमेंट है वो एक केस जो है पीएलबी को एक मोबाइल पर भेज सकता है, उसको कह सकता है इस केस में मदद करिए, ये करिए, वो करिए, जो भी उसका सिस्टम है, टास्क सिस्टम, लेकिन वो सब मोबाइल ड्रिवन है, आजकल स्मार्टफोन ड्रिवन है। ये मैं थोड़ा सा परसों किसी के बनाया था, तो दिस इज जस्ट डेमोन्स्ट्रेट कि ये वर्किंग सिस्टम है। हमने अभी तक 23,480 इस इतने 4-5 साल में 23,480 औरतों के साथ काम किया है, और बहुत सारे किस्म के हर कैटेगरी में काम किया, जिसमें से डोमेस्टिक वायलेंस 11,327 केसेस है, नियरली 50% ऑफ द केसेस जो हम डील करते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस है, और हमारा कैंपेन ही डोमेस्टिक वायलेंस के लिए बहुत जबरदस्त है। तो 2 साल पहले हमने नालसा से मिलकर, हमने मतलब नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस, तो नालसा से मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट किया जेएनके और छत्तीसगढ़ में फॉर दिस, कि हमने उनको कहा कि हम ये जो नालसा का हेल्पलाइन है ये 2015 में शुरू हुआ था, लेकिन 2015 से नहीं चला, पिछले साल अभी भी नहीं चलता है, एक्सेप्ट फॉर जेएनके एंड छत्तीसगढ़, बाकी किसी स्टेट में नहीं चलता। आज की तारीख में भी अगर आप करेंगे एमपी ओडिशा राजस्थान, आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो दिल्ली पहुंच जाएगा, दिल्ली में अगर किसी ने उठा भी दिया तो वो आपको DLSA का नंबर बता देंगे, दैट्स अबाउट इट। तो वो सेंट्रलाइज है दिल्ली में, तो वो चलता ही नहीं। तो हमने उनको कहा कि वी विल डेवलप, हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, एक तो आपका 15100 हेल्पलाइन ऑपरेशनलाइज कर देंगे, इसको यूनिवर्सल एक्सेस के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, उसके बाद जो है एक और नई चीज जो हमने डेवलप किया है इसमें, जिसको हम नालसा स्टेट लीगल सेंटर बोलते हैं, मैं समझा दूंगा, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद जितने भी SLSA के दफ्तर हैं, DLSA के डिस्ट्रिक्ट लेवल दफ्तर हैं, पैनल लॉयर्स हैं, लीगल एड क्लिनिक्स हैं और PLVs हैं, इनको वर्चुअल ऑफिसेस, इनका वर्चुअल ऑफिसेस बना के इंटीग्रेट करेंगे, और जो नालसा की वेबसाइट है और सेंट्रल वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो ये सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट में बना, इसी साल खत्म हो गया, एक साल पिछले साल शुरू किया था मार्च में, इस साल 21 में खत्म हो गया, इसको एक्सटेंशन मिल गया है टू डू सर्टन मोर थिंग्स, पिछले साल कोविड था तो थोड़ा सा स्लो हो गया, लेकिन ये अभी चल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये दोनों प्रोजेक्ट, ऐसा इसका सिस्टम है नालसा और विमेन हेल्पलाइन मिलके। ये मैं इसमें घुसूंगा नहीं, बट इससे इतनी हमें मैसेज मिल सकती है कि ये एक सिस्टम है जहाँ कि दोनों सिस्टम्स को ऑपरेट करके, जैसा मान लो मैंने इस पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मान लो आपके पास 15100 पर कोई भी औरत का केस आ गया, वो फट से उठ के स्टेट विमेन सेंटर में चला जाता है और वहां से फिर नालसा स्टेट लीगल सेंटर में आता है, तो वो स्टेट विमेन सेंटर जो है इसका पूरा केस मैनेजमेंट करती है, और फिर नालसा में एक कंपोनेंट के लिए आता है, बाकी जहां जहां उसको जरूरत पड़ेगा पुलिस, अस्पताल, DCPO, CWC उनके साथ काम करेंगे। तो ये मैंने इसलिए आपको इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बट द इम्प्रेशन जो मैं बताना चाहता हूं कि ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जहां अकेले कोई काम नहीं करता, एक दूसरे का, जैसे भी नालसा के पास इतने केसेस आते हैं तो आधा 50% से ज्यादा औरतों के होते हैं, तो वो फट से उनका लोड घट गया और उनके पास सिस्टम आ गया। इस पायलट प्रोजेक्ट का मेन कंपोनेंट, मेन थ्रस्ट जो था वो डोमेस्टिक वायलेंस पर, सबसे पहले हमने सिस्टम बनाया डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, कि हमारा ये इसमें मानना था, ये टारगेट हमने रखा है कि जब एक किसी औरत ने फोन किया कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, चाहे उसको घर से निकाल दिया, उसको पास रेजिडेंस नहीं है, उसका छोटे बच्चे का कस्टडी नहीं है, उसके पास मेंटेनेंस का पैसा नहीं है, उसके साथ मारपिटाई हुई है, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, तो हमारा टारगेट इस प्रोजेक्ट में ये रहा है कि हम उस, जब भी उसने फोन किया, चाहे वो 181 पे किया, चाहे वो 15100 पे किया, जहां कहीं भी उसने फोन किया, एक हफ्ता, विदिन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर हम इस औरत को एक सेक्शन 23 के अंदर प्रोटेक्शन, रेजिडेंस, इंटरम कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, इंटरम मेंटेनेंस, काउंसलिंग का ऑर्डर दे दें, और उस औरत को कहीं नहीं जाना है, किसी दफ्तर में नहीं जाना है, और किसी को पैसा नहीं देना,
तो ये इस प्रोजेक्ट में टारगेट था और ये टारगेट वी हैव बीन एबल टू अचीव इन जम्मू, ओनली इन जम्मू, छत्तीसगढ़ में नहीं, जम्मू में, और वो भी लिमिटेड जजेस के साथ जो इसके साथ कोऑपरेट कर रहे थे इस प्रोजेक्ट में। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉसिबल है और कोई लॉ वा बदलने की जरूरत नहीं, सब लॉज है, सब कुछ सिस्टम है, सब कुछ है और ये पॉसिबल है और इसलिए ये सिस्टम बना है। तो डोमेस्टिक वायलेंस में एक हफ्ता के अंदर आपको एक जो है आपको कोर्ट ऑर्डर मिलेगा। तो ये इस प्रोजेक्ट के मैं मान लीजिए 5,800 केसेस या 2,394 केसेस J&K में हुए, 1,323 उसमें से डोमेस्टिक वायलेंस के थे और उसमें से जितने भी है बहुत सारे लोग तो मानते ही नहीं है, 692 औरतों तो माना ही नहीं कोर्ट में जाने के लिए, लेकिन जितने भी जिन्होंने भी माना तब भी वी हैव बीन एबल टू गेट इंटरिम रिलीफ फॉर 50 विमेन विद इन अ वीक। तो ये जो है इसको यूनिवर्सल बनाना है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही होना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता, और ये इसका सिस्टम है, इसको भूल जाइए आप, हमारा इस वक्त तो नहीं। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप जो बता रहा था, नालसा स्टेट लीगल सेंटर जो है ये नालसा के एग्जिस्टिंग सिस्टम में नहीं है लेकिन ये पायलट प्रोजेक्ट में डेवलप किया गया। तो नालसा का स्टेट लीगल सिस्टम क्या है कि ये एक कोर ग्रुप है वकीलों का जो कोर्ट में नहीं जाते हैं लेकिन बैक ऑफिस समझ लीजिए, बैक ऑफिस है ये नालसा का, जहां पर पेटिशंस लिखी जाएंगी, जहां एप्लीकेशंस लिखी जाएंगी, जहां केसेस को फॉलो किया जाएगा, जहां पे वकीलों को ब्रीफ किया जाएगा, और इट्स लाइक ए लॉ फर्म, जैसा प्राइवेट लॉ फर्म होता है तो वैसा ही ये नालसा स्टेट लीगल सिस्टम डिजाइन किया गया कि जैसे एक लॉ फर्म में तो हजारों क्लाइंट होते हैं और बहुत सारे वकील होते हैं, तो एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि वकील को बोलता है जी परसों आपका फलां केस में हियरिंग है, इस जज के पास है और ये ब्रीफ है, ये इसका पुराना का फाइल है, जैसा सीनियर्स के पास जाते हैं जूनियर लोग, तो ये समझ लीजिए बैक ऑफिस नालसा का। ये एक वीकनेस थी नालसा सिस्टम में कि उनके पास एक मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था अभी तक केसेस हैंडल करने का, हर वकील अपना अपना मैनेजमेंट करता था अपने अपने केस का और वो कई बार भूल जाते थे, उनके पास ऐसे सिस्टम नहीं थे कि वो याद रखें कि फलां केस में ये करना है, फलां केस में ये सबमिशन करना है, उस दिन डेट है, इसका पुराना आर्गुमेंट में ये हुआ था। तो ये बैक ऑफिस जो है हर केस को फॉलो करता है, इनके पास कंप्यूटराइज सिस्टम्स हैं, इनके पास वार्निंग सिस्टम्स है, डिलीवरी सिस्टम है, दो दिन पहले बताएगा कि परसों का केस में ये जरूरत है, ये प्रिपेयर करिए, पेपर वर्क रेडी करिए, वकील साहब को बोल दीजिए, ये सब सिस्टम्स ऑलरेडी है इसमें। तो अब इसके बाद तो मुझे नहीं लगता है, इसके साथ जो मैं इसमें ध्यान थोड़ा सा देना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम विमेन के साथ है ऐसा ही सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस सिस्टम जो है वो ICPS इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के साथ है जो कि हमने वहाँ कश्मीर में अब लागू करने वाले हैं और डेवलप्ड है, रियासी में इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वी हैव अ वेब एनेबल्ड चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम जो कि नालसा के साथ जुड़ा है और 151181 के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये भी बहुत ही बड़ा सिस्टम है इसके साथ, ये चाइल्ड लाइन का सिस्टम है। उसके बाद जो रूरल आउटरीच का मैंने सिस्टम बताया ये मोबाइल फोन से चलता है, इसमें आप इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ PRI से जुड़ सकते हैं, महिला शक्ति केंद्र, वॉलंटियर्स, आंगनवाड़ी, आशा, PLVs, BLWs, MPWs, एम्पैनल्ड वॉलर्स, सिलेक्टेड NGO। तो ये लाखों लोगों तक इंटीग्रेट करेगा ये अपने सिस्टम को। द एंड रिजल्ट इज, मैं अब आगे नहीं बात करूंगा, द एंड रिजल्ट इज कि जिस औरत या बच्चे को या मर्द को लीगल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी उसको सिर्फ एक फोन करना, प्रेफरेबली 15-100 पे, अगर 15-100 पे नहीं करेगा, औरत है तो 181 पे करेगी, अगर एक बच्चा है उनको सिखाया गया है 1098 पे करिए, और सभी को सिखाया गया है जब आप प्रॉब्लम में है तो पुलिस को करिए। तो
अगर आपने इन चारों जगहों पे है या एम्बुलेंस बीमार है अस्पताल है तो एम्बुलेंस में करिए, अगर आपने इन पांचों फोनों में से किसी फोन पर भी अपनी कहानी बता दी तो सिस्टम विल टेक ओवर इमीडिएटली एंड प्रोवाइड द नेसेसरी, वो सिस्टम उसी वक्त उसको रिवर्ट करेगा और बोलेगा कि हम आपकी मदद करेंगे। औरत है तो वन स्टॉप सेंटर करेगा, चाइल्ड है तो चाइल्ड लाइन कोलाबरेशन करेगा, 15100 है औरतों के पास तो है विमेन स्टेट विमेन हेल्पलाइन वापस करेगा फोन, नहीं तो 15100 में जो लोकल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस नॉन एमरजेंसी है तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के लोग फोन करेंगे वापस कि भाई हम आपकी मदद करेंगे, आपका ये सोल्यूशन है। और उसके बाद जो वकील साहब चाहिए, जो सिस्टम चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, वो सब ये सिस्टम खुद करेगा। उस इस औरत को या इस मर्द को कहीं दुकान से दफ्तर नहीं जाना है, रेफरल सिस्टम नहीं है, इसको हम रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम बोलते हैं। जो अभी तक जितने भी सिस्टम बने हैं हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में वो रेफरल होते हैं कि आपको जानकारी दी जाएगी कि आप फलां दफ्तर में जाइए और उनसे बात करिए, वो फिर बोलेंगे कि हमारा काम हो गया, अब आप इस दफ्तर में जाइए तो इनसे बात करिए। वो रेफरल होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह तक रेफर करते रहते हैं, ये रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम है और इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसका मतलब है कि आप उस औरत या उस मर्द को रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे आपको उसको पुलिस के पास जाना तो आप रिप्रेजेंट करेंगे, अस्पताल में जाना तो आप अकंपनी करेंगे, जिस डीसी साहब से बात करनी है तो आप उसके बदले बात करेंगे या उसके साथ जाके बात करेंगे, जज साहब से बात करनी तो वकील बात करेगा, अंटिल सच टाइम जज उनको बुलाए तब तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि हर केस की एक ही केस फाइल बनेगी, वही वकील के पास होगी, वही मैजिस्ट्रेट के पास होगी, वही डीसी के पास होगी और वही सोशल वेलफेयर अफसर के पास होगी और वही पुलिस वाले को भी दिखेगा और वही मैनेजमेंट सिस्टम को भी दिखेगा। ये एक ही डेटाबेस में सब डिटेल होती है इस केस की, और इसका लॉग जो है मिनट टू मिनट होता है, किसने क्या बोला, किस टेलीफोन पे क्या कन्वर्सेशन हो गई, सब उसमें ये देखिए यहाँ जैसा भी है, ये लॉग है, ये एक किस्म का लॉग है, किसने किसको फोन पे बात किया, क्या क्या चिट्ठी है, क्या अटैचमेंट है और क्या कन्वर्सेशन हुआ, उसका वॉइस फाइल है। तो उसने मैंने फोन किया तो उसने बोला मैं यहाँ नहीं हूँ, कल आऊंगा या जो भी उसको बोल दिया, उसकी वॉइस फाइल है। तो हर केस का लॉग है जो है मिनट टू मिनट डेवलप होता है और ये लोकल प्राइवेट नेटवर्क्स पे अवेलेबल है, चाहे आप दिल्ली में बैठ के, हम दिल्ली में बैठ के लेह में क्या होता है, लेह में हमारा वन स्टॉप सेंटर है, लेह में क्या कर रहे हैं वो लोग, हम वो देखते हैं और उनको फिर एडवाइस करते हैं कि भाई ये सही नहीं है, ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है। सो इट इज अ मॉनिटरिंग एंड ट्रेनिंग मैकेनिज्म, क्योंकि दूर दराज गांव डिस्ट्रिक्ट्स में है, यू विल नॉट गेट ट्रेंड स्टाफ, ना टेक्नोलॉजी में ट्रेंड मिलेगा ना लीगल सर्विसेज में ट्रेंड मिलेंगे, तो उनको आप मदद कर सकते हैं। सो द सिस्टम इज प्रीटी सोफिस्टिकेटेड। अब मेरा कहने का मतलब ये है, ये सब मैं इसलिए आज बता रहा हूँ क्योंकि वी वॉन्ट दिस सिस्टम नॉट टू सिट, हम इसको नहीं चाहते हैं कि हमने यहाँ जम्मू कश्मीर छत्तीसगढ़ में कर लिया थोड़ा बहुत। इस सिस्टम की कैपेसिटी है कि लाखों लाखों लोगों की मदद ये कर सकता है, हर स्टेट में ये अप्लाई हो सकता है और इसके लिए किसी स्टेट में कोई नई स्कीम खोलने की जरूरत नहीं है, कोई नया बजट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 1510 भी सैंक्शनड है, 181 भी सैंक्शनड है, डीसीपीयू भी सैंक्शनड है, एमएसके भी सैंक्शनड है, ये सब एग्जिस्टिंग सिस्टम है। इस सिस्टम ने, सॉफ्टवेयर सिस्टम ने जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उनको जोड़ दिया बस, और सभी का अपना अपना बजट है। इंटीग्रेशन डज नॉट मीन एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन, अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सभी अलग अलग हैं, लेकिन काम के साथ मामले में सब एक दूसरे की मदद करेंगे और वो सिस्टम ये बनाया हुआ। मेरे ख्याल से मैंने बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का, और उसके बाद अगर कोई सवाल ववाल होगा तो वो बात करेंगे। थैंक यू। और कुछ? थैंक यू। मैं मेरा तो मुझे लगता है इससे ज्यादा बोलने में कोई फायदा नहीं, सवालों का जवाब दे देंगे। ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद
श्री राज कचरू जी, आपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है और उम्मीद है कि बहुत सारे सवाल इससे उभर कर आएंगे और उसको अपन लेंगे अभी कार्यक्रम में आगे, और कार्यक्रम में हम आगे चर्चा करेंगे और अगले डिस्कशन में हम अपने मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व सूचना आयुक्त श्री आदमदीप जी को इसमें इनवाइट करेंगे कि वो कार्यक्रम में अपने विचार रखें, और आरटीआई से अपन इस पूरे मामले को कैसे जोड़ सकते हैं, क्या कुछ किया जा सकता है, कैसी जानकारी अपन हासिल कर सकते हैं। आप पूर्व सूचना आयुक्त भी रहे हैं, तो इस तरह के मामले आपके कार्यकाल में भी यदि आए हों तो उसको भी कृपया आप शेयर करें। स्वागत है। हेलो जी, जी आपकी आवाज आ रही सर। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले हम साधुवाद देना चाहेंगे इस वेबिनार के आयोजकों की, आयोजनकर्ताओं की टीम को, जिसमें राहुल सिंह जी, शिवानंद जी देवी और उनके साथी शामिल हैं। साधुवाद इसलिए कि आप लोग इस वेबिनार के हर सत्र को जनता से जुड़े, जनता के हित से जुड़े किसी एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर समर्पित करते हैं। इससे जनता तक बहुत जरूरी जानकारियां पहुंचती है, प्रत्यक्ष रूप से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और लोगों में जागरूकता बढ़ती है। आज का मुद्दा भी ऐसा ही है, जो आम जनता से, खास करके समाज के वंचित तबकों के हित से जुड़ा है। माननीय राहुल सिंह जी ने शुरू में ही स्पष्ट किया कि सभी विधिक सेवा प्राधिकरण, क्योंकि सार्वजनिक धन से उनका संचालन हो रहा है, इसलिए सूचना के अधिकार के दायरे में आते हैं। उनके कामकाज के संबंध में जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी जा सकती है और दिए जाने योग्य। पूर्व मुख्य न्यायाधीश आदरणीय कल्पेश जवेरी जी साहब ने सार रूप में, और जनता को त्वरित न्याय मिले इस दिशा में काम कर रहे आदरणीय डॉक्टर राज कचरू जी ने विस्तृत रूप से विधिक सेवा प्राधिकरण का सारा फ्रेमवर्क हम सबके सामने रखा, उसका मोटिव, उसके विभिन्न अंग उपांग, उन सब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। विधिक सेवा प्राधिकरण की परिकल्पना बहुत अच्छी है, जो हमारे संविधान में जो उद्देश्य घोषित किया गया है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, उस उद्देश्य की पूर्ति में ये बहुत सहायक है। जिन्होंने भी राज कचरू साहब की पूरी बात सुनी होगी, उनकी समझ में आया होगा कि ये परिकल्पना कितनी अच्छे तरीके से और समावेशी तरीके से की गई है, और ये परिकल्पना ऐसी है जो भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए अनुकरणीय है। लेकिन व्यवहार में हमारे देश में इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में हम इस सत्र के, वेबिनार के आखिरी सत्र में हम चर्चा करेंगे। देश के सब लोगों को न्याय के समान अवसर मिले, सब लोगों को, खास करके कमजोर तबकों को, वंचित वर्गों को भी न्याय मिलना सुनिश्चित हो, न्याय सबके लिए सस्ता और सुलभ हो, इस दिशा में काम करने के लिए ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है, और इसके लिए हमारी संसद ने सर्वसम्मति से 1987 में संसद में कानून पारित करके इसको लागू किया। इस प्राधिकरण का काम, राष्ट्रीय स्तर के प्राधिकरण का काम, जनता के जरूरतमंद तबकों के लिए कानूनी सहायता के कार्यक्रम बनाना, उनको लागू करना और उनका मूल्यांकन और निगरानी करना है। इसके तहत राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरणों को दिशा निर्देश समय समय पर जारी करता है, जिसमें से कुछ की तरफ अभी आदरणीय कचरू साहब ने इशारा भी किया। हर राज्य में एक राष्ट्रीय स्तर पर तो है ही, हर राज्य स्तर पर भी एक राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण का गठन हमारे देश में किया गया है। हर हाईकोर्ट में भी उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति गठित की गई है इसी अवधारणा के तहत, और जिला स्तर पर भी और तालुका स्तर पर भी कानूनी सहायता प्राधिकरण गठित किए जाने का प्रावधान है, और इन सब प्राधिकरण के, इन सब अंगों के अध्यक्ष या तो न्यायाधीश होते हैं या उनसे नीचे के न्यायिक पदाधिकारी होते हैं।
इन सबका काम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की नीतियों और निर्देशों को कार्य रूप में परिणित करना है, सुपात्र लोगों तक कानूनी सहायता पहुंचाने के प्रयासों की सफलता सुनिश्चित करना है और विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए और अदालतों पर जो मुकदमों का भार है उसको कम करने के लिए लोक अदालतों का भी आयोजन करना है। यह भी प्राधिकरण के जरिए हमने देखा है कि देश भर में बहुत सारी लोक अदालतें हुई है जिनमें हर साल काफी मुकदमे आपसी सहमति से निपटते हैं और लोगों को जल्दी न्याय मिलना सुनिश्चित होता है। राष्ट्रीय स्तर के से लेकर तालुका स्तर तक जो विधिक सेवा प्राधिकरण बनाए गए हैं उनको जिन कामों का जिम्मा सौंपा गया है उनमें से कुछ काम तो अभी आदरणीय कचूर साहब ने बताए, कुछ हम आपके सामने साझा करना चाहेंगे। इन कामों में शामिल है पात्र लोगों को कानूनी कार्रवाई में, कोर्ट फीस में और अन्य सभी देय शुल्क में मदद करना, यानी अपनी तरफ से जो लोग शुल्क नहीं दे सकते कानूनी कार्रवाई का, कोर्ट फीस का या और अन्य शुल्क, वो विधिक प्राधिकरण अदा करेगा। जरूरतमंद आदमी को वकील मुहैया कराना, जरूरतमंद आदमी को उसके लिए जरूरी आदेशों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराना, अपीलों और दस्तावेजों का अनुवाद उपलब्ध कराना, छपाई सहित पेपर बुक तैयार करना, FIR दर्ज कराने में जरूरतमंद आदमी की FIR पुलिस में दर्ज कराने में, उसके बयान दर्ज कराने में मदद करना, इस तरह के बहुत से काम इन प्राधिकरणों के जिम्मे हैं। और प्राधिकरणों से कौन कौन सहायता प्राप्त कर सकता है उसके पात्र भी परिभाषित किए गए, जिनमें शामिल है जो विधिक सेवा प्राधिकरण की निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं उन लोगों में शामिल है महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी सदस्य, औद्योगिक मजदूर, फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक, हिंसा से ग्रस्त लोग, बाढ़ ग्रस्त लोग, सूखा ग्रस्त लोग, भूकंप की आपदा से पीड़ित लोग और औद्योगिक हादसों से पीड़ित लोग, और ऐसी ही और भी जो बड़ी आपदाओं के शिकार लोग हैं वो सब विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता लेने के हकदार हैं। बेगार, जो लोग बेगारी की बीमारी का शिकार हैं, बेगारी करते हुए पाए गए हैं वो लोग भी, और अवैध मानव व्यापार के शिकार लोग भी निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। और विधिक सेवा प्राधिकरण के जो अवधारणा है उसके तहत जैसा कचूर साहब ने अभी स्पष्ट भी किया था कि न्याय केवल न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों के निपटारे में मदद करने तक ही सीमित नहीं है। न्याय का मतलब यह भी है कि लोगों को हर स्तर पर जहां जहां आवश्यक है, केवल मुकदमे में नहीं, उससे पहले भी और उसके बाद भी, जहां जिस जिस स्तर पर उनको सहायता की जरूरत है आर्थिक और कानूनी, वो सब और मार्गदर्शन की, वो सब सहायता उपलब्ध कराना भी सबको न्याय देने के उद्देश्य में शामिल है। प्राधिकरण का यह भी दायित्व है कि वह जरूरतमंद लोगों और विभिन्न कानूनी संस्थानों, न्यायिक संस्थानों के बीच में सेतु का काम करें। जैसा आदरणीय कचूर साहब ने कहा कि केवल अदालतों के जरिए ये सबको सस्ता और सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना केवल अदालतों के माध्यम से नहीं हो सकता, इसके लिए सबका, इस अभियान में सबका समावेश, सबकी सहभागिता आवश्यक है। उस दृष्टि से अन्य संस्थाओं और अदालतों के बीच में ये प्राधिकरण सेतु का काम करते हैं, और जैसा मैंने पहले बताया अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना भी इसका जिम्मा है। इस विधिक सहायता प्राधिकरण की अवधारणा से प्रेरणा लेकर हमने भी सूचना आयोग के अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश सूचना आयोग की तरफ से, क्योंकि हमारे सूचना आयोग नियुक्त होने से पहले करीब 1.5 साल तक सूचना आयोग पूरी तरह खाली था, तो अपीलों और शिकायतों का अंबार लग गया था, बहुत पेंडिंग हो गई थी शिकायतें, 8-8 साल पुरानी, 10 साल पुरानी भी अपीलों और शिकायतें लंबी थी। तो हमने विचार किया कि अगर नियमित सुनवाई के जरिए इन सबको निपटाने का हम प्रयास करेंगे तो नहीं संभव हो पाएगा, हमारा कार्यकाल पूरा होगा तब तक भी इतनी ही अपीलें और शिकायतें पेंडिंग रह जाएगी, क्योंकि हर साल नई भी बहुत आती रहती है अपीलें शिकायतें। तो हमने विधिक सेवा प्राधिकरण की अवधारणा से प्रेरणा लेके सूचना आयोग के स्तर पर
मध्य प्रदेश के सभी संभागों में लोक अदालत आयोजित की और उनके जरिए हजारों मामले आपसी सहमति से सद्भावपूर्वक निपटारा किया, जिससे लोगों को बहुत राहत मिली। तो इस अवधारणा को अन्य जो अर्ध न्यायिक निकाय हैं वो भी अपने स्तर पर इसी तरह लागू कर सकते हैं, जिससे जनता को राहत मिलेगी। प्राधिकरण की अपनी निःशुल्क हेल्पलाइन और उससे जुड़ी अन्य हेल्पलाइनें जो अभी डॉक्टर कचूर साहब ने हम सबको बताई, उन सबकी व्यवहार में क्या स्थिति है? सिद्धांत है तो सारी अवधारणा बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो हमें फीडबैक मिलता है हमारे फेसबुक पेज पर और जनता के विभिन्न वर्गों से मिलने में, वो थोड़ा अलग यथार्थ की अनुभूति हमको कराता है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। सरकार की तरफ से विधिक सेवा प्राधिकरण उससे जुड़ी सेवाओं को भी छोड़ दें तो अन्य भी मामलों में बहुत सारी ऐप जारी किए गए हैं, निःशुल्क हेल्पलाइनें जारी की गई है, उनके नंबर। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री सहायता सीएम हेल्पलाइन का ही हम उदाहरण है, हजारों शिकायतें ऐसी है कि आप हेल्पलाइन पे जाते हैं, शिकायत दर्ज कर ली जाती है, आप बोलते कुछ हैं, दर्ज कुछ होता है और फोर्स क्लोजर उसका कर दिया जाता है, समाधान बता या गलत जवाब देकर उसका कर दिया जाता है, ऐसी बहुत शिकायतें। तो ये जो हमारे आज करीब 100 के लगभग इसमें वेबिनार में पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अपने अपने अनुभव इस बारे में बयान करेंगे और आदरणीय जवेरी साहब और कचेरी साहब उस संबंध में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। कुल मिला के हमको जो महसूस होता है कि विधिक सेवा प्राधिकरण की जितनी सेवाएं अभी आदरणीय कचेरी साहब ने हमको बताई और जितनी इस कानून में की अवधारणा में इसके उद्देश्य में इस पूरे कार्यक्रम में लिखी गई है, उन सबकी पहुँच उनकी जानकारी आम लोगों तक कितनी है, यह हम सबके लिए बहुत बड़ा विचारणीय बिंदु, क्योंकि हम सारी जिम्मेदारी सरकार या उसकी एजेंसियों पर या विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े लोगों पर नहीं डाल सकते। हम जैसे समाज के जिम्मेदार लोगों का भी दायित्व है, जो दायित्व इस वेबिनार के आयोजक आज निभा रहे हैं, इस तरह अन्य समाज के अन्य वर्गों को भी विधिक सेवा प्राधिकरण की किस तरह से आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं, किन किन चीज़ों के लिए सहायताएं उपलब्ध है, कौन कौन लोग ले सकते हैं, कैसे कैसे ले सकते हैं, ये सब जानकारी आम जनता तक पहुंचाने में हम सबको भी भागीदारी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आत्मदीप जी, और आपने पूरे जो मैटर था उसको आपने सम अप करके बहुत ही बेहतर ढंग से आपने एक्सप्लेन किया है, और आप कार्यक्रम में बने रहें। अभी कार्यक्रम में हम आगे भी इसमें डिस्कशन करेंगे, हमारे जो साथी हैं कुछ प्रश्न उत्तर भी होगा कार्यक्रम में, और अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम इनवाइट करेंगे श्री प्रवीण पटेल जी को, जो फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के ऑनररी ट्रस्टी हैं और एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपने इस फील्ड में काफी काम किया है और अपने अनुभव यहाँ पर साझा करेंगे। प्रवीण जी स्वागत है आपका। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई थिंक माय ऑडियो इज क्लियर, आवाज ठीक है? आपकी बात सुन पा रहे हैं जी? आपकी आवाज आ रही है। या जो अभी हमने जवेरी साहब को भी सुना, कचरू साहब को भी सुना, और अब दोनों सूचना आयुक्त वर्तमान और पूर्व उनको भी सुना, और जो बात सामने उतर के आ रही है वो ये है कि सिस्टम है मगर सभी को अवेलेबल नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर की बात की, छत्तीसगढ़ की बात की, सवाल आता है कि मध्य प्रदेश में, जैसे आप रीवा में बैठे हैं या कोई जबलपुर में हो, वहाँ पे ये सिस्टम क्यों नहीं है? ये एक सवाल होता है जो हम लोग प्रश्नोत्तरी में डिस्कस करेंगे आगे। मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो सिस्टम की बात कचरू साहब ने की और जवेरी साहब ने जो नालसा की बात की, क्योंकि वो तो नालसा के राजस्थान के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो और काफी उनको अनुभव भी है, नजदीक से सब चीजें उन्होंने खुद देखी है और झेली भी है। सबसे बड़ी बात आती है एक विक्टिम की, मैं महिला की बात कर रहा हूँ, 181 की, जो नालसा के एक साथ अभी 15,100 के साथ कचरू जी ने उसको जोड़ा है छत्तीसगढ़ में, हम लोग अभी छत्तीसगढ़ में है। तो उदाहरण मैं देना चाहूंगा हैदराबाद का। हैदराबाद में एक घटना घटी जिसको एक वेटरनरी डॉक्टर थी लेडी, 22-23 साल की उम्र शायद हो, और उसके साथ में ये जाती हुई, उसके स्कूटर में पंक्चर हुआ था, और सबको मालूम है हैदराबाद की घटना में क्या हुआ।
उस लेडी ने पहले 5-7 मिनट तो समझ में नहीं आया क्या करेंगे, ये 4-5 लोग जो थे ट्रक ड्राइवर हेल्पर ये सब वो सब उसको नजर से देख रहे थे कि ये महिला हेल्पलेस है। किसी ने उनको कहा कि मैं आपको मदद कर देता हूँ, टायर में आपको हवा पकड़वा देते हैं, ये कराते हैं। उसने सब मना करने के बाद सीधे अपनी सिस्टर को फोन किया। अपनी सिस्टर ने बात सुनने के बाद पिताजी से बातचीत की, पिताजी और घर के अंदर 5-7 मिनट उन लोग ने आपस में चर्चा किया, उसके बाद पुलिस स्टेशन में फोन किया। पुलिस स्टेशन ने रिएक्शन करने में 2 घंटे लगाए। अब मैं 181 की बात कर रहा हूँ, यदि यह सिस्टम वहां लागू होती तो यह सिस्टम के अंदर विद इन 5 मिनट पुलिस हरकत में आ जाती, उसको किसी को पूछना नहीं पड़ता। और दूसरी चीज, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, जो आपने सबने सुनी होगी कि 911 है जो यूएसए में है, जो इमरजेंसी सभी को एक एमालगमेट करके एक सिस्टम बनी है, दैट इज व्हाट अवर 181 और 15100 का उद्देश्य भी वही है। ये जस्ट मैं इसको निर्भया की अभी बात करूंगा, 2012 की जस्टिस वर्मा कमीशन बना था, हमने उसमें 2 बार मैं पर्सनली अपियर हुआ हूँ, उनके बुलावे पे ही हम गए थे और मोर देन 80 पेजेस हमने सबमिशन किया हुआ है। उसके अंदर ये जो हेल्पलाइन की बात है 911 ऑफ यूएसए, उसके पैरेलल इंडिया में एक हेल्पलाइन की बात को बहुत जोर से हम लोग ने उठाया था, और वही हेल्पलाइन है जो 181 की जब हम बात कर रहे हैं तो उसी को निर्भया की जो हेल्पलाइन जस्टिस वर्मा कमेटी ने जो सजेस्ट की है उसको सरकार की फाइलों में गुम हो गई है। आज के दिन में सरकार का इंटरेस्ट नहीं है कि 181 को पूरे भारत में लागू कराया जाए। 181 और 15100 का इंटीग्रेशन ये तो एक लेटर स्टेज की बात है, जिसके बारे में भी मैं 2 मिनट यहाँ बताना चाहूंगा कि हम लोग ने नालसा में 3 बार चिट्ठी लिखी, अपॉइंटमेंट मांगा मेंबर सेक्रेटरी से, जवाब नहीं मिला। हम लोग की फेडरेशन की मीटिंग होती है हर 4 महीने में, तो डिसाइड हुआ अहमदाबाद मीटिंग में कि नेक्स्ट मीटिंग दिल्ली में लिया जाए और सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स नालसा के ऑफिस जाके बात करें। हम लोग सब गए, उनसे कहा, जब उनके एक डायरेक्टर जो थे या सेक्रेटरी थे, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, सम मिस्टर सिंह थे, कमल सिंह या सम कुछ, वो आए और उन्होंने ये बात कहा कि हाँ सब एनजीओ वाले कटोरा लेके आते हैं मांगने के लिए, इसलिए हमारे साहब किसी को मिलते भी नहीं है, जवाब भी नहीं देते हैं। कचरू साहब ने कहा हम मांगने नहीं आए, हम देने आए हैं, अब तो बात करो। और मैं इसके बीच के सिस्टम को सीधा बात को अवॉइड करके रिजल्ट में आता हूँ कि 2 जनवरी को नालसा ने उनके साथ में हमको 1 साल की पायलट प्रोजेक्ट पार्टनरशिप का ऑफर किया एट अवर कॉस्ट, नॉट नालसा का एक पैसा नहीं लिया है, पूरा पैसा फेडरेशन अमन मूवमेंट और इन लोग ने मिला के चालू किया छत्तीसगढ़ में और झारखंड के जम्मू एंड कश्मीर में, ये 2 जगह पूरा चलाया एंड एक्सेलेंट रिपोर्ट इज देयर, करीब करीब 150-200 पेज से ज्यादा का एनुअल रिपोर्ट भी है, यदि कोई चाहेंगे तो कचरू जी उसको शेयर कर सकते हैं। अब सवाल आता है जब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक एनजीओ आज नेशनल फेडरेशन कर सकती है तो नालसा जैसी इतनी बड़ी संस्थान क्यों नहीं कर सकती है, तो उसके लिए जरूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग विल पावर कि भाई हमको यह काम करना है, लोगों के अधिकार है, हमें उसको डिलीवरी करना है। मैं वापस हैदराबाद की घटना पे आ रहा हूँ, हैदराबाद की घटना में यदि यह सिस्टम लागू होती और वो फोन करती, पुलिस उसके मदद के लिए 15-20 मिनट के अंदर नजदीक के पुलिस स्टेशन में भी मैसेज चला जाता और वहां से पुलिस वहां पर पहुंच जाती, और जो टाइम उन्होंने बर्बाद किया फोन से पुलिस स्टेशन में फोन जाने तक का, तब तक उस समय के अंदर पुलिस वहां पहुंच गई होती। व्हाई दिस सिस्टम इज नॉट अवेलेबल। अब मैं सीधे बीच की बहुत सारी घटना को छोड़ के हाथरस की बात कर रहा हूँ। हाथरस घटना क्या है, हाथरस घटना में भी यही बात हुई, उसके मोबाइल आज के दिन में सबके पास है, उसके घर वाले मोबाइल में फोन कर देते कि भाई ये ऐसा ऐसा हादसा हमारी बच्ची के साथ हुआ है, उसका भाई होता बोलता मेरी बहन के साथ हुआ है, तो विद इन मिनट्स उसको भी वहां हेल्प मिलती, बिकॉज दिस सिस्टम इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ पुलिस, ये पुलिस के कंट्रोल में नहीं है, पुलिस इज एन इंस्ट्रूमेंट और ये जो करने वाले काम करने वाले हैं वो सब हम लोग जैसे लोग हैं कि जो इसके अंदर में पूरे स्टाफ लगे हुए हैं और एक साथ 5-7 लोगों को पता चलता है, कोई इसको दबाना चाहे तो दबा नहीं सकता। सरकार की मंशा नहीं है, ये मैं ब्लेम कर रहा हूँ कि इस सिस्टम को लागू करने के लिए कि लोगों की भलाई हो, तो इसके साथ अब हम क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि ज्यादातर क्रिमिनल्स जो हैं वो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं कनेक्शन है, चाहे इस पार्टी का हो या उस पार्टी का हो, तो इन लोग अपने आप को बचाने के लिए भी शायद ये सिस्टम को लागू ना करते हो, तो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस बहुत ज्यादा है इस सिस्टम के अंदर। और जैसे शिवानंद भाई ने कहा था
कि हम लोग इसमें एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट क्या कर सकते हैं, तो वी कैन डेवलप सम क्वेश्चंस, यू कैन आस्क योर गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश की है, कोई कर्नाटका से आए हुए हैं, कोई झारखंड के भी हैं, कोई दूसरे राज्यों से भी है, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव राज्य सरकारों से पूछे कि भाई दिस सिस्टम इज नॉट एप्लीकेबल टू अस, जस्टिस वर्मा कमिटी ने जिसको रिकमेंड किया उसको लागू क्यों नहीं करते हो, तो एंटायर सिस्टम इज इन रॉन्ग हैंड एंड दैट इज नॉट ए सिस्टम, इट इज सिंपली ए कॉल सेंटर, एक कॉल सेंटर जैसा बना दिया है जिसमें आप फोन करेंगे 181 में, बोलेंगे हाँ हमारे यहाँ 181 है, उड़ीसा में 181 कहाँ है, तो हॉस्पिटल में है, मध्य प्रदेश का 181 किसके पास है, तो पुलिस स्टेशन के पास है, पुलिस मिनिस्टर ऑफ होम जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है वो उसके पास में मध्य प्रदेश में है, तो इट इज मोस्टली द सिस्टम इज इन रॉन्ग हैंड। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कल्पेश जवेरी साहब को भी कि इसके अंदर नालसा के अंदर जो भी है, आपकी भी लिमिटेशन हो सकती है हम जानते हैं, मगर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया हम लोग मिलके इसमें कुछ काम करें तो देर इज डेफिनेट कि हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, रिजल्ट आ सकता है। सवाल रहा अभी कुछ और केसेस का कि जैसे कहाँ कहाँ क्या क्या घटना घटी, तो उसके लिए मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 अभी सितंबर 16 या 17 में उसको पब्लिश हुआ है 2021 में, उसको रिपोर्ट देख लीजिए, एवरेज रेप पर डे वो मेरे ख्याल से 88 रेप थी ये लास्ट ईयर 2019 में, और 2020 के अंदर रेप में तो कुछ घटी है मगर भी वो 77 78 ऐसा कुछ है, जिस देश में 70-80 रेप पर डे होती हो और हम उसको कहें कि हम कानून व्यवस्था के हिसाब से देश चल रहा है, छोटे छोटे क्राइम की तो बात छोड़ दीजिए, 80 रेप पर डे हत्या के मामले में आज कोई स्टेट को मैं पहला दूसरा तीसरा उसमें जाना नहीं चाहता हूं, मगर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वहां किडनैपिंग किलिंग मर्डर ये सब एक एक्टिविटी है, कॉमर्शियल एक्टिविटी है, किसी को बच्चे को उठा जाने वाली गैंग है उसको भी आदमी पकड़ सकते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा जैसे महिलाओं और बच्चों के ऊपर में कुछ भी होता है तो उसको प्रायोरिटी में ट्रीट कीजिए, मगर रिजल्ट हम सबके सामने में है, हम जब एनसीआरपी का रिपोर्ट देखते हैं 2016 देखिए, 17 देखिए, 18 देखिए, 19 देखिए, 20 देखिए, 2012 निर्भया के बाद 2020 में क्या हुआ, कोई अंतर नहीं हुआ है, सिचुएशन इज ऑलमोस्ट सेम और राधर और खराब हो चुकी है, वी हैव रेमेडी, हमारे पास रेमेडी है, हेल्पलाइन है, सब कुछ है, हम उसको यूज नहीं कर रहे, क्यों यूज नहीं कर रहे, अगेन इट इज अ पॉलिटिकल इंटरफियरेंस कि पॉलिटिकल लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, तो इसमें हम सामाजिक संगठनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि हम लोग इसको किस तरीके से आगे लेके जाए, जरूरत पड़ेगी तो और एक दो वेबिनार इस विषय में हो सकते हैं कि इसके फॉलोअप में हम किस तरीके से आगे चले, व्हाट्स वुड बी आवर एक्शन प्लान और आरटीआई के अंदर क्या क्या सवाल हैं कि जो हम अपने स्टेट से मांगे, उस सब चीज को लेके यदि हम बात करें तो यथार्थ में कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर होगा। नालसा के साथ हम लोग का एक्सपीरियंस रहा, वो कह सकते हैं कि इट इज एन एक्सेलेंट, उन लोग बहुत अच्छे लोग वहां पे हैं जो चाहते हैं कि कुछ काम करें, तो हम यदि नालसा के साथ में भी ऑल इंडिया लेवल में यदि सब मिलकर काम करते हैं, कोई एक एनजीओ का काम नहीं है, सभी को मिलकर काम करना है और जनता के लिए काम करना है, तो व्हाई नॉट टू हैंड मतलब मिलाएं, सब अपने हाथ क्यों ना मिला के काम करें, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर मी एज फॉर एज टुडे इज कंसर्न, कुछ कमेंट हो तो आगे चर्चा करेंगे, धन्यवाद, नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई जी, आपने जो वास्तविक स्थिति है ये ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में आपने प्रकाश डाला है, और निश्चित तौर पे बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए हैं इस डिस्कशन के बाद में, और उम्मीद है कि हमारे बीच में चूंकि सोशल सेक्टर से भी लोग जुड़े हुए हैं, आरटीआई फील्ड से जुड़े हुए हैं, एडवोकेट्स जुड़े हुए हैं और हर तरह से लोग हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि जब ये ओपन फ्लोर और डिस्कशन का टाइम आएगा तो आप लोग सब अपने जो कंसर्न हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें आएंगे, वो आप सब उसको रेज करेंगे और अपना अपना प्रश्न आप अपने इसमें जरूर अपने जेहन में आप बना करके रखिए, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर आप डिस्कशन। और एक बात और भी मैं आप लोगों को बता दूं कि कार्यक्रम में लास्ट में ही जब क्वेश्चन आंसर सेशन आएगा तो हमारे जो एमपी से या दूसरे भी स्टेट से जो लोग हैं, आप 15100 पे एक अन्य मोबाइल से, यदि इस मोबाइल से आप मीटिंग में हैं तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा मीटिंग यदि उससे डायल करेंगे, तो एक अन्य मोबाइल से 15100 पे आप कॉल करेंगे और हैंड रेस करके यहाँ पर आप बताएंगे कि 15100 का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट और आपके स्टेट्स में, तो हम आप सभी से उम्मीद करते हैं, अपन लास्ट में करेंगे।
तो इसका एक जो है फिजिकल वेरिफिकेशन भी यहाँ पर हो जाएगा कि स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से व्यवस्थाएं चल रही। कार्यक्रम में ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम आगे बढ़ते हैं और हमारे इस कार्यक्रम के को ऑर्गेनाइजर और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के एडवोकेट्स और समाज सेवी आरटीआई एक्टिविस्ट श्री नित्यानंद मिश्रा जी को हम यहाँ पर इन्वाइट करेंगे कि वो नालसा सालसा और जो भी है DLSA इन सब का जो इम्पैक्ट है, किस तरह से मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में काम कर रहा है, आपके अनुभव कैसे रहे हैं, चूंकि आप एक हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं तो इसके बारे में प्रकाश डालें और इसका अपने अनुभव साझा करें और बताएं इसमें क्या कुछ किया जाए। स्वागत है आपका। धन्यवाद शिवानंद जी। मैं तो प्रथमतः डॉक्टर कचरू साहब कैसे सहमत, उन्होंने नालसा के विषय में जितने भी टॉपिक्स थे लगभग सभी विषयों को उन्होंने छुआ है और एक विस्तृत तौर पर हम सबको उसके विषय में बताया है। इसके अलावा भी जहां तक मेरा नालसा को लेके और इस सब को लेके काम रहा है, मैंने जो काम किया है या कि लोगों के बीच देखा है, तो नालसा की स्कीमें तो काफी है, चाहे वो आपदा पीड़ित लोगों के लिए योजना हो, तस्करी योजना के लिए नालसा की स्कीम है, क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए भी 2015 में एक स्कीम बनी हुई है, बच्चों के लिए भी एक मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा करके एक स्कीम बनी 2015 में, मानसिक विकलांग लोगों के लिए योजना बनी 2015 में, आदिवासियों के अधिकारों के लिए, नशा पीड़ितों के विधिक सेवा नशा मूल्यन के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी विधिक सेवा योजना 2016 बन गई है, ऐसी देखरेख के लिए भी विधिक सेवा योजना 2016। तो एक प्रकार जो भी ज्वलंत समस्याएं जिन भाषा को काम करने की आवश्यकता थी समाज में, उन सभी विषयों उनका ज्ञान भी स्तर पे हो रहा है। जो हेल्पलाइन नंबर है मध्य प्रदेश में कार्यरत नहीं है, फोन जाता है फिर दिल्ली से संबंधित DLO को और उनको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अथॉरिटीज हैं उनको फोन आता है और फिर उस पे कार्रवाई होती है। तो प्रदेश स्तर पे कोई इसका जैसे DM हेल्पलाइन है ऐसा कोई सिस्टम नहीं डेवलप हो पाया जहां तक मेरी बात, लेकिन सेंट्रल स्तर पे भी अगर फोन करें तो कुछ ना कुछ कार्रवाई इस पर होती है। विशेषकर मैंने एक दो बार इस विषय को मिश्रा जी आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है, तो थोड़ा सा आप नेटवर्क क्षेत्र में आ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। हमें लगता है कि कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है नित्यानंद जी को, तो हमें लगता है कि वो इससे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो ठीक है, कार्यक्रम में अपन हाँ आपकी आवाज, तो जो ये वरिष्ठ नागरिक वरिष्ठ आवाज आ रही है मेरी क्या? हाँ आपकी आवाज आ रही है लेकिन कटकट के आ रही है, पर हाँ जी आ रही है। हाँ जी आ रही थोड़ा मैं नेटवर्क से बाहर हूँ। तो जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्कीम बनी है उसको लेके मैंने कई बार हम लोग DLO साहब के पास लेके लोगों को गए हैं और उसके माध्यम से कई बार इस पे कार्रवाइयां की है। तो जहां तक मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं पैरा लीगल जो वॉलेंटियर्स हैं उसकी कमी पड़ रही है नालसा के लिए, लोगों को अधिवक्ताओं को स्वयं आगे आके नालसा की मदद करनी चाहिए। अब क्या है कि जो फीस स्ट्रक्चर है नालसा का, एडवोकेट्स भी वो अपने स्तर पे मदद भी करते हैं, वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है कि जिससे हमें लगता है कि फिर से दिक्कत आ रही है, नेटवर्क का इशू है। चलिए डिस्कशन को अभी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, धन्यवाद नित्यानंद जी, आपने जरूरी बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला और आपने लास्ट में जो हम लोग सुन पाए हैं आपने हाँ नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है आपका, तो या आप अपना वीडियो थोड़ा सा ऑफ कर लीजिए तो शायद नेटवर्क आ जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा नालसा की स्कीमों को सुचारू तौर पर लागू करने के लिए सरकार की ही जवाबदारी नहीं है, हम जैसे अधिवक्ताओं की और विशेषकर अधिवक्ता समुदाय से काम करने की आवश्यकता है। प्रो बोनो के तौर पर स्वयं सेवक के तौर पर वो आगे आए और इस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराने में और नालसा की मदद करें, जिसके लिए हम इसको एक सुचारू तौर पर फिर इस पर काम कर सकते हैं।
बस शिवानंद जी, नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है मेरा बार बार, जी मैं इसी बात जी को कंक्लूड करता हूं। जी धन्यवाद आपका। और एक आपने पॉइंट इसमें रेज किया है कि जो नालसा के माध्यम से मेहनताना वकीलों को उपलब्ध करवाया जाता है वो शायद पर्याप्त नहीं रहता, इसलिए वो ज्यादा निष्ठा से काम नहीं कर पा रहे हैं, एक बात ये आपकी उसमें सामने आई। दूसरी आपने पीएलवी पैरा लीगल वॉलेंटियर्स की आपने बात करी है कि उनकी आवश्यकता है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे ही। धन्यवाद आपका। और अब कार्यक्रम में हमें लगता है कि प्रवीण भाई कार्यक्रम में हमें अब सीधे प्रश्न उत्तर इतने पार्टिसिपेंट थे उनके लेने चाहिए, और इसमें यदि कोई ऐसे डाउट्स हैं आप लोगों के, आप किनसे पूछना चाह रहे हैं, हमारे जो उपस्थित यहाँ पे विशिष्ट वक्तागण है आमंत्रित अतिथि हैं, उनसे किनसे आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, आप लोग अपना चैट बॉक्स में लिखें और अपना हैंड रेज करें। आप अपना हैंड रेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमें समझने में आसानी होगी। और दूसरा जो हमने आप लोगों से एक निवेदन किया हुआ है कि आप एक अन्य मोबाइल फ़ोन अपने पास रखें और 15100 में कॉल करके ये एक्सपीरियंस आप हमें ज़रूर आप बताएं, यहाँ स्क्रीन पर लगा कर साउंड के पास में, ताकि वह हम सबको सुनाई दे और आप ये बताएं कि किस जिले से आप इस तरह से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सुभाष कैटी लुधियाना जी हैं, सुभाष कैटी जी लुधियाना से हैं, कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप अपनी बात रखिए। शॉर्ट में आप सभी से निवेदन है कि चूंकि सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सुन पाए, इसलिए अपनी बात को शॉर्ट और कॉन्साइज वे पे आप रखिएगा, बताएं सर। सभी को नमस्कार, बहुत 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 अच्छा प्लेटफॉर्म है कि सभी की समस्याएं और उसके समाधान बताए जा रहे हैं। नालसा से लोगों को कोई हेल्प नहीं हो रही। हमारे जम्मू से एक है श्री इंदु भूषण बाली जी, वो नालसा से हालांकि मानयोग पंजाब और सॉरी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने आदेश दे रखा है नालसा को कि उनकी मदद करें, मगर वो कोई मदद नहीं कर पा रहे। अगर राज कचरू जी जम्मू में हैं तो मैं उनसे मिलने के लिए उनको भेज सकता हूँ, उनकी वो इन पर्सन रिट सुनवाई कर रहे हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। जी धन्यवाद आपका। और मानी राज कचुरू जी हमारे बीच में हैं, वो आपके कंसर्न का जवाब देंगे। जी मेरे हिसाब से अगर आप सवाल ले लेंगे दो चार तो उस फिर जवाब दे देंगे इकट्ठे। मैं सुभाष कल सुन लिया, मैं बात करेंगे, लेकिन दो चार सवाल और ले लीजिए उसके बाद। बिल्कुल आप लोगों के यदि अन्य सवाल हैं, महेंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने अपना हैंड रेज किया हो। महेंद्र कुमार जी आप अपना सवाल पूछिए अनम्यूट करके। सर सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। सर मैं गुरुग्राम में, सर आवाज आ रही? हाँ आ रही है आपकी आवाज। मैं गुरुग्राम में पिछले 5 सालों से एज ए पीएलवी काम कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस। सर 4 साल पहले हम गए थे फरीदाबाद में, और ये जो नालसा का एक कैंपेनिंग था और एक लॉन्च की थी स्कीम यू आर नॉट अलोन, जो स्पेशल बुजुर्गों के लिए थी, और उसमें चीफ जस्टिस साहब दीपक मिश्रा जी आए हुए थे। तो सर उसमें होता है क्या कि वहां तो हम बता देते कि 3 महीने से पहले आपको डेट मिल जाएगी, 3 महीने 3 से ज्यादा और आपको जितना जल्दी हो सके नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो वही डाक के 3 पात है, 6-6 महीने की डेट दे रखे हैं। तो एक किस्म से सुप्रीम कोर्ट जो नीचे के हैं वही इस चीज की पालना नहीं कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वही पालना नहीं कर रहे हैं। और दूसरा क्योंकि हमें भी ऑर्डर इश्यू होते हैं, किसी का कोई दिक्कत आ रही है तो हमें सीजम साहब खुद ऑर्डर करते हैं, कोविड के बारे में भी हमें हॉस्पिटलों का भी दिया था कि हॉस्पिटलों में आपने जाके वहां पे इंस्पेक्शन करना है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सर हम वो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है जैसा कि अमेरिका चलते हैं कि जो पुलिस है सर ना तो पुलिस साथ देती है, दूसरा डीसी किसी भी डिपार्टमेंट जाते हैं वो कोऑपरेट करने को तैयार ही नहीं होते हैं। सबसे बड़ी मेन दिक्कत ये है, हम ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रहे हैं, आगे से आगे काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमें किसी को कोई कोऑपरेट ही नहीं करेगा तो हम भी कहां तक जाए। जी आपने पीएलवी के तौर पे काम किया है तो आपका अनुभव तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि तो लोगों के साथ मिलकर आपने काम किया है। प्रश्न ठीक है आपका प्रश्न, आगे हम रविंद्र कुमार जी को यहाँ पर अनम्यूट कर लें। रविंद्र कुमार जी आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है, अपनी बात बताएं शॉर्ट में।
सर सभी को नमस्कार। देखिए आप यहाँ से आपके यहाँ आप लोगों के यहाँ से आवाज आ रही है, थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना कंट्रोल करके रखें। हाँ जी बताएं। हाँ आपने आपको अनम्यूट कर लें। हेलो। हाँ जी। हाँ सर सभी को नमस्कार। नमस्कार बताएं सर। मेरा सवाल ये था सर, मेरा ये था कि मैं विगत 12 वर्षों से काम कर रहा हूँ आरटीआई पे और मेरी कई सेकंड अपील लंबी चल रही हैं उत्तर प्रदेश आयोग में, उस पे डिसीजन नहीं दे रहे हैं आयुक्त महोदय वगैरह, और अभी तक उसमें छह महीने में तारीख लग रही है, कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं। तब मुझे सर क्या करना चाहिए ऐसे स्थिति में? चलिए आपका प्रश्न बिल्कुल बहुत जायज है और इस पर भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि इस मीटिंग में आप ऐसे प्रश्न रखें जो नालसा या सालसा से रिलेटेड आपके आरटीआई के क्वेश्चंस हों। कैसे आरटीआई लगा करके कौन सी जानकारी हम निकाल सकते हैं, कैसे इस व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। जनरल आरटीआई के बारे में तो हम बहुत चर्चा करते रहते हैं, ये भी हम आपका एड्रेस करवाएंगे प्रश्न का, और हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में केएनएस सोधू जी हैं। केएनएस सोधू जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। केएनएस सोधू जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैं लगता है कि कुछ नेटवर्क का इशू है, कोई बात नहीं। जयपाल सिंह जी खींची जी हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लें और आप अपने अनुभव पहले तो 15100 लगा करके आप बताएं कि राजगढ़ एमपी से किस तरह से आपको रिस्पांस प्राप्त हो रहा है। जी सर, मैं सर 15100 पे फोन लगा रहा हूँ। हाँ जी, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वो सिर्फ कोरोना काल का जो एडवर्टाइज है सिर्फ वो आ रहा है, ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है श्रीमान, ये है मतलब रिस्पॉन्स। जी जी, जबकि कोई रिस्पॉन्स नहीं, पहले तो फोन लगता ही नहीं और लग जाता है तो सिर्फ कोरोना की रिंगटोन का देते हुए तुरंत कट जाता है फोन, ये स्थिति है। चलिए आपने बहुत अच्छा एक लाइव शासन की थी। हाँ हाँ, शासन की ऐसी व्यवस्था है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि एमपी में कैसी व्यवस्था है। हमारे एमपी से दूसरे जिलों से भी लोग जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र मिश्रा जी हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लें। और शिवेंद्र मिश्रा जी 15100, आप एडवोकेट भी हैं, 15100 पे कॉल करके बताएं अपने अन्य किसी मोबाइल से कि इसकी क्या क्या वो आ रहा है, थोड़ा लाउड स्पीकर में लगा दीजिएगा 15100। शिवानंद जी, हाँ जी, 15100 पे थोड़ा सा कॉल करके आप बताइएगा किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है। और चूंकि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करते हैं तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के किस तरह से काम हो रहे हैं उस पर प्रकाश डालें थोड़ा सा शॉर्ट। अभी लगाया, एक मिनट जी। आगे हम बढ़ते हैं और आगे भी हम जो हमारे अन्य साथी हैं वो भी अपना हैंड रेज करें। और कोई ऐसी बबीता जी ने अपना एक हैंड रेज किया हुआ, अपने आप को अनम्यूट कर लें। बबीता जी बताएं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, 15100 पर कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है, यहाँ से कॉल कई बार लगाया गया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है इस पर। आप कहाँ से लगा रही हैं? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, आप बिहार के हैं, और बिहार का ये मतलब एक स्टेट की आपने मतलब... मैं शिवानंद जी, मैं इसमें इंटरव्यू कर सकता, बहुत सवाल हो गए उसके बाद। हाँ जी 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 जी, तो मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि आप ये एक्सरसाइज हम कर चुके हैं कई बार और मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं लगता है, क्योंकि ये जो 15100 जब बनाया गया 2015 में तो ये MTNL को दिया गया ये काम, तो MTNL का जुरिस्डिक्शन सिर्फ दिल्ली है, तो उनके पास जो सिस्टम है, MTNL के पास जो टेक्नोलॉजी है वो सूटेबल नहीं है 15100 के लिए, लेकिन आज की तारीख में भी ये MTNL के पास ही है। So, इसलिए ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में करिए, आपको यही मिलेगा। कभी कभी अगर दिल्ली में कनेक्ट हो गया तो हो गया, नहीं तो बाकी कनेक्ट ही नहीं होगा और कई मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा, ये हमें मालूम है। तो इसलिए ये एक्सरसाइज का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, एक्सेप्ट टू अंडरस्टैंड कि हमें सच में ही नहीं मिल रहा। लेकिन ये जो सवाल इन्होंने पूछा था, ये तो मैं इसका तो सवाल नहीं दूंगा जवाब कि ये जो रविंद्र कुमार ने पूछा उनका अपील डिले हो रहा है, वो तो आरटीआई का मामला है। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो पूछे वो महेंद्र कुमार जी ने, पीएलवी जो हैं उन्होंने पूछा, तो उन्होंने 2-3-4 पॉइंट्स उठाए जो कि सच में वाजिब हैं।
कि पहले तो जितने भी पीएलवी लोग हैं, चाहे वो हरियाणा के हों या चाहे पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में जो पीएलवीज हैं, उनका कोई मैनेजमेंट सिस्टम है नहीं। जो डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज उनको उनको बोलते हैं अवेयरनेस भी करिए और लोगों से मिल भी लीजिए और जो लोगों की परेशानी है वो रिजॉल्व भी करिए। यही ये क्रक्स है जो उन्होंने बताया, यही प्रॉब्लम है। अब पीएलवी किसी बुजुर्ग आदमी से मिल गया, उसने कहा कि भाई मेरा ये मसला है, या तो वेलफेयर चाहिए या तो कोर्ट केस चाहिए या पेंशन चाहिए, जो भी उसका मसला है। अब ये जिम्मेवारी बनती है पीएलवी की, वो इसको रिजॉल्व करे। और पीएलवी को सुनेगा कौन? और इनके पास इतना सिस्टम भी नहीं है, इतना फैसिलिटी भी नहीं है कि वो उस बुजुर्ग आदमी के लिए या उस महिला के लिए या उस विडो के लिए उसका पेंशन का फॉर्म भर दे, उसके बाद वो पेंशन का फॉर्म जमा कर दे, उसके बाद इसको फॉलो अप कर ले, या उसको अगर केस करना है तो उसमें वकील साहब को अलॉट करना है, उस पर चिट्ठी लिखना है, उस पर पिटिशन लिखना है, उसमें एप्लीकेशन लिखना है। तो जो काम एक्चुअली पीएलवी को करना चाहिए, जस्ट बी ए लिंक, एक सिस्टम को और एक आदमी को जोड़ने का जो लिंक होना चाहिए पीएलवी, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी ये जिम्मेवारी भी फिर उनकी ही बनती है कि इसको रिजॉल्व भी कर लो। तो इसलिए ये सिस्टम ओवरबर्डन्ड है इन दैट सेंस, क्योंकि ये एक ही आदमी पर इतना सारा बर्डन डाल देते हैं, इसलिए नहीं चलता। नहीं तो पीएलवीज नालसा के पास पीएलवीज बहुत है और पैनल लॉयर भी बहुत है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल सिस्टम, इसीलिए स्टेट लीगल सेंटर बनाया गया। स्टेट लीगल सेंटर इनको मैनेज करता है, वो सिर्फ पीएलवी को बोलेगा भाई तो आपका सर ये काम है, ये टास्क नंबर 4 है, ये हमारा पेटिशन है, इसको फोटोकॉपी करके रजिस्टर करवा दीजिए, या इस आदमी का ये फॉर्म है, इस पे दस्तखत करवा दीजिए। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट, वो पीएलवी की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि वो उसका पूरा समाधान कर दे प्रॉब्लम का। उसको एक अपना एक छोटा सा टास्क जो उसके कैपेसिटी में है और जो उसके एबिलिटी में, वो करेगा, और पूरा मैनेजमेंट सिस्टम अलग से होएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो हम बात कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, चाहे 15-100 में है, 181 में है, या सभी हेल्पलाइन में, जूं ही मैं कहीं भी जाता हूँ और जूं ही मैं मुंह खोलता हूँ कि हम हेल्पलाइन चला रहे हैं, बोल रहे हैं अच्छा जी हमने तो बहुत हेल्पलाइन देखा, कुक हेल्पलाइन, अब तो शर्म आती है बोलने में कि हम एक हेल्पलाइन के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि जो कॉन्सेप्ट ही बना है कि ये फेल्ड है, तो है ही, सच में ये फेल्ड है। जब 2013 में हमने बात किया था हेल्पलाइन का, तो जो सेक्रेटरी साहब थे उसने कहा हमें नहीं सुनना हेल्पलाइन दोबारा से नहीं सुनना, इट्स अ फेल्ड सिस्टम। लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल दिया जो मैं आज रिपीट करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि एक टेलीफोन है, जो हमारे पास टेलीफोन आता था, हम रिंग रिंग होता था, हम टेलीफोन उठाते थे, हम उसको भी टेलीफोन बोलते हैं। और जो आज मेरे हाथ में मोबाइल फोन है, जिसको स्मार्टफोन बोलते हैं, वो भी टेलीफोन है। अगर हम ये अस्यूम करेंगे कि ये स्मार्टफोन भी वही टेलीफोन है जो हमारे 20 साल पहले टेलीफोन हुआ करता था, देन वी आर मिस्टेकन, देन वी डोंट, ये हमारी गलती है। तो 181 जो है उसका नाम टेलीफोन हेल्पलाइन नहीं है। अगर आप उसकी स्कीम देखेंगे तो हेडलाइन पे लिखा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्पलाइंस। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्पलाइन क्या है? ये कंप्यूटर सिस्टम है जो सभी हेल्पलाइंस को जोड़ता है। लेकिन जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो एमपी में है, चाहे जेएनके में है, चाहे चेन्नई में, उन्होंने ये वर्ड जो है यूनिवर्सलाइजेशन हटा दिया, उसको बोल दिया कि ये हेल्पलाइन है, 181 का हेल्पलाइन है, तो कॉल सेंटर बदल दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया कॉल सेंटर। तो सबसे पहला कैंपेन जो हमें करना है, वी हैव टू एटलीस्ट रिमाइंड दीज ब्यूरोक्रेट्स कि ये स्कीम का नाम है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्पलाइन। लाइक जैसा हमारे पास अगर कोई बोलेगा भाई मुझे फोन दे दो, फोन और स्मार्टफोन में जमीन और आसमान का फर्क है, एकदम जमीन और आसमान। फोन क्या चीज है और स्मार्टफोन तो आपका कंप्यूटर भी है, टेलीविजन भी है, वीडियो भी है, सब कुछ है, स्पीकर भी है। स्मार्टफोन is a computerized system, whereas telephone is a communication device. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक काम जो हम लोगों को करना पड़ेगा, कि एक कैंपेन करना पड़ेगा कि ये चीजों को सही से लागू किया जाए, जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं ये सब खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू। बारह
अच्छा ये सुभाष का सवाल जो था जम्मू में, सुभाष जी हम वो जी, देख आप... लेंगे जम्मू में, आप मुझसे फोन पे बात करिए, जो भी है उसका जितना भी हमसे हो पाएगा वो कर लेंगे। जी बिल्कुल सुभाष जी आप बात कर लीजिएगा श्री राज कचौरी से, बात कर लीजिए। मैं इनको अच्छे से जानता हूँ, इसका कोई मसला नहीं है। जी जी बिल्कुल, मुझे चूंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है उनका, वो आपसे कोऑर्डिनेट करके। और शिवेंद्र मिश्रा जी आप कुछ अपना अनुभव बता रहे थे, आप कृपया शॉर्ट में बताएं कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रही है उनकी कार्य प्रणाली कैसी है, आप वो नहीं बात रखें। जी 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 शिवानंद जी एक बार फिर से बोले, थोड़ा सा आवाज सही नहीं आई। हमारा मतलब ये था कि डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल अथॉरिटी भी होती है, जिला मतलब इनका प्राधिकरण जितने भी बने हुए, चाहे वो नेशनल हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, तालुक हो, इस तरह से होता है। तो हमें पता है कि ये डिस्ट्रिक्ट में भी ये व्यवस्था होती है, तो ये डिस्ट्रिक्ट की किस प्रकार से काम कर रही है, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अधिवक्ता हैं, तो इसका कैसा आपका अनुभव रहा है? सर जो इनकी हेल्पलाइन है वो तो पूरी तरह से प्राप्त है, उसकी तो व्यवस्था एकदम बेकार है। अभी हमने आप जो हमको उस समय म्यूट किए थे तो लगभग हमने 2-3 बार कॉल किया, तो एक बार रिंग गई उसके बाद बंद हो गया, बाकी 2 बार बंद बताया, हर बार अलग अलग बताता है। यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट आते हैं तो उनकी तो हेल्प की जाती है, जो वॉलेंटियर हैं वैसे यहाँ पे लगभग चल रहा है, हमारे यहाँ जो अलग सेल बनाया गया है तो यहाँ पे चल रहा है, लेकिन हेल्पलाइन तो उतनी कारगर नहीं है, क्योंकि लगभग लगभग हर जगह लैंडलाइन BSNL का कनेक्शन है और वो तो काम ही नहीं कर पाता। वहाँ पे जितने लोग फोन लगाते हैं तो फोन में तो हरदम यही समस्या आती है, वो तो दिक्कत, या कि फोन रिसीव नहीं हुआ या कि फोन जी, वो दिक्कत राज कचौरी जी ने बता दी है कि वो MTNL से जुड़ा हुआ नंबर है और वो काम नहीं कर रहा है, उसमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है। पर जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये जो सर्विस अथॉरिटी है, तो मतलब क्या ये सही काम कर रही है, अच्छे वकील मिल जाते हैं क्या, कॉम्पिटेंट वकील मिल जाते हैं, कि बस ऐसे मतलब जो निचले स्तर के वकील होते हैं जिनको कोई काम न मिल रहा हो या केसेस न मिल रहा हो, क्या इस प्रकार के वकील मिल रहे हैं, कैसे होता है, क्या उस कॉम्पिटेंसी के साथ वो मामला रख पाते हैं? अब देखिए थोड़ा सा विसंगति है इसमें, हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें शासन के द्वारा उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सर्विस है, लोक सेवा दे रहे हैं, लेकिन इसकी तो समस्या है थोड़ा सा। बाकी जो बड़े लायर हैं वो इसमें देते हैं, चूंकि उनको ये रहता है कि हमको फीस कम मिलती है, ठीक, तो वो अपने व्यक्तिगत मामलों के अलावा इसमें ध्यान नहीं दे पाते हैं। बाकी चल रहा है, हद तक प्रयास किया जाता है, जिनको वॉलंटियर बनाए हैं कुछ लोग उनमें ऐसे हैं कि योग्य लोग भी हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन उतनी अच्छी ढंग से संचालित नहीं हो रहा जितना किसको चाहिए, प्रॉपर वे पे उनकी फीस नहीं मिल पाती और उतना ध्यान भी नहीं दिया जाता सरकार के द्वारा। जी बिल्कुल, तो अब इन सभी अनुभवों के साथ में हम सीधे रुख करेंगे हमारे कार्यक्रम के महत्वपूर्ण विशिष्ट अतिथि जस्टिस श्री कल्पेश झबेरी की तरफ, उड़ीसा हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और राजस्थान एवं गुजरात के जस्टिस रहे हैं आप, और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के आप कार्यकारी चेयरमैन रहे हैं। तो सर एक बार हम फिर पुनः आपका स्वागत करेंगे कार्यक्रम में, और निवेदन ये रहेगा कि यदि आप थोड़ा सा हिंदी में भी कुछ प्रकाश डाल दें, प्रश्न तो आपके समक्ष बहुत सारे आ चुके हैं जैसा कि आपने देखा ही है, और आप इनको सम अप करके इन सारे प्रश्नों को, इन सारी बातों को आप किस तरह से ये 15100 और ये जो व्यवस्थाएं हैं इसको आप कैसे देखते हैं? झवेरी सर सुन पा रहे हैं क्या? मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा लेकिन हिंदी इतना अच्छा नहीं है होंगे, पर मैं कोशिश करता हूं। सर कोई इशू नहीं है, सर कोई इशू नहीं, हम सब सीख रहे हैं, सब भी आ जाएंगे तो वो यू टू ओके। हमें एक बात जो पूरे आज मुझे अच्छा लगा पूरा प्रोग्राम में, कि नाउ वी आर गोइंग ऑन ए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी प्रोग्राम। राज कचूर साहब ने जो प्रोग्राम में पूरी डिटेल जो दी है वो अगर हिंदी में सबको सर्कुलेट कर देंगे एंड इफ वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट,
ये जो उन्होंने जो बताया है वो अगर हम अथॉरिटी के साथ बैठ के कोशिश करें कि हर स्टेट में हर एक राज्य में ये इसका इम्प्लीमेंट हो जाए तो मुझे लगता है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बहुत अच्छा काम कर पाएंगी और हम छोटे से छोटे आदमी के पास जा सकेंगे और विल हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए पूरा जो आज कोशिश जो मुझे लगी है वो अगर हम कॉन्सेंट्रेट करके आइदर वी शुड अप्रोच हर एक स्टेट में इंडिविजुअल अप्रोच करना चाहिए या नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा को भी हमें अप्रोच करके ये पूरा हमारा आज का जो प्रयास है वो करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और पूरे अगर वी कैन हेल्पफुल। सब जो बोलते हैं कि काम नहीं होता है ऐसा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी थोड़ी दिक्कत आती है, हमें स्टाफ नहीं मिलता है, स्टाफ मिलता है तो कंप्यूटर नहीं मिलते हैं, कंप्यूटर मिलता है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, कभी कभी स्टाफ छुट्टी पे चला जाता है एंड देन पीपल आर नॉट गेटिंग सैलरी रेगुलरली, देर आर मैनी इशू इन द मैनेजमेंट। इसलिए सबका कोऑपरेशन करके पीएलवी का जितना मैक्सिमम उपयोग करेंगे उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज पीएलवी दे आर गेटिंग पर डे पर विजिट। सो ऐसा है तो हमारे में से भी जो सिंसियर वर्कर है उनको रिक्वेस्ट करके पीएलवी बना के सिस्टम को हेल्प करना चाहिए। थैंक यू सर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सवाल डेफिनेटली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जस्टिस जावेरी से, कि ये स्पेसिफिक जस्टिस जावेरी से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के साथ ये डिफिकल्टी है कि इट टेक्स अस लॉन्ग टाइम, हमें नहीं, वी आर अनएबल टू अप्रोच द हायर अथॉरिटीज, फॉर इंस्टेंस एग्जीक्यूटिव ऑफ एन SLSAs or chief executive of NALSA. Although the NALSA, we are partners with NALSA, but at a lower level. So it takes us very long time to get to the chief executives and explain what we have been able to develop after 7 years of research, 7 years of extensive work. ये बहुत, ये आज एक दिन में नहीं बना, 7 साल से इस पे काम हो रहा है. And अगर आप हमारी इसमें मदद करें, you become our brand ambassador in a way, so that we can present our work much more systematically to people. तो मुझे 100% मालूम है कि everybody will like to do it, because इसमें नया funding, नया schemes, नया कुछ नहीं चाहिए. We are only implementing what already is meant to be implemented anyway. So जो चीज करना है वो जो उनके कागजों पे किताबों पे लिखा है वो नहीं हो पाया है तो वो हम मदद कर रहे हैं और ये पायलट भी चल रहा है, वर्केबल सिस्टम है, पैसे की कोई खास जरूरत नहीं है, बहुत कुछ ही नहीं है वर्चुअली, जब हम मुफ्त में चला सकते हैं दो स्टेट में तो पूरा नालसा तो चला ही सकता। तो इसमें अगर आप हमारी मदद करेंगे तो पूरा हिंदुस्तान का बहुत फायदा होगा। दिस इज माई रिक्वेस्ट। श्योर, आई कैन हेल्प यू आउट। कैन आई सजेस्ट यू टू मेक ए प्रोग्राम एंड वी कैन फॉरवर्ड दिस प्रोग्राम टू एवरी स्टेट एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बाय ईमेल। I think even if 50% of the institution accept this, we will get indirectly the result and then we'll approach the highest authority. That is my suggestion. I can help you out anytime. You just tell me, I will be in Delhi and we can meet the highest authority. You just send me the program. I will study it in detail and we can go at any time. Yes, absolutely. We will be in संपर्क में रहेंगे और बताएंगे और भी डिफाइंड तरीके में बताएंगे कि क्या हो रहा है, छोटा सा ब्रीफ समरी और उसके बाद एक्सटेंडेड डिटेल क्या है, प्रोग्राम क्या है और क्या चल रहा है। अभी जो J&K और छत्तीसगढ़ में जो अभी मैं लास्ट वीक ही मैं मिल के आया J&K के चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वहां, तो वंस ही हर्ड माय प्रेजेंटेशन फॉर 40 मिनट्स 5 मिनट्स ही कॉल्ड एवरीबॉडी एंड सेड वी वांट टू इंप्लीमेंट इट टुमारो। तो एक बार जब हम बात आवाज करती है, हाँ, मैंने कहा जब हम एक बार बात कर पाते हैं हायर अथॉरिटीज को तो इट बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव एंड इट बिकम्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो हमें आपकी मदद उसमें चाहिए कि यू रिप्रेजेंट अस, रिप्रेजेंट दिस कॉन्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल द हायर अथॉरिटीज। वो हमारा रिक्वेस्ट।
जी हमें लगता है कि झवेरी साहब का थोड़ा सा नेटवर्क अभी कुछ इशू हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत लग रही थी अभी बीच। कोई बात नहीं, अब हम झवेरी साहब से बात करेंगे फिर कभी। जी जी बिल्कुल। और इन प्रिंसिपल तो एग्रीमेंट है ही, वो तो मदद करने को हर वक्त ही तैयार है हमारे। जी जी बिल्कुल। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब हमारे MPCG वगैरह में इधर भी ये बेहतर ढंग से लागू हो, हम इस पर भी मतलब चर्चा करें। और इस पर भी हमारे बीच में भगवान जी रयानी जी हैं, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस, फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के आप बहुत महत्वपूर्ण आपकी भूमिका है। सर स्वागत है आपका। और इस कार्यक्रम में श्री वेंकट रमन जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। और हम आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा सुनना चाह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में आप अपने विचार रखें। भगवान जी। हाँ जी हाँ, नमस्कार टू ऑल। मुझे यही कहना कि हम ऐसे सेमिनार वेबिनार करते ही जाते हैं एक्सेस टू ऑल एंड ऑल दत्त जी, मगर हम जो वेबिनार करते जाते हैं, हम भाषण करते जाते हैं, ये लॉ मेकर्स तो ये देखते नहीं है। एंड जो चेंजेज करना है लॉज में, वो तो लॉ मेकर से करेंगे। उसमें तो 50% आर फेसिंग द क्रिमिनल केसेस एवरीवेयर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स। और मेरा सुझाव तो यह है, आई एम 84, जो स्पीकर से शायद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर यंगर टू मी, 84 आई एम वर्किंग, इधर दौड़ता हूँ उधर दौड़ता हूँ फॉर एक्सेस टू जस्टिस। तो इसके लिए हमें, मेरा सुझाव ये है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट ये भाषण करते हैं, आते हैं और अपने अपने घर में सब चले जाते हैं, क्यों हमें तो ऐसा लगता है कि भाई एक प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है ड्यूरिंग दिस एपिडेमिक, और हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मगर इसका कोई मतलब लगता नहीं है। इधर से एक्सेस टू जस्टिस हमें नहीं मिलेगा जहाँ तक हम सड़क पर उतर नहीं जाएं, धरना नहीं करें, अहिंसक तरीके से हम जहाँ तक हमारा गोल तक पहुँचे नहीं, जैसा गांधी जी ने बताया, वहाँ तक कुछ होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ जो स्पीकर्स आते हैं ओरेटरी करने के लिए, वो 60+ मगर 75 के अंदर के होते हैं सब। दे आर कैपेबल फिजिकली मेंटली एवरीथिंग। तो इसके लिए एक संगठन हर स्टेट में बनना चाहिए, हर शहर में बनना चाहिए कि भाई अभी 4,60,00,000 केसेस आर पेंडिंग इन द इंडियन कोर्ट्स। ये भाषणबाजी करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। एक्सेस टू जस्टिस, वर्चुअल कोर्ट्स एंड ऑल अदर थिंग्स, मगर वर्चुअल कोर्ट तो कोर्टों को करना है। वो कुछ ई कमेटी बनाया है, उससे काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें हो रहा है सरकार की ओर से, कोर्ट की ओर से। और हमारे वेबिनार तो उधर पहुंचते भी नहीं है, क्या होता है, व्हाट द रीजन? इसका कोई परिणाम आने वाला नहीं है। वी आर सिंपली वेस्टिंग अवर टाइम इंस्टेड ऑफ जस्ट वेस्टिंग 2 hours ओवर हियर इन द वेबिनार। Why don't we go to the streets, collect the people, पूरे हिंदुस्तान को जैसा पहले स्वतंत्र के पहले जलाया था ऐसा जला देना चाहिए, मगर not physically, but in the people's mind, कि now ये second आज़ादी आनी चाहिए। और वो आज़ादी है जो नागचूर लगाई है कोर्टों में, जजेस ने, जजिस ने, ये सब में से। तो अभी आगे पे छोटे हैं, सबको मैं एक अर्नेस्टली अपील करता हूँ कि उनको ये भाषणबाजी बंद करके रास्ते में आके उसका संगठन, आपके पास जो अनुभव है, ये अनुभव को काम में लगा के, आपके पास जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप को काम में लगा के सबको, जनता को इकट्ठा करके जगह जगह पर सैकड़ों
एक देश में सैकड़ों संगठन खड़ा करके ये सब करने का है, दैट इज द वे फॉर एक्सेस टू जस्टिस, नॉट दैट व्हाट वी आर गोइंग, वन नॉट दैट वी आर डूइंग इवन राइट अवे. दिस इज व्हाट आई हैव टू से एंड नथिंग मोर देन दैट. सॉरी इफ एनीबडी इज हर्ट. थैंक यू. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी. और आपकी बातों को हम सकारात्मक तौर पे लेते हैं क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं. और हम आपको बता दें कि भगवान जी ने जो बातें कही हैं उन्होंने सैकड़ों, मतलब उनकी फेडरेशन ने, उनकी सोसाइटीज हैं हर जगह, और उन्होंने सैकड़ों PIL लगाई हुई है विभिन्न हाई कोर्ट्स में, विभिन्न सुप्रीम कोर्ट्स में, और अब एक ही सुप्रीम कोर्ट है, तो उन्होंने लगाई हुई है कई सारी PIL हर चीज़ों में लगाई हुई है. बढ़ चढ़ के वो इन सब कामों में रहते हैं, तो उनका जो पेन है, जो उनका एक दर्द है अंदर का, वो आज इस उम्र में भी यदि इतना ज्यादा है तो ज्यादातर युवाओं को और जो काम कर रहे हैं उनको ये समझने की जरूरत है, इसको पॉजिटिव वे में लेने की जरूरत है. और उनका कहना बिल्कुल सही है कि ये सब चीजें हम जो कर रहे हैं ये तो इसको अपन पूरी तरह से नकारा नहीं साबित कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो यहीं से डेवलप होता है, लेकिन ये सारी चीजें ग्राउंड में भी करने की जरूरत है. हमारा प्रयास इसमें निरंतर रहता है भगवान जी. हम आपको बता दें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने यहाँ पे बात रखी हुई है. और कार्यक्रम में हमारे और भी गेस्ट लोग जुड़े हुए हैं, जो मैं प्रवीण भाई जी को थोड़ा सा यहाँ पर आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे, जिनको मैं नाम यहाँ पे नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, कृपया वो कार्यक्रम में थोड़ा सा उनको हाईलाइट करें और उनके दो दो मिनट के उनके टॉक्स जो भी है उनको वो लें. प्रवीण भाई जी. या नमस्कार सभी साथियों का. हमारे बीच एक तो वेंकट रामन जी दिख रहे हैं. वेंकट जी, दो दो मिनट आइए प्लीज. थैंक यू वेरी मच. मैं सबसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ शिवानंद द्विवेदी और प्रवीण पटेल, ये दोनों इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये आसान बात नहीं है. आज जो वेबिनार हो रहा है, मैं पिछले 1.5 साल से इनसे जुड़ा हुआ हूँ, इतने मुश्किल काम है. आज का स्पीकर को हम लोग हमेशा तारीफ करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, पर सबसे पहला मैं आज थैंक यू बोलता हूँ शिवानंद जी और प्रवीण पटेल, जो इतना अच्छा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया और इतना और इतने अच्छे अच्छे स्पीकर को सब एक इकट्ठा करके, इतना मेंबर्स को मेल भेज के बैनर बनाना बहुत बड़ी काम है, बहुत बड़ा काम है. और इतना पेशेंटली मीटिंग भी कंडक्ट करना और सबको बाद में थैंक यू बोलना, बाद में सबको क्या ये करना, रिपोर्ट बनाना, ये छोटी बात नहीं है. मैं जनरली एज अ ऑर्गेनाइजर आप सब पार्टिसिपेंट को जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ. सो वी ऑल शुड थैंक शिवानंद एंड प्रवीण पटेल फॉर मेकिंग ऑल द एफर्ट एंड थैंक यू. और आज का जो विषय में हमारा पंडित बेटा है, हमारा बड़ा बड़ा ज्ञानी है राज खत्रू जी. He is a great, he is a philosopher, he is a this is a highly learned man, and we are fortunate that he has taken so much effort in the last 7 years. I am personally aware ki kitna mehnat kar raha hai, itna ye kar raha hai. Jaise aaj hame pehle baar jankari hua ki telephone landline instrument alag hai aur smartphone alag hai. Mujhe मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, जैसे बोलते कॉलेज जाके आया हूँ, दैट मींस आई एम एडुकेटेड. बट आज जो जानकारी हुआ कि स्मार्टफोन इज इक्वलेंट टू कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, तो लेकिन लैंडलाइन अलग है. इवन दैट बाबूज एंड ऑल दे हैव टू बी मेड अवेयर. दिस इज ए वेरी वेरी दिस थिंग आई थिंक आई लर्न समथिंग टूडे. जैसे आज उन्होंने एक सुझाव दिया, आई थिंक दैट आज हम गवर्नमेंट सरकार डिपार्टमेंट में, हमारा इतना 70 साल का अनुभव है, सरकारी डिपार्टमेंट में कोई भी कुछ काम करके लेना, यू नीड अ फेस इन द फ्रंट. मैं काफी संस्था का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, चेयरमैन रह चुका हूँ, बट आई अल्टीमेटली बिलीव दैट ए पॉपुलर पर्सन, ए बिग फेस शुड बी ऑलवेज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द चेयरमैन. जैसे आज उन्होंने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया, कल्पेश जवेरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाइए. आई थिंक सिमिलरली इट्स अ एक्सलेंट सजेशन. We must have Kalpesh ji jaisa aadmi, who is totally wholeheartedly supporting our movement. I admire, hats off to Kalpesh ji, because he has attended pichle kitna webinar mein, wo kabhi na nahi bola, har webinar mein hamara saath diya.
जैसे कल्पेश जवेरी जैसे काफी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स आईपीएस ऑफिसर्स रिटायर्ड जजेस आई थिंक वी शुड मेक देम द फेस ऑफ अवर मूवमेंट एंड सो किसी डिपार्टमेंट का अंदर घुसना बहुत आसान हो जाता है और इनका पूरा टाइटल रख के वो हमारा बात भी पूरा सुनते हैं। अगर आप और हम अकेले गया, मैं काफी बार गया हूँ, लेकिन 5 मिनट का समय देते हैं उसमें 3 मिनट भी सुनता नहीं है। तो बट कल्पेश जवेरी जैसा आदमी हमारा साथ है, वी आर रियली फॉर्चुनेट। आज बाकी सब स्पीकर का इतना इन्वॉल्वमेंट, आज 100 का ऊपर आई सॉ दैट 125 मेंबर्स एंड सबका सब इतना एक्टिवली इन्वॉल्व है। सो आई एम कॉन्फिडेंट ये इतना अच्छा आज के समय में संडे का समय इतना समय निकाल के हमारा बीच आए हैं, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ होप हमारा ये मूवमेंट सफल रहेगा एंड वी शुड डू द बेस्ट एंड माय कोऑपरेशन इज टोटली विथ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच वेंकट जी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे उड़ीसा के जो स्टेट कन्वीनर है मिस्टर युधिष्ठिर महाराणा जी, he is a retired chief manager of the bank as well as is a practicing in the Odisha High Court, Maharana Sahab. 2-3 minutes. Unmute kijiye. प्रवीण भाई अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। या अनम्यूट है। ओके महाराणा जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा चेक कर लीजिए। तब तक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ विजय पालीवाल जी को 2-3 मिनट ही लीजिए, अपने और 5-7 साथी हैं। पालीवाल जी अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रवीण भाई जय हिंद। जय हिंद। जस्टिस कल्पेश जवेरी साहब हैं क्या? मैं एक्चुअली उसी टाइम पूछना चाह रहा था, मैंने 2-3 बार ट्राई भी किया। एक्चुअली प्रवीण भाई एक आपने एक बात बोली थी कि सिस्टम का बने रहना बहुत जरूरी है। जैसा आपने हैदराबाद इंसिडेंट के बाद में बताया कि सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, अब राज कचरू जी इतने बड़े सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सिस्टम अगर बना भी लिया और अगर सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं रही तो कोई भी सिस्टम इवन जुडिशियल सिस्टम हो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि सारे सिस्टम जो बने हैं लोगों की भलाई के लिए बने हैं, खुद की भलाई के लिए नहीं है। और अभी जो सिस्टम जो खराब जो सिस्टम जो कमी आ रही है वो इसलिए कि सिस्टम लोगों की भलाई नहीं कर रहे हैं, लोग वो कुछ पर्टिकुलर लोगों की या अपनी भलाई के अंदर में लगे हुए हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि जस्टिस रमन्ना ने 16 सितंबर के अंदर में एक बात बोली थी, द कॉमन मैन शुड नॉट बी फील स्कैर्ड ऑफ जजेस एंड कोर्ट्स, कोर्ट शुड बी कंफर्टिंग, द फोकस पॉइंट ऑफ एनी लीगल सिस्टम इज द लिटिगेंट, कोर्ट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल इन नेचर। कि आप कुछ भी करिए आंदोलन करिए, आंदोलन लाखों लोगों के साथ कर लीजिए लेकिन काम तो अल्टीमेटली आपको सिस्टम से ही कराना है। मैं एक बात और फिर अपनी बात के ऊपर मैं आता हूं, क्योंकि अगर सिस्टम को ऑब्जर्व करना है तो उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी होती है जुडिशरी की। जुडिशरी वॉचडॉग है हर चीज का। मैं कल्पेश जवेरी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि अगर कोई सरकार फेल होती है तो जुडिशरी बोल सकती है। जैसे अगर अपन बात करते हैं कि ओथ लेते हैं, ओथ लेते हैं तो अगर शपथ लिए किसी भी चीज की शपथ लिए तो उसको पूरी करवाना भी दायित्व जो है वो जुडिशरी का होता है। अगर अगर लेकिन अगर जुडिशरी के अंदर में करप्शन हो गया तो दैट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी, या जुडिशरी का कोई आदमी भी अगर जिसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई तो बहुत खतरनाक है। इसलिए क्वालिटी ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए और उसके अंदर में कमिटमेंट होना चाहिए और जुडिशरी की स्क्रूटनी होनी चाहिए। और जो हाईकोर्ट के अंदर विजिलेंस होता है, जुडिशरी विजिलेंस, मैं खुद भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद डील कर रहा हूँ। कल्पेश जवेरी जी राजस्थान हाईकोर्ट के रहे हैं, मैंने खुद ने राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर भी एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि एक जुडिशरी के अंदर में करप्शन की, तो उसके अंदर में भी एक्शन होना चाहिए। अगर एक्शन नहीं हुआ तो ये हिंदुस्तान का सिस्टम जो आप बोल रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा फेल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा एंड दैट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी। फिर आप चाहे कितने भी आंदोलन करिए, चाहे कुछ भी करिए, उसका कोई नतीजा नहीं होगा और अराजकता पैदा हो जाएगी। आवाज नहीं सुन पा रहे हम लोग।
हाँ महाराणा जी का माइक का इशू है महाराणा जी, एक बार आप लॉग आउट करिए, जूम से बाहर जाइए और फिर वापस आप आइए तो शायद आपका माइक काम करेगा। मुझे लगता है कि उनका ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम हो गया है यहाँ पर। तो सर इसमें अब बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है तो उनके भी जय विंध्याला जी हैं। जस्ट अ मिनट, एक ओके श्योर श्योर जय विंध्याला जी मैं अंजलि अंजलि गोपाल शर्मा साहब चक्रवर्ती भी देखा मैं आई सॉ अंजलि हैं क्या या महाराणा जी अभी आपका आवाज अभी भी नहीं आ रहा है हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं। अंजलि चक्रवर्ती जी आप हैं अनम्यूट करके सामने आ जाइए तुरंत। नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से उन्होंने सवाल पूछ हाथ उठाए हैं उनसे सवाल पूछ। हाँ वही आप थोड़ा क्वेश्चन आंसर ले लीजिए शिवानंद जी तब तक महाराणा जी का बात होता है तो ठीक है। जी बिल्कुल आप सूचित करिएगा तब तक अपन कुछ क्वेश्चन आंसर उठा लेते हैं। हमारे बीच में श्रीमती नीलम उनको बोला है जैसे मैं टेलीफोन भी कर लेता हूँ। जी जी और कल्पेश झवेरी सर जुड़ पाए वापस आप, मैं देखा था आप चलिए आ गए डिस्कनेक्ट हो गया था तो जुड़ पाएंगे तो दो चार लोगों ने हाथ खड़ा ओके जी जी सर बिल्कुल। श्रीमती नीलम मैडम जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आप अपनी बात पूछिए कौन सा प्रश्न पूछना चाहती हैं आप अपना। नीलम मैडम बताइए। हाँ सर नमस्कार जय श्री राम। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रवीण सर जी को और हमारे जस्टिस साहब कचरू जी को बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। मैं आपसे यह पूछना चाहती थी कि महिलाओं के साथ रेप कांड होते हैं बलात्कार होते हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो प्रेग्नेंट होने के बाद भी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती और थाने से भगा दिया जाता है इस मामले में हम क्या कर सकते हैं। हेलो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। जी सबसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ सर जी जवाब दे दूंगा। ये तो डिपेंड्स इसका केस तो प्रेगनेंसी की जरूरत नहीं है वैसे भी जो औरत बोलेगी मेरे साथ रेप हुआ है तो एफआईआर इज कंपलसरी। अगर एफआईआर नहीं अगर नहीं होता है तो जो लोकल 181 हेल्पलाइन है उनको तो वैसे मालूम होना चाहिए। अगर वो नहीं चलता है तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का 15100 पर भी आप बोल सकते हैं। तो दोनों हेल्पलाइंस में से किसी हेल्पलाइन पे होना चाहिए। लेकिन ये भी मैं आप बता दूं मुझे नहीं मालूम आप कहाँ के हैं। कहाँ के हैं? जबलपुर मध्य प्रदेश से वरिष्ठ समाज सेविका श्रीमती। हाँ तो जबलपुर में तो चलता ही नहीं है 181 तो वहाँ चीफ मिनिस्टर का हेल्पलाइन बना दिया है यूनिवर्सलाइजेशन के बदले उसको चीफ मिनिस्टर के हेल्प बना दिया वन स्टॉप सेंटर तो काउंसलिंग सेंटर बन गए। 181 पर भी कॉल करने पर कोई हेल्प नहीं मिलती है वन स्टॉप सेंटर में जाने पर भी हेल्प नहीं मिलती है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि एमपी की स्थिति सही अच्छी नहीं है। 15100 भी नहीं चलता 181 भी नहीं चलता और वन स्टॉप सेंटर जो वहाँ पहले जमाने से थे वो काउंसलिंग सेंटर है वो वैसे के वैसे ही है। तो इसलिए आपके पास सिर्फ एक चारा है कि आप सीधे ही मैजिस्ट्रेट के पास जाइए और रिक्वेस्ट करिए कि इसमें एफआईआर किया जाए इसके अलावा कुछ नहीं है। किस मैजिस्ट्रेट जी के पास जाना पड़ेगा? जो लोकल मैजिस्ट्रेट है उनके पास जाना पड़ेगा बोलने के लिए कि भाई इसमें एफआईआर करवा दीजिए। ओके धन्यवाद सर और रमन जी को भी मैं नमस्कार करती हूँ और हमारे जो धन्यवाद नीलम जी। चलिए अपन प्रश्न को आगे लेते हैं आप सबका बिल्कुल स्वागत है। जी हमारी बात पूरी हो ओके धन्यवाद ओके आगे प्रश्न। जी जयपाल सिंह जी खींची आपने हैंड रेज किया हुआ है राज कचरू जी आपको आमंत्रित कर रहे हैं आप प्रश्न पूछिए। जयपाल सिंह जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हमें लगता है कि जयपाल सिंह जी को कुछ दिक्कत हो रही है। यहाँ पर आगे अगला प्रश्न है अंकुर कुमार मिश्रा कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। अंकुर कुमार मिश्रा जी इंदौर से अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए।
हेलो हाँ बताइए जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार बताइए प्रश्न पर आ जाइए सीधे जो मुद्दा है उसके। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सेकंड अपील में हम गए आरटीआई के लिए और वहां से जो भी निर्णय हुआ है और वो पूरा विपरीत निर्णय है, तो इसके लिए क्या हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हैं? या मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि हाई कोर्ट कोई ऐसा रेमेडी ना दे दे कि आपने शिकायत दर्ज कराई या इस विभाग में चले जाते हैं, तो हाई कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचना चाहिए, उसको फाइनल डिसीजन वहां लेना ही चाहिए। तो इस संबंध में मेरे को पूछना था कि जो वॉयलेशन ऑफ एक्ट है उसके लिए आयुक्त अगर पेनलाइज नहीं कर रहे हैं, वो सामने वाले को पूरी तरीके से जाने दे रहे हैं, तो क्या ये वॉयलेशन ऑफ एक्ट खुद आयुक्त महोदय भी कर रहे हैं, तो इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते कोई केस लेके? ये तो केस पर डिपेंडेंट होगा। अगर जो आपका केस है वो पढ़ना पड़ेगा कि जजमेंट क्या है जी सर, तो उसको देख के ही तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि रिट पिटीशन में जा सकता है, अपील में जा सकता है। ये तो जनरल तो इसका जवाब है नहीं, लेकिन इन प्रिंसिपल अलोन में, इन्वर्टेड कॉमास में बोलता हूं, इन प्रिंसिपल सेकंड अपील के बाद यू कैन गो टू द हाई कोर्ट फॉर अ रिट पिटीशन। जी इस विषय में हमारे बीच में दो राज्य सूचना आयुक्त भी हैं, एक तो आत्मदीप जी हैं जो पूर्व राज्य सूचना आयुक्त हैं, और हमारे बीच में राहुल सिंह सर भी जुड़े हुए हैं जो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त हैं। तो मैं आप में से आत्मदीप जी ही सामने दिख रहे हैं, तो आत्मदीप जी कृपया आप बताएं, इनके प्रश्न का थोड़ा सा जवाब दे दें शॉर्ट में। देखिए सूचना आयोग के किसी भी आदेश पे जो अपील या शिकायत पर पारित किया गया है, कोई भी अपीलार्थी असंतुष्ट है तो वो सीधा हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकता है उस आदेश के विरुद्ध, इसमें कोई दोराय नहीं। हाई कोर्ट आपको नहीं कहेगा कि आपने आयोग में पुनरावलोकन की अर्जी लगाई या नहीं, या आदेश के खिलाफ कोई शिकायत की या नहीं, क्योंकि इसका कानून में प्रावधान ही नहीं, इसलिए आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। आत्मदीप सर, मेरा ये सवाल था, जैसे वॉयलेशन ऑफ एक्ट है तो ये लोक सूचना अधिकारी के ऊपर ही लागू होता है, क्या ये आयुक्तों के ऊपर लागू नहीं हो सकता? जी हाँ, उनको न्यायिक अधिकारी संरक्षण कानून का प्रोटेक्शन हासिल है जी। आयुक्त व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं होगा, लेकिन आदेश हाई कोर्ट उनका रद्द कर सकता है और उनको फिर से वो नए सिरे से आपका केस डिसाइड करें इसका निर्देश दे सकता है, या खुद अपना भी कोई निर्णय दे सकता है कि जानकारी दी जाए जो मांगी गई थी, या पनिश किया जाए लोक सूचना अधिकारी। जी सर जी। होता है हाई कोर्ट ऐसे मामलों में जो आयोग के आदेश के खिलाफ लोग हाई कोर्ट जाते हैं, हमारा अनुभव कहता है हाई कोर्ट वापस आयोग को ही भेजता है, संबंधित सूचना आयोग को लिखता है कि आपका आदेश ठीक नहीं है, इसमें कानून की अवलंघन की गई या बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया, तो आप तो नए सिरे से इतने दिन में डिसाइड कर आदेश। जी बिल्कुल। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, गोपाल मालवीय जी अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें, किनसे पूछना चाहते हैं आप ये भी उल्लेख कर दें अपने। सर आरटीआई से संबंधित मेरा प्रश्न है सर, काफी आरटीआई स्पेशलिस्ट जो हैं उन्होंने आरटीआई लगा रखी है बहुत सारी, तो सारे ऐसे आरटीआई स्पेशलिस्ट जो है आरटीआई करता उनके साथ किसी को जान से मारने की धमकी दी जाती है, किसी को तो मार ही दिया जाता है, तो सर ऐसी स्थिति में हमने आरटीआई कानून को, मतलब यदि ऐसी स्थितियां बनी रहेगी तो ऐसा तो ये जो कानून फॉलो हुए हैं ये तो खत्म ही हो जाएंगे सर, समाज ने इसके लिए कितना मतलब बलिदान दिया है, तो इसके लिए सर शासन की तरफ से और आईटीआई जो लगा रहे हैं सब एक संगठित होकर ना कुछ ऐसा कोई बनाया कि ताकि ऐसे लोगों का हमला ना हो और ये देश में कानून बचा रहे, ताकि इससे समाज को काफी लाभ मिले सर, लेकिन ऐसी स्थिति बन नहीं रही सर। ग्रामीण अंचल में भी बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, सचिव महोदय वगैरह जो भी है सुनने के लिए तैयार नहीं, क्या कर लिया तुमने आईटीआई लगा दिया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, झूठी एफआईआर हमारे ऊपर हो रही है, तो क्या है सर मतलब ऐसा कि दिखावा है मात्र कानून, जमीनी स्तर पर यदि फॉलो नहीं हुआ तो समाज को लाभ किससे मिलेगा, इसके लिए सर मदद कौन करेगा? मैंने अभी दो दिन आईटीआई फाइन करी थी तो दो तीन लोगों ने मुझे डराया धमकाया, बोला तुम ज्यादा समझदार हो के पढ़े लिखे हो, एलएलबी कर रहे हो, तो इस प्रकार से ऐसे लोगों के ऊपर क्या कायम की जाए, मेरा एक क्वेश्चन है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत ही लाजमी है और ये इस समय हॉट डिस्कशन में भी है, क्योंकि इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और हमारे बीच में माननीय श्री राहुल सिंह जी भी हैं,
जिन्होंने ट्वीट करके और विधिवत इसके विषय में काफी कंसर्न जाहिर किया हुआ है। हमने आपका ट्वीट पढ़ा और उसको फॉरवर्ड भी किया हुआ है, और अभी बिहार में एक मोतिहारी में ऐसी कोई घटना घटी थी उसके विषय में भी। तो मैं माननीय श्री राहुल सिंह जी को ही यहाँ पे कार्यक्रम में आमंत्रित करूंगा कि सर इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, और जो हमारे ये गोपाल मालवीय जी हैं जिन्होंने अपना ये कंसर्न जाहिर किया है, इसका समाधान कुछ समझ में आए इसमें आगे। हमें लगता है कि राहुल सिंह जी का कुछ नेटवर्क का इशू है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न है ये सिर्फ आरटीआई से तो जुड़ा ही है, लेकिन जैसे आरटीआई आवेदक को यदि इस तरह से धमकियां मिले या कुछ इस तरह से हो घटनाएं, तो वो भी कहीं ना कहीं वो लीगल सर्विस अथॉरिटी से वो कुछ हेल्प मांग सकता है। हमें लगता है कि वो भी उसका इंटाइटल है कि वो इससे हेल्प मांग सकता है। तो हमें लगता है कि जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है ये इसमें कितना काम कर सकती है, कितना हेल्प कर सकती है, और इनका क्या दायित्व होता है, क्या इसमें कुछ जैसे आरटीआई वर्कर्स जो हैं आरटीआई का उपयोग करने वाले, चूंकि आरटीआई कानून देश का कानून है, यदि वो कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। तो कहीं ना कहीं मैं राज कचुरू जी को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा और उनसे ये बात थोड़ा सा कि इसमें हम एज कैसे काम कर सकते हैं, मतलब कैसे इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उनका एक दफ्तर होता है हाईकोर्ट में, जो कि लीगल सर्विसेज कमिटी उनको बोलते हैं, वो देते हैं सपोर्ट। वो डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे कि ये आरटीआई का केस है या क्राइम का केस है या अलग केस है। तो ये वो रिट पिटीशन जो भी जो केसेस हाई कोर्ट में जाने वाले हों, और अगर वो आरटीआई एप्लीकेंट जो है अगर वो गरीब है और जो उसका क्राइटेरिया में फिट होता है नालसा की क्राइटेरिया में, तो वो मदद करेंगे बाय प्रोवाइडिंग ए लॉयर। बस उसके अलावा तो एसएलएसए इसमें ज्यादा नहीं मदद करेगा, और वो इन इसको ये देखेगा भी नहीं कि ये आरटीआई का मामला है। वो देखेगा कि एक एप्लीकेशन है जो कि हाई कोर्ट में लगाना है, और ये जो एप्लीकेंट है इसके पास इतना आर्थिक सुविधा नहीं है, इसके लिए इसको लगा दिया जाए, या और इफ इज अ शेड्यूल कास्ट, और इफ इज अ ट्राइबल पर्सन, और इफ इज अ वोमन, और इफ इज अ डिसेबल्ड पर्सन। तो जो जो क्राइटेरिया है उसमें अगर फिट हो जाता तो वो मदद करेंगे, दैट्स ऑल। इसके अलावा तो नालसा डज नॉट, वो नालसा नहीं देखता है कि ये आरटीआई का मामला है इसलिए इसको स्पेशल प्रोविजन कुछ दिया जाए। आज की तारीख तक तो यही सिचुएशन। जी प्रवीण जी भी हमारे बीच में है, प्रवीण जी इसको बोलना चाहूंगा शिवानंद जी अगर अनुमति। हाँ देवेंद्र अग्रवाल, देवेंद्र अग्रवाल, हाँ बोलिए बोलिए। सर एक जो अभी जो सवाल पूछा मेरे मित्र ने कि इस तरीके के जो हमले हो रहे हैं और जो एक्टिविटी हो रही है इस पर किस तरीके से होता है, क्योंकि नालसा सालसा ये जो पीएलसीवी है ये डेफिनेटली उस बच्चों के केसेस है, महिलाओं के केसेस है, या फिर ऐसे आर्थिक स्थिति से जूझ रहे लोगों की ही मदद कर पाते हैं, और उसमें मदद के लिए भी बहुत गुंजाइश कम रह जाती है। अगर खुद वो तकनीकी रूप से बेहतर नहीं है तो उनको भी मदद नहीं मिल सकती है। मैंने इस मामले में बच्चों के मामलों में बहुत इस मामले को देखा है, और इसमें कोई सहयोग नहीं मिलता, और आप बहुत ही हैरान हो जाओगे जब वहां पे जाओगे आप लॉयर्स वगैरह की एक्टिविटी देखते कि कुछ उनसे सपोर्ट मिलने वाला है नहीं, उनको खुद इतनी समझ नहीं रहती है कि क्या काम करें। मेरे को बड़े दुख के साथ ऐसा बोलना पड़ता है, खासकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो बहुत कमजोर स्थिति। बट मैं एक बात जो जोड़ना चाहता हूँ कि हम आरटीआई कार्यकर्ताओं को, क्योंकि ये कानून से जुड़ा हुआ मामला है और हम अभी क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन पे हैं इसलिए मैं इस बात को जोड़ रहा हूँ यहाँ पर कि हम लोग हैं कौन, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम देश के लिए जो सेवा कर रहे हैं बिना पैसे लिए, बिना कोई सैलरी लिए, बिना कोई उसके अपने खर्चों पर, हम जो देश के लिए सेवा करने की भाव से जो काम कर रहे हैं, हम सब लोग आते कहां से, किस सोच से, किस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है। अगर हमारा मोटिव देश की भलाई करना है, देश के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ना तो सरकार हमारे साथ खड़ी है, ना हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। ऐसे में ये लड़ाई हमेशा हमारे लिए कमजोर बनी रही है। आज हमारे एक वरिष्ठ मित्र ने हमारे ऊपर लाइन लगाया हमारे इसमें, जो कि बड़ा दुख हुआ सुन के कि हम लोग यहाँ पर जो अलग अलग हर बार कार्यक्रम करते हैं इस कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि उनकी बात कड़वी जरूर थी, सच जरूर था कुछ, लेकिन एक बात ये भी आपकी भी सच है कि हम लोग यहाँ से जो है ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों तक पहुंच बना रहे हैं जिनको समझ नहीं है उनकी समझ बढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है।
लेकिन जमीनी तौर पर भी हमको अपने लोगों की मदद के लिए हमारी नेटवर्क होनी चाहिए, जो अभी तक हम उस पर कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। हम संगठित तौर पे जो हमारे काम का प्रभाव है वो दिख नहीं रहा है। मैं खुद जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के दौर से गुजर रहा हूँ, मैं खुद बहुत ज्यादा प्रेशर में चल रहा हूँ और मुझे कहीं से भी किसी तरीके का सपोर्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि हमें एक चीज बस ये समझ में नहीं आ रही कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारा एम क्या है। ठीक है, आरटीआई एक टूल्स है, लॉ हमारे लिए टूल्स है, हमारे लिए कोर्ट हमारे लिए टूल्स है, पुलिस हमारे लिए टूल्स है, लेकिन हमारी भावना है, जो उद्देश्य है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट तो हमारे देश की भलाई है, हमारे लोगों की भलाई है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम किस तरीके से काम करें, इस पर मेरे सभी साथियों से मेरा प्रश्न है। और इस पर हमको ज्यादा जरूरी है कि क्योंकि संगठन, क्योंकि हम परिवार के तरीके से जब तक जुड़ के नहीं रहेंगे, एक दूसरे की सुख दुख में हम साथ नहीं देंगे और परेशानियों को हम लोग अगर सपोर्ट नहीं रहेंगे तो हमारे साथियों का मोटिवेशन बहुत कमजोर हो जाएगा, वो कैसे काम कर पाएंगे। बिल्कुल, तो सीरियसली लेने की जरूरत है शिवानंद जी। बिल्कुल, ये बहुत ही मेजर इशू है, सही बात भी है, आपका कंसर्न भी सही है, क्योंकि आप स्वयं भी इसके विक्टिम रहे हैं। तो राज कचुरू जी, यदि कुछ जोड़ना चाहें। विक्टिम तो आप भी रहे हैं, आपके साथ भी हमला हुआ है, आप भी जानते हैं। हम तो देखिए, हम तो हमारे हमलावरों को तो हम साधारण सुनिए देवेंद्र जी, हम हमारे हमलावरों को उनको सादा आमंत्रित करते हैं, वो जितना हमला करना है कर लें, क्योंकि हमारा काम नहीं बंद होगा। और जहां तक रही बात शासन प्रशासन, सुनिए, जहां तक रही शासन प्रशासन की बात, तो मैं इनसे कुछ उम्मीद नहीं करता। मैं जनता के लिए लड़ता हूं, आम पब्लिक के लिए, और हमारा सिर्फ उद्देश्य है लड़ाई लेना। ठीक है, हमारे यदि भगत सिंह या हमारे चंद्रशेखर आजाद, वो यदि इस धरती पे मिट गए और उन्होंने अपने लिए न्याय नहीं प्राप्त कर पाए, तो हम भी उसी श्रेणी में है। तो हमें इसका नहीं है कि हमें व्यक्तिगत कोई न्याय मिले। हाँ, हम वो आवाज रेज करते रहेंगे, ऐसे हमले हमारे ऊपर रोज होते रहते हैं, लोग गालियां देते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की धमकियां देते रहते हैं। ठीक है, अब उसके लिए सरकार को करना चाहिए, लेकिन हम तो अपनी बात रेज कर रहे हैं लोगों के लिए। हम ये कहते हैं कि यदि सरकार काम नहीं करेगी, वो आरटीआई कानून को खत्म कर देना चाहती है, यदि उसको कोई कंसर्न नहीं है इसका, तो अभी उसमें किया क्या जा सकता है। ठीक है, वो हम अपनी, लेकिन हम अपने लिए व्यक्तिगत हम नहीं मानते, किया क्या जा सकता लेकिन, है एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है शिवानंद भाई, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम लोग कौन है, हम लोग कौन है, सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है, पहले उद्देश्य क्या है, इसको हमें समझने की जरूरत है। और इस लड़ाई अपन इस पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारे और भी बहुत सारे साथी हैं जो हमारे व्यक्तिगत कंसर्न से ज्यादा ये इशू है, अपन इसको करेंगे। पॉलिसी इसको मैं इसमें इंटरवीन कर सकता हूँ, ये डिस्कशन में थोड़ा बहुत। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इंटरवीन आउटसाइडर की तरफ से कर रहा हूँ कि जो भी जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, यहाँ आप दो लोग हैं और मैं बहुतों को जानता हूँ, उनमें अंदरूनी जज्बा है, उनमें अपना इंटरनल डिजायर है कि वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन एक बार इंफॉर्मेशन लेके जब उनके हाथ में इंफॉर्मेशन आती है, उसके बाद जो फॉलोइंग स्टेप होता है, उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना टू चेंज द सिस्टम, उस वक्त जो है ये वो ब्रेक हो जाता है वहाँ। एक आरटीआई एक स्टेप है एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करने का, तो पहला स्टेप सक्सेसफुली आपने किया, लड़ाई झगड़ा मोल लेके, थ्रेटनिंग मोल लेके आपने जब वो स्टेप करके रह गया, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन रह जाता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता है चेंज का। तो उसके लिए जो है यू नीड ए बैकअप, जो जिसको हम बोलेंगे, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट होके इसको प्रोसेस करके एक पॉलिसी डिसीजन या जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज बनना चाहिए, तो उसके लिए जो है संगठन की जरूरत है पीछे, और एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव बॉडी की जरूरत है, जहां बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट, जो इंडिविजुअल आरटीआई एक्टिविस्ट हैं इस वक्त, वो हल्के, वो वीक, जिसको हम क्रिटिकल मास है बोलते हैं, वो क्रिटिकल मास में नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जब एक ग्रुप आरटीआई एक्टिविस्ट का इकट्ठे काम करेगा, एक इश्यू पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, उसको अप टू द एंड टू द कंक्लूजन लाने के लिए एक और संगठन पीछे से चाहिए, जो बेसिकली एनालिसिस होगा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशनों का, जो क्रिएट करेगा सिस्टम। सो मेरा मानना है कि आरटीआई एक्टिविस्ट जैसे पालीवाल जी हैं, आप हैं, शिवानंद जी हैं, ये सभी लोग बहुत जज्बे से काम करते हैं, लेकिन इनको जोड़ के एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी आप लड़ सकते हैं। ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट तो यही है। बिल्कुल सर, आप जो बोल रहे हैं एकदम बेहतर और सही बात बोले हैं आपने, और आपकी बात से मैं 100% मैं एकदम सहमत हूँ।
तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा हम लोग जो वीक पॉइंट हमारी है, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हम लोग क्या गड़े हुए मुद्दे उखाड़ते हैं। गड़े हुए मुद्दे उखाड़ने से सिर्फ बदबू बदबू फैलती है वातावरण में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसने मुद्दा गाड़ना था उसका हम कुछ नहीं कर सकते, जिसने मुद्दा बनाया इंसान को उसका हम कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि वो सिस्टम में बैठे वैसे लोग होते हैं कि जिसका बहुत बड़ा विकल्प नहीं होता, उनके मन में भय भी नहीं आता। हम लोगों ने यही कॉन्सेप्ट के साथ जो है पिछले 4-6 महीने में हमने इसमें काफी स्टडी करके हम लोगों ने इसमें एक बात को समझ ली है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट में काम करना है तो आपको शुरुआती समय से काम करना पड़ेगा जहां से गड़बड़ होती है। आप बोलोगे कि गड़बड़ हो गई, कोई घटना हो गई, कोई भ्रष्टाचार हो गया, किसी के ऊपर जुल्म हो गया, कोई घटिया काम हो गया, तो ना तो आप घटिया काम को सुधार पाओगे, ना भ्रष्टाचार को रोक पाओगे, ना किसी को, अब मतलब सिर्फ हम सबको जेल भरने के लिए सिस्टम पे काम नहीं कर सकते। हमको सिस्टम पर काम करने की जरूरत है सुधार के लिए, और वो सुधार शुरुआती दौर से होगा। जो जिस चीज पे स्किल रखता है, समझ रखता है, उसको उस स्तर पे आके काम करना पड़ेगा और उसको हमको बैक सपोर्ट देना पड़ेगा। चलिए, मैं देखना यहां पे काम कर पाएंगे। देवेंद्र जी, यहाँ मैं बहुत हाथ देख रहा हूँ आपसे, कभी छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, मैं आता हूँ रायपुर, तो वहां मिलके बात करेंगे कभी आपसे। आपकी बात सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा, जरूर मिलेंगे आपसे रायपुर में। थैंक यू सर। मुख्तार अहमद जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कृपया अपनी बात रखें। हेलो। हाँ हाँ, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, बताएं बताएं बताएं। अच्छा ठीक है, मैं सोच रहा शायद आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जी, मैं ये कह रहा था, भगवान जी रानी जी ने जो बात बोला उन्होंने, वो भी बहुत अच्छी बात रही। अभी जो कचरू जी ने जो कह दिया, ये उसमें भगवान जी का चेक करता हूं, है बहुत जरूरी है। आरटीआई को लेकर के हम लोगों ने पहले से भी देखा है, और फिलहाल जो कुछ भी केसेस हो रहे हैं, और मैं अभी आरटीआई करना शुरू किया हूँ, तो भी मैं पा रहा हूँ इस तरह की बातों को। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी बात, जो नालसा को या डालसा को लेकर के जो बात चली है, और कचरू जी ने कहा कि उसमें उनको थोड़ा सा इसमें नज़र डालना चाहिए, गरीब जो लोग हैं, जो पिटिशनर जो कुछ कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों को कुछ सोचना चाहिए। जवेरी जी को इस पर नज़र डालनी चाहिए। ये मामला ऐसा हो रहा है कि जब तक इंस्ट्रूमेंट हम लोग उसको नहीं बना पाएंगे तो बेकार है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को इस पर भी कुछ करना है। और डालसा की एक बात को भी और भी है कि जो लोग डालसा में नहीं भेजे हैं, तो जाने के बाद वकीलों का और ये बात जो सामने आती है, हम लोगों ने देखा है कि वकील लोग तो विक्टिम से पैसा भी ले लेते हैं और इधर से भी पेमेंट हो जाता है। प्लस एक और परेशानी आती है विक्टिम्स को, जब वो डालसा में जाता है तो जाने के बाद वहाँ पे उसको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और इनकम सर्टिफिकेट के लिए जाना पड़ता है रूलिंग पार्टी के लोगों के पास, और रूलिंग पार्टी वाला ही अगर इनको अगर मार रहा है, पीट रहा है, तो वो तो कभी भी देता नहीं है। वो तो चाहता ही है कि वो टूट तोड़ मरोड़ करके बस जैसे भी हो सुधर करके हमारे पास आए, तो घुमा फिरा करके वो वहीं पर पहुँचता है। तो इसमें कुछ ऐसा ये करना चाहिए प्रोविज़न में कि नालसा में जाए या सालसा में जाए या डालसा में जाए, ये लोग जब जाते हैं, हम आरटीआई करके जाएं, अगर हमारा पिटीशन अगर करना है तो वहाँ पे इस तरह की बात नहीं आए, हमारे केस को देख करके और उसको सपोर्ट देना चाहिए। इस बात को एक ज़रा सा चेंजिंग लाने की ज़रूरत है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। प्लस दूसरी बात ये है कि हमारे पश्चिम बंगाल में 15100 भी लागू नहीं है और 181 भी नहीं। बीच में हमारी कचरू जी से बातचीत चली थी, हम लोगों ने यहाँ के तो इसमें हम लोग जो कोशिश अभी किए जा रहे हैं 181 के लिए, इसके लिए अगर वो सरकार नहीं चाह रही है, और निर्भया का मामला है यहाँ पे, हम लोग जब ऐसा है तो हम लोगों को उसमें सोचना चाहिए कि हम लोग इसको कैसे करें, किस तरह से इसको लागू कर रहे हैं कि हम लोग लोगों तक इस काम को आगे बढ़ा करके और फायदा पहुंचा सके पब्लिक को, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये टोटली ऑल इन्वॉल्व ऑल एक ही बात सोचते हैं कि वन हैंड सब सॉल्यूशन है, जहां भी जाइए आपको सरकार का जो मामला है, सरकार जो चाहेगी वो करेगी, सरकार नहीं चाहेगी नहीं करेगी। तो अगर सरकार से आने के बगैर कुछ नहीं होता है, तो हम लोग फिर वो जो अभी सवाल आया कि हम लोग क्या हैं, किस लिए हैं,
तो सवाल वहीं पे आकर के फंस जाती है कि फिर क्यों किस लिए कर रहे हैं जब कुछ कर नहीं पाते हैं। तो हम लोगों का जो ग्रुप एक बना करके इंटरनेशनल हिसाब में हम लोगों को कुछ करने की जरूरत है, रिसर्च करके हम लोगों को दबाव बनाना है, एडवोकेसी अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो भी कुछ काम नहीं चलेगा। तो इस पे हम लोगों को नजर दौड़ाना है किसी तरह से भी, हम लोगों को जैसे सब लोग सक्सेस होते हैं, हम लोग अगर अपना काम कर रहे हैं तो हम लोगों को भी अपने को बिल्कुल ये सोच करके चलना चाहिए कि हम लोग सक्सेस हो जाएं। दूसरी बात यहाँ पे जाकर के हो जाता है कि ये सबसे ज्यादा दुख की बात है कि हम लोग जितने सामान लेके गए थे उससे ज्यादा तो पैसा दिखता है जी। ठीक है, आपका कंसर्न बहुत ही जायज है मुख्तार जी, और बात घूम फिर करके वहीं पे आ जाती है कि व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर ढंग से लागू किया जाए, चाहे 15100 की हो या RTI से संबंधित हो या जो भी हो। तो कानून तो बुरी तरह से मार खा रहा है हमारे देश में, अब इसको लेकर के क्या किया जा सकता है? राज कचुरू जी यदि कुछ जोड़ना चाह रहे हैं तो इसमें नहीं, ये वहां तो मुख्तार भाई से तो मेरी बात होती रहती है, वेस्ट बंगाल का तो सिचुएशन थोड़ा सा अलग ही है बाकी जगहों से, देखते हैं वहाँ। ये जैसा इन्होंने बोला कि हर जगह ऐसा ही है, सब सभी सिस्टम फेल्ड है, तो एक तभी तो हम बोल रहे हैं कि हमें ऊपर से हायर लेवल से ही, मे बी दिल्ली से, मे बी नालसा से, मे बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो जो जज साहब हैं यू ललित हैं या नालसा के जो नया बोर्ड है उनसे मिल के बात करना पड़ेगा कि नेशन वाइड ये एप्लीकेबल हो। तो काम चल रहा है इस पर, मुख्तार भाई को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। थैंक यू कपिल जी, काम चल रहा है, काम आगे बढ़ रहा है, कुछ रिजल्ट उनका हम लोग अभी तक किए जा रहे हैं। अब आपका नेटवर्क भी टूट गया, अब आप छोड़ दीजिए, इस वक्त सुनाई भी नहीं पड़ रहा, छोड़ जी। अगले कुछ अपन वैसे भी टाइम अपन एक्सीड कर रहे हैं, तो अपन एक आध दो प्रश्न और ले लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया हुआ, जयपाल सिंह खींची जी बताइए अपना प्रश्न, आपका अभी आमंत्रित किया गया था लेकिन आप थे नहीं वहां पर, बताएं शॉर्ट में। जी सर, सर आज जो नालसा को लेके जो मीटिंग है और हेल्पलाइन को लेके, लेकिन वास्तविकता जो निर्भया केस के बाद में जो हेल्पलाइन जो शुरू किया गया था या जो अन्य अन्य प्रदेश में जो हेल्पलाइन है, लेकिन क्या उन्हीं भरोसे जो देखते हैं हम कि हेल्पलाइन के भरोसे ही कई घटित हो जाती है, तो क्या हेल्पलाइन के लिए सुधार किया जा सकता है क्या, और किस स्तर पर किया जा सकता है, और हम RTI कार्यकर्ता इस सुधार के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? मेरा आज सिर्फ यही विषय आप बताने के कृपया करें श्रीमान, क्या मदद कर सकते हैं और उसमें मेरी क्या भूमिका हो सकती है और हम RTI कार्यकर्ता क्या भूमिका? जी मैं यही बोल रहा था अभी, जो हमारे फ्रेंड हैं देवेंद्र रायपुर से कह रहा था, RTI से तो हम मान लीजिए इस केस में ये एग्जांपल बना सकते हैं, हम RTI से हमने आपसे इंफॉर्मेशन किया कि भाई 15100 चलता नहीं है, DLSA इंटरकनेक्टेड नहीं है, जो चाइल्ड जुविनाइल जस्टिस में ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, ये सब पता कर गया। तो ये इंफॉर्मेशन के बाद इस चीज को फ्रूटफुल एक्सरसाइज करने के लिए और एक सिस्टम चाहिए, जो लॉबी ग्रुप होता है जो कि इस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके फिर लॉबी करेगा, फिर बोलेगा भाई अफसरों से, अब मैजिस्ट्रेट से, जुडिशरी से, मिनिस्टर से, जो भी है उन तक पहुंचा के उसको चेंज करवा देते हैं। तो हम लोगों का क्या है कि RTI मूवमेंट जो है अभी एक पहले स्टेप पे ही रुक जाती है, तो उसके बाद जो कनेक्टिविटी है टू ब्रिंग दैट इंफॉर्मेशन, जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया उसको यूज में लाने के लिए जो एक पूरी प्रक्रिया है वो मिसिंग है, क्योंकि उस मिसिंग में बहुत रेजिस्टेंस है, बहुत रेजिस्टेंस का हिंदी में समझ नहीं पा रहा कि मतलब वो जो जज है या वकील है, जो जज साहब हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या मिनिस्टर हैं या काउंसलर हैं, वो रेजिस्ट करते हैं, वो नहीं मानते, तो वो बहुत लंबा चौड़ा है। RTI तो एक महीने में मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो अपील में कभी ना कभी कुछ सही जवाब, उल्टा सीधा जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन उसको कन्वर्ट करना टू यूज वो बहुत लंबा चौड़ा किस्सा है, उसके लिए एक संगठन होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप मार्गदर्शन करिए और ऐसी मतलब जो देश में जो ऐसी कोई दुर्घटना घटित ना उतना। थैंक यू जी, धन्यवाद आपका। जयपाल सिंह जी, कोई दुर्घटना घटित ना हो इसकी गारंटी तो कोई नहीं लेता, क्योंकि हम ये संसार में आए हैं तो दुर्घटना का ही संसार है और यहाँ दुर्घटनाएं घटित होती रहती है, यहाँ व्यवस्थाएं थोड़ा बेहतर हो ये बात अलग है,
आप लोग हिम्मत बनाकर काम करते रहिए। इतना सा था श्रीमान के हेल्पलाइन के भरोसे कोई दुर्घटना घटित ना हो तो स्वयं के अपने भरोसे रहे, ऐसा मेरा मंतव्य था। धन्यवाद। गोविंद पाटीदार जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं हैंडरेज की और बताएं शॉर्ट में। हेलो, हाँ हाँ बताइए, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ सर जी, अपनों ने कुछ टाइम पहले एक मोमेंट चलाया था कि आरटीआई कमिश्नर सरकार को ऑनलाइन पोर्टल मुहैया करवाने के लिए। सर इसमें मैंने एक चीज ढूंढा है कि अगर ये कमीशन या फिर सरकार ऐसा कोई प्रावधान ला दे कि ईमेल से भेजी गई आरटीआई भी मान्य हो। हालांकि अभी राहुल सर ने कल परसों ही मेरे को जवाब दिया था कि ईमेल अभी मध्य प्रदेश में मान्य नहीं है, पर तो क्या इसके लिए आयोग ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर सकता है कि आपको ईमेल से भी करना चाहिए मान्य, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल में तो आनाकानी हो ही रही है, ये सबको साफ जाहिर हो रहा है। तो इस संबंध में अगर कोई आत्मदीप सर है या राहुल सर भी अगर हो तो जवाब मिल जाए थोड़ा सा। तो बिल्कुल, आत्मदीप जी भी हमारे बीच में जुड़े हैं, राहुल सिंह जी भी, राहुल सिंह सर भी हैं। तो राहुल सिंह सर कृपया, इन आरटीआई के बहुत सारे कंसर्न यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सारे प्रश्न आरटीआई से संबंधित हैं, तो यदि आप आउट ऑफ नेटवर्क ना हो तो कृपया इनका एक समाप्त कर दें आप, इन दो चार छः प्रश्नों का यदि एक साथ इनका समाधान हो जाएगा तो लोगों को थोड़ा सा राहत मिलेगी, आपको भी सुनने के लिए लोग बहुत आतुर रहते हैं। लगता है कि राहुल सिंह सर का कनेक्टेड तो बता रहा है उनका, लेकिन पता नहीं क्यों वीडियो उनका शो नहीं कर रहा है, तो कुछ तो दिक्कत है। ठीक है, तो आत्मदीप सर हमारे बीच में है, पूर्व सूचना आयुक्त, वो इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। आत्मदीप सर जी, जिन साथी ने ये सवाल उठाया ये बहुत प्रासंगिक है और आज के जमाने की बहुत बड़ी जरूरत है, पर्यावरण की रक्षा के लिए भी ये बहुत कारगर उपाय है कि ईमेल से कामकाज किया जाए, आरटीए लगाई जाए, अपील लगाई जाए और ईमेल से ही जानकारी प्राप्त की जाए, सभी का लाभ है, समय बचता है, काम जल्दी होता है और हर तरह के फायदे। तो जहाँ तक सूचना आयोग का प्रश्न है, सूचना आयोग को ये अधिकार है कि वो इस संबंध में सभी लोक प्राधिकारियों को, अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी लोक प्राधिकारियों को सूचना आयोग निर्देशित कर सकता है कि वो ऑनलाइन आवेदन और प्रथम अपील स्वीकार करने की व्यवस्था करें अपने स्तर पर। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि अगर आयोग ऐसा निर्देश जारी करता है और वो अपने अंदर झांक कर देखता है तो ये स्थिति सामने आती है, खुद आयोग में ही ये ऑनलाइन अपील, द्वितीय अपील और शिकायत स्वीकार करने की व्यवस्था। सबसे पहले आयोग को अपने घर में ये ऑनलाइन व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसकी कोई नैतिक अधिकारिता बनती है दूसरों को यह व्यवस्था करने के लिए निर्देशित करने जी। तो कितना बेहतरीन जवाब आपको मिला है गोविंद पाटीदार जी, क्योंकि आयोग के पास अधिकार तो है, शक्ति तो है, अधिकार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग पहले व्यवस्थाएं स्वयं लागू करे तब वो किसी को कह सकता है। ठीक है, और जो आप ईमेल के माध्यम से कह रहे हैं, हमें लगता है कि जितना ईमेल के माध्यम से वो मेहनत करेंगे व्यवस्था बनाने में, उससे कहीं आसानी से वो व्यवस्था एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के माध्यम से, जिसमें आप आरटीआई, प्रथम अपील, द्वितीय अपील सब कर सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। हाँ आत्मदीप सर, आपको जुड़ रहे थे। हाँ सर, वो हाँ, है, पर उसके हाँ, लिए तो आयोग आनाकानी कर ही रहा। देखिए सुनिए, 2014 में जब हम सूचना आयुक्त बने, हमने आयोग की पहली ही बैठक में ये प्रस्ताव रखा था कि एक तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होती थी आयोग में, तो उस वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई हो, तो वो प्रस्ताव तो मंजूर हो गया और लागू भी हो गया। दूसरा प्रस्ताव हमने रखा था कि ये अब क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है, पूरी दुनिया एक हो गई है, इसके माध्यम से इतना बड़ा हथियार हमारे सबके पास में आया है, तो इसका जनहित में उपयोग करें, तो हम अपीलें और शिकायतें सूचना आयोग में प्राप्त करने की ऑनलाइन व्यवस्था करें, और ऑनलाइन ही पक्षकारों को जवाब और नोटिस, समन वगैरह आदेश भेजें, इसकी इसका सिस्टम एनआईसी से मिलकर डेवलप किया जाए, राष्ट्रीय जो सूचना ब्यूरो है, सूचना और संचार। तो
हमारे समय के मुख्य सूचना आयुक्त और बाकी सूचना आयुक्तों ने यह कह के असहमति जताई कि पिछले डेढ़ साल से आयोग में कोई थे नहीं सूचना आयुक्त, तो बहुत सारे केस लंबित हो गए, संख्या बहुत बढ़ गई है पेंडिंग मामलों, और वैसे ही लोग इतनी अपीलें और शिकायत कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन हमने सिस्टम चालू कर दिया तो शिकायतों और अपीलों की बाढ़ आ जाएगी, जिससे निपटना हमारे लिए मुश्किल होगा, और फिर लोग ये सवाल करेंगे कि इतनी पेंडेंसी बढ़ गई, आप कर क्या रहे हैं? क्योंकि आयुक्तों की संख्या तो सीमित है, सारे पद भरे हुए नहीं, स्टाफ भी बहुत कम है। ऐसे में ऑनलाइन व्यवस्था हमने कर भी दी तो हम उसका निपटारा नहीं कर पाएंगे, उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगेंगे कि इतने सारी पेंडेंसी आपने बढ़ा दी, इसलिए इसको फिलहाल टाल दिया जाए जब तक कि पुरानी पेंडेंसी खत्म नहीं है। पुराने वाले घर में नहीं, मीटिंग चल रहा था, बिल्कुल बिल्कुल सर। एक हमारे बीच में अतिथि और जुड़ी हुई है, अंजलि चक्रवर्ती जी हमारे बीच में है, तो हम थोड़ा सा उनको सुनना चाहेंगे। भास्कर प्रभु सर, मैं लौटूंगा, आपकी उंगली फिंगर आपकी रेज हो रही है, अपन देख रहे हैं, लौटेंगे सर, बस थोड़ा सा अंजलि चक्रवर्ती जी को सुन लें। अंजलि चक्रवर्ती जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखें। प्रवीण भाई को यहाँ पर अच्छा जी, अंजलि जी, जी अनम्यूट कीजिए, अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक बंद है, वो कुछ उसमें टच करना पड़ेगा आपको, जहाँ हमने एक भेजा हुआ है कि अनम्यूट योरसेल्फ, आप उसको वो करिए। हाँ सर, रिक्वेस्ट। तब तक मैं परिचय दे देता हूँ। अंजलि चक्रवर्ती जी प्रोफेसर रही है अगरतला यूनिवर्सिटी में, और त्रिपुरा की जितनी सोसाइटी हमारी है उनकी अध्यक्ष भी है, और कोविड में करीब 1.5 महीना हॉस्पिटल रही है, ये एंड सी एज रिकवर्ड, तो हम सबकी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें बड़ी खुशी है, एकेडमिशियन है, और ये जो लीगल एड क्लिनिक की जो बात करते हैं, और खास करके लीगल एड क्लिनिक इन लॉ कॉलेजेस, उसमें त्रिपुरा के अंदर काफी उन्होंने काम किया है। जी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आपको, वो एक आपको कहीं टच करना पड़ेगा, यदि आप मोबाइल से हैं तो आप देखिएगा, एक माइक का सीन है आपके कॉर्नर पे, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे आपका एक माइक का सीन होगा मोबाइल में, उसको आप टच करिए, ऐसे क्रॉस एक लगा होगा उसको टच कर दीजिए आप, मोबाइल में यदि कर रही है तो आप नहीं हो पा रहे मैडम। हाँ, थोड़ा सा पुराने लोग जो उनको उतना अनुभव नहीं रहता है, और घर में बच्चे नहीं, अभी नहीं बीमारी से अभी उठी है, चलिए अंजलि जी, चलिए कोई बात नहीं, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। हाँ, फिर मिलते हैं, अभी कार्यक्रम चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्वस्थ हों जल्दी, और अच्छा काम करें, आपके आशीर्वाद की यहाँ पे लोगों को बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। She is a good, great force in legal aid clinic with law colleges. बिल्कुल सर, और हमें बहुत ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है, इनके आशीर्वाद बने रहें, और सब अनुभव इनके अनुभव से सीखते रहें लोग और काम करते रहें। भास्कर प्रभु जी हमारे बीच में अभी फिंगर रेज कर रहे थे, भास्कर प्रभु सर आपका स्वागत है, बताएं। ऑनलाइन के बारे में जो किसी व्यक्ति ने कहा, कि मैं कहता हूं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का एक तरीका तो है। अब देखिए, अगर सेक्शन 6(3) सूचना अधिकार का बराबर पढ़िए, तो कहीं पर भी हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर किया तो फॉरवर्ड करने की जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन के ऊपर है, या वो पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर है। तो मैं कहता हूँ कि एट प्रेजेंट अगर टेक्निकली देखा जाए तो आप सेंट्रल वेबसाइट में आप अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं, और वो सेंट्रल वेबसाइट जिधर भी उनको, जिस डिपार्टमेंट को भी एप्लीकेशन मिलेगा, उनकी जिम्मेदारी रहेगी वो पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी के पास भेजना। अभी कुछ लोग बोलेंगे ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इशू है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत एप्लीकेशंस आ जाएंगे। अभी हम क्या करते हैं कि हम गवर्नमेंट के क्या 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 प्रॉब्लम है ये हम ज़्यादा सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि उन्होंने प्रावधान नहीं किए। आज 15 साल हो गए, बहुत टाइम दिया गया है, हर एक स्टेट ने अपना अपना ऑनलाइन
अगर वो एप्लीकेशन लेना प्रोसेस नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर दबाव डालना ज़रूरी है। और ये बहुत ही जगह में हम देखते हैं कि जैसे कि हम पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो पुलिस स्टेशन में जब हम कंप्लेंट देने जाते हैं वो सामने का अफसर बोलता है अरे मैंने 12 घंटे मेरे ड्यूटी है, मेरे को अभी घर पे जाना है, आप बाद में आ जाओ। यानी उसकी रोना धोना सुन के हम रो के बाहर निकलते हैं। तो ये हम अभी बंद करना चाहिए, आपने दबाव डालना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जब कायदे बन गए थे या ऐसी सभी प्रावधान आने वाले हैं, ऐसे सभी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, ये मालूम रह के ही सेक्शन 6(3) और सेक्शन 5 ये क्रिएट किया था। सेक्शन 5 अपने डीम्ड PIO के बारे में है, सेक्शन 3 है कि दूसरे अगर समझिए कि आप टेलीफोन MTNL में आप एप्लीकेशन करते हैं और आपका इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पब्लिक अथॉरिटी से आना है तो वो MTNL की जिम्मेदारी है कि वो RTI एप्लीकेशन सर्कुलेट करना उस पब्लिक अथॉरिटी को भेजना उनकी जिम्मेदारी है। तो मैं कहता हूँ आप सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कीजिएगा और उनकी जिम्मेदारी रहेगी वो किसी स्टेट में भेजना नहीं भेजना। ये आप जब करेंगे तभी सभी स्टेट अपने अपने वेबसाइट लेके आएंगे। आप सेक्शन 41A पढ़िए, सेक्शन 41A में क्लियरली कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड। सो अभी हमारे हिसाब में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खोल दिया इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड। नाउ इट शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सेंट्रल गवर्नमेंट दैट सभी स्टेट को क्लियरली डायरेक्शंस दे दीजिएगा कि भाई आपने वेबसाइट खोलना है और इफ नॉट देन वी हैव टू टेक स्टर्न एक्शन ऑन द स्टेट। अगर जब तक आप ये सब नहीं करेंगे तो ये वेबसाइट कभी नहीं आएगी। और आत्मदीप सर ने जो कहा था कि वही कारण दिया जाएगा। दूसरी जो बात है जस्ट ईमेल में RTI एप्लीकेशन लेना, RTI एप्लीकेशन ईमेल इज अ करस्पॉन्डेंस, इट कैन नॉट बी एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन सिस्टम चालू होगा उसी ढंग से होगा। रीज़न है कि ईमेल के थ्रू से आप उसका जो फीस जो है वो आप भेज नहीं पाते हैं। तो इसके लिए कोई तो एक फॉर्मेट रूट और उसको पेमेंट बैंक भी लिंक भी करना पड़ता है। इट्स नॉट इमीडिएटली ऐसे होना मुनासिब नहीं है। थर्डली कुछ जगह में कुछ स्टेट में जैसे महाराष्ट्र स्टेट में उन लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन लेते हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आप एप्लीकेशन करते हो तो आपको 10 रुपये ही लगता है। जब महाराष्ट्र में 10 रुपये लगता है लेकिन वो पोर्टल मेंटेन करते हैं कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो उसको हर एक एप्लीकेशन के पीछे 5 रुपया एडिशनल लिया जाता है विच इज़ इलीगल अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ इलीगल। 10 रुपये से हमको ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के सुविधा के लिए हमसे 5 रुपया लेके हमसे जो 5 रुपया उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को जाना उसके ऊपर GST लगना इट इज़ टोटली इलीगल। तो ऐसे फॉर्मेट में जैसे दिल्ली गवर्नमेंट सिर्फ 10 लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट 10 लेती है लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ पेमेंट गेटवेज आप लेते हैं तो 15 रुपया 95 पैसे होता है, कुछ जगह में 20 रुपया होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये होगी छोटी छोटी बातें लेकिन जब अगर ये जब हम बात उठाते हैं तो बोलते हैं अरे क्या आपको जाने आने में तो आपका खर्चा हो जाएगा ना। लेट अस नॉट डिस्कस ऑन दोज मैटर्स, इट इज़ अवर जॉब, आई हैव टू मेक 10 रुपीज़, इट 10 रुपीज़ हैज़ टू बी टेकन। सो ये मेरा सुझाव है। तो अगर जिसके स्टेट में अब तक अगर समझो ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं हुआ है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट यूज़ कीजिए और उस वेबसाइट में आप लिख सकते हैं जिसमें कि अंडर दिस सेक्शन 6(3) प्लीज़ फॉरवर्ड इट टू द स्टेट, इट कैन बी डन। अगर ये बहुत ही नहीं कर रहे हैं और ये टेक्निकली हम इसमें गलत नहीं हैं, हम सही हैं और इसके लिए सेक्शन 6(3) डाला गया है। एप्लीकेंट को पता नहीं रहता कि कहाँ करना, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका प्रावधान यूज़ कीजिए और सरकार के ऊपर दबाव हम इसके ऊपर डाल सकते हैं। धन्यवाद। जी बिल्कुल आपने भास्कर प्रभु जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और हमने इस विषय में एक फॉर्मेट भी बनाया था और ग्रुप में और सभी जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनमें उनको भेजा था और हमने ये मांग की थी कि आप अपने अपने राज्य सूचना आयोग में यह पत्र विशेष तौर पर हमने उसको MP के लिए बनाया था लेकिन उसी तरह से मॉडिफाई किया जा सकता था कि जहाँ पर
भी ऑनलाइन फाइलिंग की व्यवस्था नहीं है, वो सारे लोग इस तरह का एक पत्र बना करके पत्राचार करें, ईमेल के माध्यम से भेजें, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें कि वहां पर ऑनलाइन फाइलिंग की व्यवस्था लागू की जाए, और यदि उस पत्र का कोई जवाब ना मिले तो 15 दिन बाद उसी पर एक RTI लगाकर ये जानकारी वो प्राप्त करें कि उन्होंने इस दिनांक को ईमेल अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से फला पत्र क्रमांक जो भेजा था उस पर जो भी कार्यवाही हुई इसका विवरण दें। तो हम कहते हैं यदि आप 1000 पत्र भी भेजते हैं और आयोग में 1000 RTI जाती है जवाब देने के लिए उन पत्रों का, तो आखिर उनका माथा पच्ची तो होगा ना। तो आयोग ये तो सोचेगा कि भाई हम 1000 पत्रों का यदि जवाब दे रहे हैं इससे बेहतर यही होता कि हम ऑनलाइन फाइलिंग लागू कर देते, नहीं करेंगे वो तो इसके लिए उनको अलग से दिक्कत होगी क्योंकि मतलब उसकी अपीलें जाएगी। हाँ बताएं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा प्रभु जी। क्या है कि देखिए आयोग आयोग के लिए सुविधाएं और सब कुछ तो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। आयोग कोई का ऐसा नहीं कर सकेंगे अपने आप एक वेबसाइट तैयार करो, आयोग का एक काम नहीं हो सकता। आयोग सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए या अंडर सेक्शन 198A डायरेक्टिव्स भी दे सकती है, लेकिन आयोग खुद होके कैसे वेबसाइट क्रिएट करेगा अनलेस एंड अनटिल उसको बजट दिया जाएगा। तो आयोग खुद होके कोई बजट जनरेट नहीं करता है। आयोग के लिए सुविधाएं, स्टाफ और फैसिलिटी सब कुछ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने देना है, तो ये पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। नहीं नहीं ना, आयोग की नहीं, प्रभु, एक प्रभु जी, आयोग का नहीं है। आयोग रेकमेंडेशन कर सकता नहीं, है हम, हम आयोग हमारा ये मतलब था, थोड़ा बात पूरी फिनिश नहीं हुई थी। मैं यहाँ पर अन्य लोगों को भी, चीफ सेक्रेटरी जो है GAD है उनको भी वही पत्र भेजना था, हमने ये कहा था, और वहाँ भी वही RTI लगानी थी। पर उसके साथ साथ आयोग को भी यदि वो करेंगे तो आयोग तो कम से कम चीफ सेक्रेटरी या GAD के पास ये बात तो पहुंचाएगा ना। आयोग ये तो बोलेगा कि आखिर इस तरह के जो प्रश्न आ रहे हैं, इस तरह के कंसर्न आ रही हैं, आपने इस पर आपको एक्शन लेना है, तो मतलब उनकी बात उनके पास तक पहुंचेगी। इसमें ये था आयोग ने पहली बात तो हर एक आयोग अपना एनुअल रिपोर्ट बनाना चाहिए। बहुत ही एनुअल रिपोर्ट बहुत ही आयोग के नहीं है, हमारे महाराष्ट्र में होता था 2017 से, वो भी नहीं है। आंध्र प्रदेश एक ही स्टेट है जो एनुअल रिपोर्ट अभी मुझे लगता है कि बनाती है प्रॉपरली, नहीं तो महाराष्ट्र वॉज नंबर वन। अभी नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आए हैं 2017 से, हमारा एनुअल रिपोर्ट ही नहीं हो रहा है। तो एनुअल रिपोर्ट में हर एक आयोग ने लिखना चाहिए कि हमने पूरी कोशिश की है, हमने ये पत्र लिखे हैं कि हमें स्टेट गवर्नमेंट का अपील किया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीट फर्स्ट अपील सेकेंड अपील कंप्लीट होने का एक प्रावधान हमने रिकमेंड किया है, ये रिपोर्ट में आना चाहिए। और एक्टिविस्ट लोग ने इस पे जोर देना चाहिए कि आप एनुअल रिपोर्ट में लिखो, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट सबमिट होता है लेजिस्लेशन लेजिस्लेटिव में, जस्ट टेबल किया जाता है, लेकिन टेबल करने से भी कमीशन्स का जो रिकमेंडेशन है उस चीज़ को गौर लेना और बेटरमेंट ऑफ दी RTI के लिए जो भी रिकमेंडेशंस दिए हैं उस चीज़ का बारे में हम पीछे पड़ के वो कर सकते हैं। धन्यवाद जी, बिल्कुल। अब आगे हम बढ़ते हैं और प्रवीण सर कार्यक्रम में काफ़ी अपन आगे निकल आए हैं, तो कैसा समय का, तो वैसे भी हम बहुत वायलेट कर रहे हैं समय, जो टाइम लिमिट हमारी है, तो इसमें आप प्रकाश डालें कार्यक्रम में आगे, यदि कुछ और प्रश्न लेने हैं तो, नहीं तो फिर इसको कंक्लूड किया जाए। मेरे ख्याल से बहुत हो गया है, अभी एक ही चीज़ होगा कि एक्शन प्लान बनाने के लिए क्या किया जाएगा, तो उस पर हम लोग एक बार फिर मिले कुछ दिन के बाद, एक दो के हफ्ते के बाद में, और एक्शन प्लान के ऊपर में विचार करें। तब तक जो है ये कल्पेश जवरी साहब से बात हो जाएगी आगे कि किस प्रकार दिल्ली में मूवमेंट करना है। हम लोग ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं कि नालसा के अंदर, क्योंकि हम लोग उनके साथ ऑलरेडी दो स्टेट में पार्टनर हैं और काम कर रहे हैं, एक पैसा उनसे ले नहीं रहे, पैसे हम लोग के लग रहे हैं, तो गुडविल हमारी बहुत अच्छी है उधर। और कल्पेश जवरी साहब खुद नालसा के अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने खुद बीड़ा लिया, अभी जैसे आज कहा कि भाई ब्रांड एम्बेसडर बन के यदि वो हमारे साथ दिल्ली आने के लिए तैयार है, और सुप्रीम कोर्ट में नालसा के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन से मीटिंग भी करें, तो एक सुचारू रूप से बात चले और एक बार ये एक्शन हो जाए उसके बाद हम लोग अपने आप को कैसे संगठित करना उसके ऊपर चर्चा करें। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग करेंगे, हम लोग सब मिल के करेंगे, ये किसी एक आदमी का एक संगठन का काम नहीं है, सभी संगठन मिलकर करेंगे, ताकत जरूर बनेगी, पूरे भारत में बनेगी। मध्य प्रदेश की एक बात कर रहा हूँ, किसी ने जो कहा था कि
जो मध्य प्रदेश की हेल्पलाइन के बारे में, तो उसका नाम ही बदल दिया गया है चीफ मिनिस्टर्स हेल्पलाइन। पब्लिसिटी है कि जब भी जो भी चीज है चीफ मिनिस्टर, और इसको चला कौन रहा है? होम मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर भी नहीं चला रहा, ये मंत्रालय होम मिनिस्ट्री है, जो होम मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ये लाइन चला रहा है, जो महिलाओं के इश्यू है, जो 181 बेसिकली यूनिवर्सल हेल्पलाइन फॉर वुमन है, तो उसको महिला विभाग के साथ जोड़ दिया होता तो कम से कम एक लॉजिक भी बनता। पुलिस के साथ उसका क्या लेना देना है? उड़ीसा के अंदर उसको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर फर्स्ट फ्लोर में एक रूम हॉस्पिटल के खाली करके वहां पे इसका बना दिया हेडक्वार्टर उसका, जिसको चाहिए एक टेक्निकल सेंटर जहाँ पे टेलीफोन और ये सब चीजें हो, एक कम से कम 8-10 लोग की टीम हो जो IT बेस्ड हो, वो सब चीज चाहिए। उसकी जगह वहाँ हॉस्पिटल के अंदर भर दिया जहाँ डॉक्टर और नर्सेस और कंपाउंडर है, तो मतलब ही पूरा भटक जाता है। तो हर स्टेट की अपनी अपनी समस्या है, तो इसको लेके आगे हम लोग और भी चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से आज यहाँ इतना ही रखें तो ठीक है, और शिवानंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले हफ्ते का अनाउंसमेंट भी आप कर दीजिएगा। किसी हरि मुरलीधर जी ने थोड़ा कुछ कहना चाहते हैं जी। मुरलीधर जी अपने आपको अनम्यूट करके बोल लें। थैंक यू सर, आपका कार्यक्रम आज मेरा पहला दिन है आपके प्रोग्राम में से जुड़ते हुए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, बहुत वेरी 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 एनलाइटनिंग, काफी अच्छे इन्फॉर्मेशन दिए है आपने सर। ये मैं आप लोग के माध्यम से एक छोटे से सवाल पूछना चाहता हूँ। ये 6-3 में जब PIO ट्रांसफर कर देता है आपने इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी एक इन्फॉर्मेशन पूछता हूँ, बोलते हैं मल्टीपल PIO है अलग अलग डिविजन, एक एज पर RTI एक्ट एक पब्लिक अथॉरिटी सारे इन्फॉर्मेशन कलूड करके मुझे भेजना चाहिए, वो 10 PIO को ट्रांसफर कर देता है, अल्टीमेटली हमें पूरी जवाब नहीं आती है और उस पर आधा अधूरा काम हो जाता है। इसके प्रति कुछ एक कुछ कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं सारे एक्सपीरियंस पर्सन प्लीज जी। एक्चुअली RTI जो एक्ट है वो बहुत ही क्लियर है, उसमें आपका जो आवेदन है वो यदि उनकी जानकारी नहीं है तो वो जानकारी फॉरवर्ड ही करेंगे। एक पब्लिक अथॉरिटी, मैं जैसे कि एग्जांपल कहता हूँ, हर संस्था में एक पब्लिक अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल अगर मैं होम मिनिस्ट्री में लिखा हूँ तो होम मिनिस्ट्री के अंदर में जितने पब्लिक ऑफिसर है उससे इन्फॉर्मेशन वो एक PIO मंगाएगा और मुझे देगा, ना कि वो सारे PIO को फॉरवर्ड कर देगा। उससे क्या होता है 10 PIO को फॉरवर्ड करेगा, 10 में से 3 ने रिस्पांस। ये बात आपकी सही है कि यदि होम मिनिस्ट्री से संबंधित जानकारी है, पहली बात तो बहुत अच्छी आपने बात करी है कि RTI एक्ट जब लागू हुआ 2005 में जब ये कानून आया तो इसमें बहुत ही स्पष्ट उल्लेख था धारा 4 में, उसमें ये लिखा था कि यह कानून के कानूनी तौर पर लागू होने के 120 दिन के भीतर जो सारी व्यवस्थाएं विभाग हैं वो दुरुस्त कर लें, सारी जानकारी को कैटेगराइज कर लें, कैटालॉग के फॉर्म में रख लें, उनको व्यवस्थित ढंग से जहां जैसी हो तो उनको रख लें ताकि जानकारी यदि कोई मांगे तो उसको ढूंढने के लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो सबसे बड़ी बात तो आप ये समझ लीजिए, और किसी भी विभाग में आज आप जाइए तो किसी भी विभाग में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हाँ, जहाँ पे ऑनलाइन कुछ जानकारियाँ साझा की जाती है, जैसे मनरेगा हो गया आपका, पंचायत के विभाग पंचायत की बात आप करें, या कि पंचायत दर्पण हो गया, इस तरह से ई ग्राम स्वराज हो गया, तो वहाँ पर ये जानकारियाँ आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगी, लेकिन वो नहीं लागू है, उसकी वजह से दिक्कत होती है। यदि आपका ये कहना है कि भाई यदि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री या किसी एक विभाग की जानकारी है तो उसको अपना पत्र किसी दूसरे को अंतरित करना नहीं चाहिए, मतलब वहीं पर यदि है तो उसको उस कार्यालय से मंगवा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा होता है, बहुत सही आपका कहना है। जैसे हम मान लीजिए एक कार्यालय में हमने लगाई जानकारी और उसके कार्यालय के दूसरे मतलब दूसरे कमरे में एक दूसरा कार्यालय लग रहा है उसी विभाग से संबंधित है, तो वो ये नहीं करेगा कि, और उसका वो कनिष्ठ कार्यालय है, वरिष्ठ भी नहीं है, तो ये नहीं करेगा कि उसको बोल करके भाई ये जानकारी है आप यहाँ पे उपलब्ध करवा दो। भाई कोई अधिकारी मांगता तो क्या करते, अरे वो साहब ने जानकारी मांगी है, वो जानकारी जल्दी फटाफट लाओ, उनको देना है, वो देखो वहाँ विधानसभा में जानकारी क्वेश्चन आया हुआ है, ये जानकारी कलेक्ट करके जल्दी देना है, ऐसा होता है ना। लेकिन जब आप RTI लगाते हैं तो उनको पता है कि ये कमजोर आदमी है, ये कुछ नहीं करेगा, इसका चुपचाप, और इसकी सुनने वाला भी कोई नहीं है, सूचना आयोग में जब तक जाएगा तो ये बुढ़ा हो जाएगा या पता नहीं क्या होगा, 10 साल लग जाएंगे इस तरह से, तो वो सिर्फ पत्राचार कर देगा और इसके बाद फुर्सत हो जाएगा। और बहुत सारे सूचना आयुक्त ऐसे आएंगे जो कि आपकी वो जब अपील जाएगी तो अपील में वो कह देंगे हाँ वो PIO ने ठीक किया, 6 दिन के अंतर्गत अंतरित किया, और उसमें गलत क्या है। तो ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। भास्कर प्रभु जी आप क्या कहना चाह रहे थे, आप कृपया शॉर्ट में जोड़ दें।
आप अपने आप को अनम्यूट कर लें पहले। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने ये 6-3 बात कही, समझो एक एप्लीकेशन आप करते हो और समझो आप रेलवे में करते हो, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक PIO के पास आप करते हो, आप पूरे देश का इंफॉर्मेशन पूछते हो, तो थोड़ा सा हमने भी सोचना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रैक्टिकल एंड व्हाट इज़ इम्प्रैक्टिकल। देर आर टू इश्यूज, हम RTI एक्ट के तहत 6-5-3 के तहत 6-3 उसी पब्लिक अथॉरिटी में ट्रांसफ़र का नहीं है, 6-3 इज फॉर अदर पब्लिक अथॉरिटी, यानी वो सिंगल ट्रांसफ़र होगा। सेक्शन 5 कहता है कि आपके डीम्ड PIO बनाने की प्रावधान है। अभी हम लोग ये भूलते हैं कि सेक्शन 4(1)(a) आप पढ़िएगा, उसमें कहा गया है कि वी नीड टू बी कनेक्टेड, नेटवर्क शुड बी कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब क्या है कि हर एक PIO दूसरे PIO के साथ में इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट होना चाहिए। तो हम ये आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ, या हम ये आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के साथ। उनकी फर्स्ट अपील जब होती है तो आपने बताना चाहिए सेक्शन 4(1)(a) पढ़िए। सेक्शन 4(1)(a) कहा था ऑल द सेक्शन 4(1)(a) डॉक्यूमेंट नीड टू बी कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली अराउंड द नेटवर्क लेग लिंक्स। सो आप आर्ग्यूमेंट करते समय करिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको 10 PIO के साथ में भेजना है, अगर उसी पब्लिक अथॉरिटी में अगर इंफॉर्मेशन है, मैं कह रहा हूँ सेक्शन 5 की बात, सेक्शन 3 का नहीं कह रहा हूँ, सेक्शन 3 में नहीं आता है ये चीज़, दूसरी पब्लिक अथॉरिटी का आता है। सेक्शन 5 के अंडर जो है 5(3)-5(4) में कहा गया है कि यू कैन टेक असिस्टेंस ऑफ एनी पर्सन हु विल बी टर्म्ड एज अ डीम्ड PIO। तो उनको कहिए आपने पहले नेटवर्क बनाया है या इलेक्ट्रॉनिकली आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, पोस्ट में क्यों फॉरवर्ड करना है, आपने स्कैन करना है, 100 PIO है तो 100 PIO को एक क्लिक ऑफ द बटन में भेज दीजिए और क्लिक ऑफ द बटन से इंफॉर्मेशन मंगा लीजिएगा, थोड़ा सा उधर इधर हो सकता है। लेकिन ये आर्ग्यू नहीं करते हैं, हम बताते नहीं हैं कि भाई आपने अभी इंटरकनेक्टेड होना चाहिए था, 15 साल तो हो गए। तो आप आर्ग्यू जब कमीशन में भी आप जाते हैं तो आर्ग्यू कीजिए। आज अगर रेलवे अथॉरिटी को मुंबई में दादर के विंडो नंबर 6 में कितना रेवेन्यू कलेक्शन हो गया एक क्लिक ऑफ द बटन में दिल्ली में पता चलता है। व्हेन दे कैन कनेक्ट देमसेल्व्स फॉर सो मेनी थिंग्स, व्हाई नॉट फॉर इंफॉर्मेशन। ये अभी हमने आर्ग्यू करना चाहिए, लेट अस आर्ग्यू इंटेलिजेंटली, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल, कोई मानेगा नहीं आपकी बात को। तो सेक्शन हमारे सूचना अधिकार में, क्योंकि ये नागरिकों ने बनाया हुआ एक्ट है, इसलिए नागरिकों को क्या क्या दिक्कतें आई हैं गवर्नमेंट के सामने, ये सब सोच के ये एक्ट बना है। जस्टिस PB सावंत जैसे बहुत लोग, कम से कम ये एक्ट बनने के टाइम में 50-60 लोग डेली पूरे देश भर में कोशिश कर रहे थे कि कैसा नागरिकों के हित में हो सके। तो ये एक्ट पढ़िएगा, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप इन बिटवीन लाइन्स को पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप ये प्रश्न करते रहेंगे। तो मैं कहता हूँ आप जब भी जाते हो किसी के पास, पहले पूछिए वेदर दी PIOs आर नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टेड। याद रखिए देर आर टू सिस्टम, वन इज दैट की इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्शन, अदर इज इंट्रानेट। आज सभी पब्लिक अथॉरिटी इंट्रानेट में कनेक्टेड है, वे एक डिटेल सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, वैट डिपार्टमेंट बोलो या GST का डिपार्टमेंट बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट इज कनेक्टेड ऑल ओवर द स्टेट विथ ऑल ऑफिसर्स। आप मेरे बारे में जानना है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है कि मैं कितना टैक्स भरता हूँ, क्या भरता हूँ, क्या नहीं भरता हूँ, तो एक क्लिक ऑफ द बटन में पता चलता है। तो हमने प्रेस करना चाहिए, जब आप रेवेन्यू के लिए इतना काम करते हो, सब कुछ इसके लिए काम करते हो, इन्फॉर्मेशन के लिए क्यों नहीं इंटरकनेक्टिविटी करते हो? इंटरकनेक्टिविटी ऑलरेडी है, इंट्रानेट कनेक्टिविटी है विद इन द आज ब्रांड में महानगर पालिका जो हमारी कॉरपोरेशन है, दे आर इंट्राकनेक्टेड। अगर कुछ भी डिटेल कमिश्नर को फॉरवर्ड करना है, जस्ट गिव्स वन मैसेज, इट गोज टू ऑल द ऑफिसर्स। सो व्हेन दैट इज पॉसिबल, व्हाई नॉट दिस, आपने आर्ग्यू करना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन सवाल अब यहाँ पर यही है कि इतने सारे प्रश्न उठाने वाले लोग नहीं है ना, मतलब जितना यदि यही बात, कितने लोग RTI लगा रहे हैं, 1-2% लोग RTI लगा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में।
अब यदि यही आरटीआई ज्यादा लगने लगे, लोग धारा 18 के तहत शिकायत करने लगे, ये सब प्रश्न पूछने लगे, तो स्थितियां निर्मित ना हुआ। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बोलने वाले लोग नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और डेमोक्रेसी बोलेंगे नहीं तो चलेगा ही नहीं। नहीं नहीं चलेगा, वही हो रहा है हिंदुस्तान में, तो वही हो रहा है। सिर्फ भीड़ तंत्र और वोट तंत्र बन के रह गया है। हरी मुरलीधर जी, अपन इस कार्यक्रम में गलती से बीएमसी में भी सर वो इंटरनली सारे पीआईओ को ट्रांसफर कर देता है, तो हु इज द वन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड हुम शुड आई कंप्लेन अगेंस्ट? Is it against the one who didn't provide information? See, even if you complain, you will not be able to get the result. But the thing is that, मैं कहता हूँ कि अगर आपको information जरूरी है, तो आप information ले लो और complaint करके wait करते बैठो। आजकल के अगर information commission में आप अगर complaint करोगे, 3 साल के बाद में आपका number आएगा, तो आप भूल जाएगा। और West Bengal में करोगे, 16 साल लगेगा। Okay sir, thank you. Okay, thank you. प्रवीण सर, अब कार्यक्रम में मैं आप ही को आमंत्रित करूंगा कि अगले कार्यक्रम के विषय में थोड़ा सा जानकारी देते हुए इसको फिर कंक्लूड किया जाए। ओके, तो नेक्स्ट संडे सेम टाइम 11 बजे से 1 बजे और तारीख है 10, उसमें विषय रहेगा बंदी अधिकार, प्रिजनर्स राइट। उसमें दो जो साथी हमारे आएंगे, उसमें एक है संतोष उपाध्याय जो खुद 3 महीना जेल में रह के आए, और उसके बारे में यदि ये कहूँ मैं कि वो जेल के लिए कैदियों की स्टडी करना चाहते थे और उनको इजाजत नहीं मिली। उनके एक पुलिस अफसर, उनके जो दोस्त थे, उनसे बस कहा कि भाई आप कुछ सिफारिश करके कुछ करवाओ, बहुत सारे जेल में कैदी को भेजते हो। तो बोलते मैं आप ही को भेज देता हूँ। बोले कैसे? तो बोले एक छोटा मोटा मुकदमा कर देता हूँ, आपको 2-3 महीना रहना है, रहिए जेल में और स्टडी कीजिए शौक से। आपको बोलना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने कि जुर्म किया है, आप मना करना कि मैंने नहीं किया है। तो कोई जुर्म साबित भी नहीं करना है तब तक मैं आपको जेल भेजूंगा, 3 महीना रह के स्टडी करके आइए, फिर हम आपको छोड़ देंगे। और वो वास्तव में जेल गए, 3 महीना रहे अंदर, और उसके बाद आज भारत के अंदर बंदी अधिकार में सबसे बड़े काम करने वाले वही है जिनका नाम है संतोष उपाध्याय। वो हम लोग की रोहतास सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के सेक्रेटरी भी है। दूसरे महानुभाव जो हमारे महानुभाव में इसलिए कहता हूँ सब अपने साथी है, वो है जगन्नाथपुरी के जयंत कुमार दास। इन्होंने चीफ जस्टिस जो थे दीपक मिश्रा, उसके खिलाफ मैं आरटीआई फाइल किया था, उनके खिलाफ कंप्लेन फाइल की थी एफिडेविट के साथ के चीफ जस्टिस ने गलत काम किया है, गलत एफिडेविट दिया है और उसको चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, जब वो प्रोमोट होना था तब की बात है। इनका स्थान जेल में है और रॉन्ग एफिडेविट यदि आप देते हो तो उसके अंदर में भी कुछ सजा का प्रावधान है। बोले जिसने गलत एफिडेविट फाइल करके भुवनेश्वर के अंदर अपना रेसिडेंशियल प्लॉट लिया, जबकि उनका खुद का मकान है और सब कुछ है, और फिर उसके बाद जब इनका जज में हुआ जो नियुक्ति वाला मामला, तब जब पता चला कि ये प्रॉपर्टी भी है और ऐसी एफिडेविट दी है, तो उन्होंने प्लॉट को सरेंडर कर दिया कि भाई मेरे पास मकान है मगर मुझे मालूम नहीं था। ये आदमी चीफ जस्टिस बना। तो दीपक मिश्रा के खिलाफ उन्होंने एफिडेविट दिया, बहुत सारा चीज किया, उसका परिणाम ये हुआ कि जब दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस बने तो विद इन 24 आवर्स जयंत कुमार दास को एक 6 साल पुराना अपना इंटरनेट रिलेटेड क्या बोलते हैं उसको साइबर क्राइम में बना के उनको जेल भेज दिया। तो जेल में भी बहुत कुछ वो किए हैं काम अपना, और मैं पर्सनली उनको जेल में जब गए थे तो मैं मिलने भी गया, वकील भी हम लोग ने किए। महाराणा साहब यहाँ है हमारे उड़ीसा के कन्वीनर, वो भी उन्होंने भी उसमें काफी मेहनत की। तो अगले हफ्ते वो भी आएंगे, और वो रिटायर्ड एयरफोर्स से, एयरफोर्स वॉरियर बोलते हैं अपने आप को, एयरफोर्स से रिटायर हुए, वीआरएस लिए, तो बहुत कमिटेड आदमी है जो सच को छोड़ने वाले नहीं है। तो अधिक प्रिजनर्स राइट के ऊपर हम लोग अगले हफ्ते में बात करेंगे। क्या मुख्तार भाई कुछ बोल रहे थे? कितने साल तक वो जेल में रहे? साल क्या पता, वो खुद बोलेंगे, उनके मुंह से सुनना ना।
बिल्कुल सब बताएंगे, वो चीफ जस्टिस की कबात भी करेंगे, सब कुछ खुल के करेंगे, उनको किसी का डर नहीं है। और सर जेल जेल के विषय में, जेल के विषय में आरटीआई के विषय में भी वो जानकारी देंगे, क्योंकि वो एक्टिविस्ट के तौर पे नहीं, वो क्योंकि जयंत कुमार दास खुद आरटीआई एक्टिविस्ट है, तो ये आपके लिए एक सरप्लस, एक कहें कि एडवांटेज है कि खुद आरटीआई एक्टिविस्ट होने के बाद ये बात सामने आती थी। महाराज जी आपका फोन ठीक, माइक ठीक हुआ क्या? मैं ये कह रहा हूँ सीएचआरआई से अगर किसी को आप बुलाएंगे वो भी अच्छा रहेगा। सीएचआरआई में है, बात करेंगे। सीएचआरआई में पुलिस रिफॉर्म वॉच करके मुंबई के मैं रिप्रेजेंटेटिव को बोलूंगा, डॉल्फी डिसूजा करके हैं, वो ज्वाइन हो सकेंगे। वे भी कुछ लीगल, कल एक लीगल ग्रुप का कुछ कल पूरा प्रोग्राम हुआ था उनका, एक महीने का पूरा लिटरेसी प्रोग्राम में महाराष्ट्र स्टेट में, कल एक ऐसे ही जुलूस भी निकला था लीगल अवेयरनेस के ऊपर, तो कल से चालू हुआ है। मुझे पता नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा करके इस चीज़ में नहीं हूँ, सूचना अधिकार के छोड़ के मैं दूसरा कुछ सोचता नहीं हूँ, लेकिन इनको, उनको भी मैं बात सही है बता दूंगा और ज्वाइन होने कहूँगा मैं। या अपना शिवानंद भाई आप कोऑर्डिनेट करके अपना लाइनअप करिए, मैं ये दोनों जो लोग हैं उनके बारे में आपको डिटेल्स फोटोग्राफ सब दे दूंगा, और आप भास्कर जी से बात कर लीजिए कि प्रोग्राम को कैसे इसको अपन फाइनल ट्यून करते हैं। भास्कर प्रभु जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे और अपना अनुभव बताएंगे। मैं कार्यक्रम में रहूंगा करके गारंटी नहीं देता हूं। शिवानंद जी हर बार कंप्लेंट भी करते हैं आप हर संडे में, मैं हर संडे नहीं आ सकता हूँ। अभी देखिए मुझे टाइम मिला, लगाव तो है आने के लिए, लेकिन जब मिला तब मैं अंदर आ जाता हूँ, मुझे जो कहना है कह के निकल जाता हूँ। सॉरी शिवानंद जी मैं हर संडे को नहीं आ पाता हूँ। कोई बात नहीं सर, आप आते हैं, जब भी आते हैं तो आप कुछ धमाकेदार बातों के साथ आते हैं, ये आवश्यक है। ठीक है ठीक है, मैं डॉल्फी डिसोजा जो मुंबई के हैं, पुलिस रिफॉर्म और सीएचआरआई के इधर हैं, और उनका प्रिजनर्स राइट के ऊपर भी उनका एक अलग ही सेल है, शायद मैं उनको भी बात करके देखता हूँ कि वे इस प्रोग्राम में जुड़ जाएं। कल मेरी बात हुई थी हमारे कुछ साथियों से भी कि आपका जो 75th प्रोग्राम जो हो रहा है तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो अभी कल या परसों चीफ जस्टिस का जो स्टेटमेंट है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात आती है और पुलिस ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन की नक्सस है, कल या परसों दो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए हैं चीफ जस्टिस ने, तो उसको लेके हम लोग ये सोच रहे थे कि जो आपका 75th प्रोग्राम है उसके अंदर इस प्रकार से लाया जाए कि जहां से एक चीज फाइनल हो और उसके बाद सीधी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल में कन्वर्ट हो। बिल्कुल, तो उस एंगल से भी मैं कुछ लोगों से बात करता हूं। चीफ जस्टिस ने बात तो कही, हमारे मुंबई के कमिश्नर ही गायब है मुंबई से। कमिश्नर क्या, आपका मंत्री भी गायब है? दोनों गायब है, लुकआउट नोटिस है दोनों के ऊपर। हाँ ये है, और ये वेंकट रमन जी है, दो मिनट आप बोलेंगे? कल आप मेरे को टेलीफोन में बता रहे थे कि आपका चीफ जस्टिस रमना का स्टेटमेंट जो आया है वो पुलिस रिफॉर्म के लेके। अभी मैं कल ही आपको भेजा था, पेपर को छोड़िए ना, मुझसे बोलिए। टाइम टू पुट लेंस ऑन अट्रोसिटीज बाय बाबूस एंड पुलिस बाय चीफ जस्टिस रमना। आज एक ही अच्छा बात हुआ है, 70 साल में पहले बार हमारा बीच इतने अच्छा चीफ जस्टिस मिला है, वो रोज का रोज एवरी डे अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट इश्यूज अ स्टेटमेंट। इट डजंट मीन टू मेक ए स्टेटमेंट अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट, एक्चुअली वो सही बात रोज पेश कर रहा है हमारा बीच, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को अगेंस्ट लगता होगा। यस एवरी डे देर इज अ this nonsense is you are doing, SC tells regime sensitive cops, aap dekh sakte hai every day aap alag alag ye hai this thing and all news cutting. Hamara paas last 5 din mein chief justice of india ka almost 8 cutting hai, every cutting is something unique. This thing hum das yes highest, abhi aapne bataya ki Anil Deshmukh gayab hai, ये गायब है अजय सिंह एंड ऑल, अपना परमवीर सिंह, एंड जब पुलिस के पास हम लोग अप्रोच करते हैं किसी को ढूंढने के लिए
वो खुद को कमिश्नर को नहीं ढूंढ पाते तो मैं कैसा पुलिस को अप्रोच करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एनीवे लेट कम बैक टू द टॉपिक सर। तो मैं इनमें चाहूंगा कि जो हम लोग पुलिस रिफॉर्म पे दो वेबिनार किए थे और उसमें चार आईपीएस ऑफिसर्स आए थे जो वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज, अभी उसमें कुछ और को जोड़ेंगे। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल है वो ईडीआर की है, जिसमें जगदीप ठोकर साहब हैं और उनकी संस्था के मेजर जनरल अनिल वर्मा जी भी हैं, ये भी दोनों स्टॉलवर्ट हैं। उन फिर कॉमन कॉज है जो पुलिस रिफॉर्म के लिए जो पीआईएल की थी उसमें थे, और हम लोग भी इसमें पुलिस रिफॉर्म में जाना चाहते हैं। तो बॉम्बे के अंदर जो हाईकोर्ट के एडवोकेट है वाईपी सिंह, जो बॉम्बे के लोग हैं वो जानते होंगे, तो काफ़ी बड़ा नाम है उनका, तो उनको भी शामिल कर सकते हैं। तो ऐसी एक टीम तैयार की जाए कि जिसका कंसेप्ट यही हो कि नाउ इट इज़ टाइम दैट हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं पुलिस रिफॉर्म की बात लेके, कि आपने 2006 में जो जजमेंट दिया उस जजमेंट की धज्जियां तो परमवीर सिंह और वो आपके जो मंत्री हैं महाराष्ट्र के वही उड़ा के ले गए, तो ये गाइडलाइन कहाँ चली गई। इट इज़ टाइम कि अभी फ्रेश गाइडलाइन इश्यू की जाए, और जिस हिसाब से कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का अभी जो रवैया है तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई अच्छी ऐसी मतलब डायरेक्शन मिले जहां पॉलिटिकल नक्सस पुलिस का जो है वो टोटल परमानेंट खत्म हो जाए। इस प्रकार का एक माहौल है, तो हम जैसे आपने कहा 75वां हमारा वेबिनार है उसमें क्या किया जाए, तो हम ये सोच रहे थे कल और आज सबसे बात करने के बाद लगा कि अपन कोई भी एक ऐसा इश्यू पकड़े कि जो देश के एक दिल लिए एकदम गर्मा गर्म हो और उसको लेके हम लोग सीधे फाइनल करके कुछ लोग साथ में जुड़े और सीधा सुप्रीम कोर्ट जाए। कुछ अच्छे एडवोकेट को भी हम लोग बुला लेंगे कि जो प्रोएक्टिव होके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन को ले जाने के लिए भी तैयार हो। बिल्कुल सर, आई थिंक नाउ वी शुड क्लोज टुडे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम को आप संपन्न करते हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज का हमारा जो 67th कार्यक्रम था वो न्याय तक आम आदमी की पहुंच और जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जो नंबर है 15100 उस पर हुआ और सभी ने हमारे देश के विभिन्न कोनों से जुड़े हुए विभिन्न राज्यों से विभिन्न जिलों से जुड़े हुए लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया और उन्हें पता चला कि यह जो व्यवस्था है सिर्फ कागजों पर ही है और कहीं ग्राउंड में लागू नहीं होती है। उसका सीधा साधा उदाहरण यहाँ पे लाइव हुआ जिसमें उन्होंने उस नंबर पर कॉल किया और वो पूरी तरह से बंद बताया गया। और इस हमारे इस कार्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय श्री राहुल सिंह जी ने की है जो सभी कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते हैं। आज कुछ उनका टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो हमें लगता है कि वो ज़्यादा समय नहीं दे पाए, लेकिन जुड़े जरूर थे, हम उनका धन्यवाद देंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारे पूर्व उड़ीसा के पूर्व रिटायर्ड चीफ जस्टिस माननीय श्री कल्पेश झवेरी जी और साथ में वो गुजरात और राजस्थान के जस्टिस के पद पर रहे हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में और जब भी समय लगता है तो वो देते हैं। फोरम फॉर फास्ट जस्टिस हमारे जो हमारे साथी यहाँ पर हैं सबसे वो जुड़े हुए हैं, उसके लिए वो काम भी किए हैं। एक्टिंग चेयरपर्सन थे वो सालसा के स्टेट सर्विस लीगल अथॉरिटी जो है वहाँ की, और हमारे बीच में अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर राज कचरू जी थे जो निश्चित तौर पर एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं और वो आयरलैंड में रह करके उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी हुई है और जिस तरह से आपने देखा कि वर्ल्ड मेटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को और इस तरह से सभी संस्थाओं से वो जुड़े रहे, एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है उनका और वो अभी वर्तमान में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कैसे बेहतर ढंग से काम करे 15100 इसके विषय में वो पूरे देश में काम कर रहे हैं। तो अब उनके इस मार्गदर्शन के बाद जिस तरह से हमारा डिस्कशन हुआ इसमें हम निश्चित तौर पे कुछ चीज़ कंक्लूड करेंगे कि कैसे हमारे स्टेट एमपी और सीजी वगैरह में भी और अन्य जो स्टेट हैं उसको कैसे बेहतर ढंग से काम किया जाए। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में जुड़े, उम्मीद है हमारे बीच में इसी तरह से आते रहेंगे। फिर हमारे बीच में माननीय आदमदीप जी जो हमारे पूर्व राज्य सूचना आयुक्त हैं वो हमारे बीच में सदैव ही समय देते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद और वो एक तरह से हमारे इसके मेंटर और संरक्षक की तरह हमारे इस कार्यक्रम के। आज हमें थोड़ा सा खेद हुआ कि हमारे बीच में श्री शैलेश गांधी जी जो पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो और अपने कार्यकाल में 4.5 साल के कार्यकाल में लगभग 20,000 से अधिक प्रकरणों का उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग में निपटारा किया। ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उन्होंने वो रहे और हमेशा ही एक मेंटर की तरह मेंटर ही हैं, वो हमारे संरक्षक हैं और कार्यक्रम में हमेशा आते हैं, लेकिन आज किसी कारणवश वो नहीं उपस्थित हो पाए, हम उनको अगली बार सुनेंगे। और हमारे बीच में माननीय श्री प्रवीण पटेल जी जो नेशनल फेडरेशन फॉर फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के आप ट्रस्टी हैं, आप उसके संयोजक हैं, फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के आप ऑनरेरी ट्रस्टी हैं और बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं,
और आपने अपने समस्त अनुभवों और कार्यों को इस तरह से हमारे बीच में साझा किया और हमेशा ही हमारे बीच में हम सब मिलकर के इसी तरह से काम करते रहेंगे। श्री वेंकट रामन जी जो हमारे कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मुझे पता चला आप हमारे कार्यक्रम में आए और आप ट्रस्टी फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के और बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं नेशनल इशूज को लेकर, चाहे वो किसी भी तरह के नेशनल इशूज के बारे में इतना बेहतर कंसर्न और इतने सब तरह से आप लोगों का प्रयास है हम लोगों के लिए अनुकरणीय है और इसी तरह से हम आप लोगों के मार्गदर्शन में काम करते रहें, हम यही सब चाहेंगे। और कार्यक्रम में भगवान जी भयानी जी भी आए जो निश्चित तौर पे आप लोगों के एक तरह से हेड है वो इन सब एजेंसियों के, जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा उनको सुनकर। उनका कंसर्न जरूर रहा कि चूंकि वो वृद्ध व्यक्ति हैं लेकिन फिर भी उनकी बातों में वो दम है, वो देखिए आज भी कहते हैं कि आप ग्राउंड में उतरिए और इनका विरोध करिए क्योंकि कागजों से और इन चीज़ों से हो नहीं रहा है काम। सही है उनका कहना और हमें वो भी करना चाहिए लेकिन ये नहीं बंद करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं आज इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन चीज़ों के माध्यम से भी हम आपस में जुड़े रहें। तो इस तरह से हम आप सभी का एक बार पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। श्री नित्यानंद जी एडवोकेट जो इसमें समय दिए हमारे बीच में, हमारे इस कार्यक्रम का को ऑर्गेनाइजर, बहुत सारे साथी जो उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, बहुत सारे लोग अपनी बात नहीं रख पाए, हर बार कार्यक्रम में आते हैं हम एक दूसरे के अनुभव से कुछ सीखते हैं, इसी तरह से आप लोग जुड़े रहें और अगले कार्यक्रम में हम फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सारे ऑडियंस के तरफ से हम आपको धन्यवाद देता हूँ ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, आप नहीं हो तो ये प्रोग्राम नहीं होता था। हम सबके तरफ से आपसे अभिनंदन करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद वेंकट रमन जी, सभी साथियों को नमस्ते, आशीर्वाद बना रहे, नमस्कार।